इंसानी तारीख में ऐसे ऐसे वाक़यात पेश आए हैं जिन्हें सुन के, सोच के, समझ के इंसान दंग रह जाते हैं। ऐसी कहानियां सामने आई हैं, ऐसे किस्से सामने आए हैं जिसे कुदरत, नेचर, रियलिटी, लॉजिक, साइंस कभी कभी सब बेमायने हो जाते हैं। अचानक से एक घर में जहां कई सालों से आप रह रहे हैं, ऐसा महसूस होना कि आपके अलावा कोई और मखलूक भी उधर रहती है, या फिर एक ऐसे जिस्म में एक ऐसी मखलूक का आ जाना। या फिर कुछ इस तरह की क्रीचर्स का दिखना जो आम तौर पे इंसानों को इन जंगलात, पहाड़ियों, दरियाओं, रेगिस्तानों में नहीं मिलती। ऐसे ही कुछ अमेरिका के एक स्टेट में हुआ जब रात गए 1977 अप्रैल में मैसाचुसेट्स के एक शहर में कुछ इस तरह के वाकयात पेश आए जिसने उस छोटे से टाउन को टॉक ऑफ द टाउन बना दिया। अमेरिका का नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट कई जंगलात और ऊंची पहाड़ियों के रेंज की वजह से मशहूर था। वहां की हरियाली, वहां की खूबसूरती, उसकी वजह से उस जगह पे काफी टूरिस्ट आया करते थे। लेकिन ये जगह सिर्फ अपने टूरिज्म की वजह से नहीं बल्कि कुछ ऐसे वाकयात की वजह से मशहूर थी जिसके बारे में आज तक कोई ठोस सबूत नहीं मिल सके।
इन अजीब वाकयात की शुरुआत हुई 1977 की अप्रैल के महीने में, जब एक मैसाचुसेट्स के एक छोटे से रूरल इलाके में रात गए एक ऐसी मखलूक दिखी जो कि सिर्फ एक नहीं बल्कि एक से ज्यादा लोगों ने मुख्तलिफ मकामात पे देखी और बाद में वो मखलूक वहां पे रहने वालों के लिए एक खौफनाक मंजर पेश करती रही। अप्रैल की उस रात एक कपल अपने रिश्तेदारों की पार्टी से वापस आ रहा था और अपने घर की तरफ रवा दवा था। चारों तरफ अंधेरा था, खामोशी थी और वो गाड़ी जिस रास्ते पे चल रही थी उसके सीधे हाथ और उल्टे हाथ पे एक घना जंगल चल रहा था। उस जंगल के बीचों बीच ये कपल अपनी गाड़ी में रवा दवा थे। शायद उस पार्टी में कुछ इस तरह की कॉन्वर्जेशन हुई थी जिसकी वजह से इन दोनों मियां बीवी के बीच में शायद कुछ अनबन हो गई थी। रास्ते भर ये दोनों आपस में एक दूसरे से बात किए बगैर सफर का आगाज कर चुके थे। अभी अपने घर से थोड़े ही मिनट के फासले पे थे कि ड्राइविंग सीट के बराबर में बैठी हुई उस बीवी ने जैसे ही निगाह उठा के देखा जंगल की तरफ तो उसको लगा कि शायद उनकी गाड़ी की रफ्तार के साथ साथ जंगलों के बीचों बीच जो दरख्त हैं उन दरख्तों के पीछे कोई ऐसी मखलूक है जो इनकी गाड़ी को या इनको फॉलो कर रही है। चंद सेकंड के लिए ऐसा लगा कि शायद कोई जंगली जानवर है, लेकिन ये शक उस वक्त दूर हुआ जब गाड़ी की हेडलाइट्स उन दरख्तों पे पड़ी और उन दरख्तों के बीच उस लड़की को एक ऐसी मखलूक दिखाई दी जो दिखने में इंसान नुमा थी लेकिन जो उसका चेहरा था वो बिल्कुल एक मरे हुए इंसान यानी मुर्दा की तरह थी। जिसामत एक छोटे बच्चे की तरह, चाल उसकी ऐसे जैसे वो कोई जानवर हो, आंखें जो उस अंधेरे जंगल में चमक रही थी। जैसे उसने ये मखलूक को देखा उसने जोरदार चीख मारी। उस चीख की वजह से साथ में बैठे हुए उसके मियां ने फौरन ब्रेक लगाई। जितनी देर में ये सारा इंटरेक्शन हुआ उसने जैसे ही पलट के दोबारा उस जंगल की तरफ देखा तो वो मखलूक अब वहां नहीं थी। ये बात उसके मियां ने उससे पूछी कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से तुमने इतनी खौफनाक चीख मारी। उसने फौरन अपने मियां को बताया। मियां ने बजाय इसके कि वो गाड़ी से उतर के चेक करता, गाड़ी के शीशे के जरिए उसने आगे पीछे देखने की कोशिश की। उसी वक्त जब उसने साइड मिरर से देखा तो पीछे के मंजर में उसको ये दिखा कि गाड़ी की जो टेल लाइट है उस रोशनी में उसने एक मखलूक को गाड़ी के पीछे खड़े हुए देखा। ऐसी मखलूक जिसकी आंखें हरे रंग की थीं, जिसामत इंसान नुमा थी लेकिन दिखने में वो किसी जानवर से कम नहीं था। ये चंद सेकंड का इंटरेक्शन और देखते ही देखते वो मखलूक हवा में गायब हो गई। ये उस रात का उस मखलूक का पहला इंटरेक्शन नहीं था बल्कि उसी टाउन के ऑपोजिट साइड पे
यानी बोस्टन के साउथ वेस्ट में वाकई एक छोटे से टाउन में, जिसका नाम डोवर है। डोवर एक कम आबादी वाले घने दरख्तों के बीच घिरा हुआ एक छोटा सा टाउन है। सिर्फ अपनी एक ऐसा शहर, एक ऐसा टाउन जो माजी में भी कुछ इस तरह के वाकयात की वजह से काफी मशहूर था, बल्कि उस इलाके में कुछ ऐसी मखलूकात भी देखी गई थी जो कि शायद इस दुनिया से ताल्लुक नहीं रखती थी। उसी साल 1977 अप्रैल 21 को, जिस दिन उस कपल के साथ ये वाला इंटरेक्शन हुआ था उस मखलूक का, उसके चंद मिनट के बाद ही 3 टीनेजर्स अपनी गाड़ी में सवार थे जो अपने घर की तरफ जा रहे थे। रास्ते में गाड़ी में बैठे हुए एक लड़के ने जब बाहर की तरफ देखा तो उल्टे हाथ पे एक छोटी सी दीवार चल रही थी पहाड़ी के कोने पे। जब उसने उस पे गौर से देखा तो उसको लगा कि कोई शायद जंगली जानवर है जो बैठा हुआ है। लेकिन जैसे ही गाड़ी की स्पीड हल्की हुई और उस मखलूक के ऊपर चांद की थोड़ी सी रोशनी पड़ी तो वाज़े हो गया कि वो कोई जंगली जानवर नहीं बल्कि एक ऐसी मखलूक है जो दिखने में तो एक छोटे बच्चे की तरह है लेकिन शक्ल एक मुर्दा की तरह है। हैरान कुन बात यह थी कि ये मखलूक भी और उसकी आंखें उस अंधेरी रात में चमक रही थी। उन तीनों में से उस एक लड़के ने जब ये देखा तो उसने फौरन अपने दोस्तों को भी बताया। दोस्तों ने गाड़ी रोकने के बजाय गाड़ी की स्पीड तेज कर दी और जैसे ही वो उस मखलूक के सामने से गुजरे तो तीनों दोस्तों ने उस मखलूक को देखा कि वो उस जंगल के बीचों बीच गायब हो गया। अभी ये वाकया हुए चंद मिनट ही गुजरे थे कि वो तीनों अपने अपने घरों की तरफ भागे। जो सबसे पहले दोस्त जिसने उस मखलूक को देखा था वो अपने घर पहुंच के अपने वालिद साहब के पास जाता है और उनको ये पूरा माजरा बताते हैं और चंद मिनट के अंदर ही अंदर वो उस मखलूक का एक खाका बना देता है और ये खाका पहली दफा नहीं बनाया गया था बल्कि उसी बोस्टन के दूसरे कोने में वाकई एक और घर था जहां पे कुछ इसी तरह का वाकया पेश आया था। उसी रात जब एक 15 साल लड़का अपने घर की तरफ जा रहा था, रास्ते में उसने देखा कि एक सुनसान सड़क है और सड़क के दूसरे कोने पे एक छोटे कद का आदमी खड़ा हुआ है। दूर से उस सिल्वेट को देख के उसको लगा कि शायद कोई करीबी रहने वाला शख्स है। ये आहिस्ता कदमों के साथ उस रास्ते पे चलता रहा, तब जाके इसको अंदाजा हुआ कि ये कोई शख्स नहीं बल्कि कोई जानवर है। फिर देखते ही देखते वो जो मखलूक उस रोड पे खड़ी हुई थी वो साइड में बने हुए छोटे से एक पेवमेंट की तरफ निकलती है। इसको लगता है कि ये शायद कोई जंगली जानवर है या कुछ और है, ये उसके पीछे फौरन भागता है। चंद सेकंड का फासला तय करने के बाद वो जंगल के बीच में खड़ा होता है और अपने चारों तरफ नजर दौड़ा रहा होता है कि ये कौन सा जानवर था जो अभी दिखा है। उसी वक्त हल्की सी रोशनी एक दूर बड़े हुए पत्थर की तरफ पड़ती है जहां वो उसी मखलूक को खड़े हुए देखते हैं। उसी तरीके से उस मखलूक की आंखें चमक रही होती हैं।
जिस्म एक छोटे बच्चे जैसा होता है, लेकिन दिखने में वो एक ऐसी मखलूक होती है जो इस दुनिया से ताल्लुक नहीं रखती। जब वो 15 साल का बच्चा ये देखता है तो वो चीखे मारता हुआ जंगल की तरफ से बाहर निकलता है और मेन रोड पे पहुंचता है। वहां पे एक गाड़ी गुजर रही होती है जिसके अंदर कपल पहले से मौजूद होता है। वो इस बच्चे की हालत को देख के गाड़ी रोकते हैं, उससे पूछते हैं कि आखिर क्या हुआ है। वो गाड़ी में बैठता है और वो भी अपने घर की तरफ रवाना दवा होता है। चंद मिनट के अंदर ही अंदर उस पूरे इलाके में ये खबर फैल जाती है कि यहाँ पे एलियंस का अटैक हो गया है। अब जैसे ही ये खबर इदारों तक पहुंचती है तो वहां पे खलबली मच जाती है, इन्वेस्टिगेशन होना शुरू होती है। सबसे पहले शक पड़ता है कि कोई जंगली जानवर है, लेकिन उस बात की तस्दीक फौरन हो जाती है कि ऐसा कोई जानवर भी उस इलाके में मौजूद नहीं। फिर जो रेंजर्स होते हैं उस इलाके के, उनको डिप्लॉय किया जाता है कि जंगलों की तरफ देखा जाए कि ऐसी कौन सी मखलूक है जो यहाँ के रहने वालों ने विटनेस की है, लेकिन उनको भी कोई ऐसी शहादत नहीं मिलती। फिर जब ये खबर पूरे शहर में फैल जाती है तो एक शख्स निकल के बाहर आता है जो कि बोलता है कि ये पहली दफा नहीं बल्कि आज से 3 साल पहले भी कुछ इस तरह का वाकया पेश आ चुका है। जब वो अपनी कहानी बताता है तो पता ये चलता है कि वो भी इसी तरीके से रात में अपनी गाड़ी से आ रहा होता है और इन्हीं रास्तों पे चल रहा होता है जब वो अपनी गाड़ी के सामने एक मखलूक को खड़ा हुआ देखता है जो कि अचानक से उसकी नजरों के सामने गायब हो जाती है। आज भी उस इलाके में वो मखलूक कभी कभी दिखाई देती है। 1977 अप्रैल की वो रात, उस वक्त से लेके 1996 तक वो मखलूक दिखाई नहीं देती, लेकिन फिर 1996 के बाद कुछ इस तरह के वाकयात सामने आते हैं जिससे पता चलता है कि वो जो भी मखलूक है वो शायद उन्हीं जंगलों, उन्हीं पहाड़ों, उन्हीं गारों के अंदर कहीं छुपी हुई है। कई सारे लोगों का मानना ये है कि उस रात उन 4-5 यंगस्टर्स ने ये एक अफवाह फैलाई थी। कुछ का मानना यह है कि शायद कोई एलियन था, लेकिन उस वक्त की रिसर्च के मुताबिक अगर कोई एलियन था तो कोई स्पेसक्राफ्ट भी होना ज़रूरी थी, या कोई इस तरह की यूएफओ एक्टिविटी भी होना ज़रूरी थी जो कि नहीं हुई थी। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना ये था कि ये जो भी मखलूक थी, इसकी जो प्रेजेंस थी उस रात, वो एक पर्टिकुलर इलाके में ही थी जो कि बिल्कुल एक बहते दरिया के बराबर में था। हर इंसिडेंट, हर शख्स को जो ये मखलूक दिखी थी वो उसी बहते दरिया के करीब करीब दिखी थी। शायद ये कोई ऐसी मखलूक थी जो उस दरिया में रहती थी। वो कौन सी मखलूक थी, वो उस रात क्या कर रही थी वहां पे, उसके बारे में ज्यादा मालूमात तो नहीं, लेकिन जिसने भी उस मखलूक को देखा, विटनेस किया, उसका मानना यही है कि दिखने में तो वो एक इंसान नुमा ही चीज थी।
लेकिन उसके चेहरे पे जो खौफ था वो किसी जंगली जानवर से कम नहीं था। ऐसा क्या हुआ था 1977 की उस रात को जिसका खौफ आज तक वहां के रहने वालों को सताता है? लेडीज एंड जेंटलमैन, फ्रेंड्स एंड फेलोज, वेलकम टू द लेट नाइट हॉरर शो। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब साथ खैरियत से हमारा प्रोग्राम सुन रहे होंगे और ठीक ठाक होंगे। जितने भी लोग अभी ट्यून इन क्यू में, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अपनी हाज़िरी लगाना शुरू करें। चाहे आप फेसबुक पे सुन रहे हो, चाहे आप लोग यूट्यूब पे सुन रहे हो, जहाँ जहाँ भी हमारी आवाज़ पहुँच रही है, आप सबके लिए बहुत सारी दुआएँ कि अल्लाह ताला आप अगर बीमार हैं अभी तो आपकी बीमारी दूर करे, और जो लोग हमारे बीच में नहीं रहे उनकी मगफरत जरूर फरमाए। जो वाकया भी हमने आपके साथ शेयर किया उस वाकये को द लेजेंड ऑफ डोवर डीमन के नाम से जाना जाता है। कई सारी कहानियां, सही कई सारे किस्से, कई सारी मूवीज, कई सारी स्टोरीज, डॉक्यूमेंट्रीज इस हवाले से बनी जा चुकी हैं। कहा जाता है कि उन जंगलात में, उन पहाड़ों पे आज भी ये मखलूक दिखाई देती है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये मखलूक सिर्फ लेट नाइट दिखती है। चूंकि ये एक रूरल एरिया है तो यहां पे अक्सर रहने वालों के पास मवेशी होते हैं। शुरू शुरू में तो कुछ जानवर गायब होते गए, लेकिन उसके बाद ये चैप्टर भी खत्म हो गया। ना ही किसी को नुकसान पहुंचाया गया, ना ही कोई जानवर को नुकसान पहुंचा। हैरान कुन बात यह है कि अगर ये मखलूक वहां रहती है तो ये खाती क्या है, रहती किधर है, और ये पर्टिकुलर रात को ही क्यों नजर आती है? इतने सारे सर्च ऑपरेशंस के बावजूद भी इस मखलूक का आज तक कोई असल ठिकाना ढूंढ नहीं पाया। द डोवर डीवन, खैर जितने लोग अभी हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, आप लोगों के नाम शामिल करने की कोशिश करते हैं। हमाद हारून कहते हैं कि मिन्हाज, डज एलियन एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड? यस दे डू। मैं तो इतना ही बिलीव करता हूँ, अब तो बल्कि साइंस भी ये कहना शुरू कर दिए। यास्मीन कुरैशी, बहुत बहुत शुक्रिया। इकरा गजल, नहीं ये ओल्ड एपिसोड तो नहीं है? नहीं है भाई। हेरा मीर, आपका भी शुक्रिया। आमिर, थैंक यू सो मच। मोना, थैंक यू। ट्रेवल विद साद, आपका भी शुक्रिया। तुफैल, थैंक यू। नाही जमील, आपका भी शुक्रिया। एहतिशाम, बहुत बहुत शुक्रिया। सारा खान, थैंक यू। द गोल्डन आर, अमार रहमान, अवैस, राफे, एसन, जारा, अंबर, आमिर, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम ट्यून इन करने का। हमारे शो में शामिल होने के दो तरीके हैं। एक कि आप लोग अपने वाकयात हमें ईमेल कर सकते हैं official.minhajaliaskari@gmail.com पे। इसके अलावा एक
लिंक है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, इस लिंक पे क्लिक कीजिए और आप लोग हमारी स्ट्रीम को ज्वाइन कर सकते हैं। ऑलराइट, ये लिंक हमने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है, चाहे फेसबुक पे हो चाहे यूट्यूब पे हो, आप लोग इस लिंक पे क्लिक करने के बाद हमारी स्ट्रीम को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने साथ हुए वाकयात, वो वाकयात जिनका ताल्लुक जिन्नात से है, हॉरर स्टोरीज, गोस्ट स्टोरीज, क्या आपने कभी कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी विटनेस की, क्या आप ऐसे घर में रहते हैं जहाँ पे आपको लगता है कि आपके अलावा भी कोई रहता है, या फिर आप किसी ऐसी जगह को जानते हैं जहाँ पे इस तरह के वाकयात पेश आते हैं, तो आप लोग अपने वाकयात, अपने किस्से हमसे शेयर ज़रूर कर सकते हैं अगर करना चाहें। शराज असगर कहते हैं, मिन्हाज भाई ये अजीब नहीं कि हम हमेशा एलियंस को खुद से इंटेलिजेंट समझते हैं और जब भी उनका जिक्र होता है तो इसी टाइप का चेहरा इमेजिन होता है। यू आर एब्सोल्युटली राइट शराज, वो इसलिए इंटेलिजेंट समझते हैं क्योंकि जो आज तक की इंटरेक्शन हुई है इस मखलूक से उससे यही साबित हुआ है कि उनके पास वो टेक्नोलॉजी है जो शायद इंसानों के पास नहीं, जैसे अचानक से नज़रों के सामने से गायब हो जाना, यानी कि डायमेंशन अपनी चेंज कर लेना। शायद हमें ये लगता है कि उनका टाइम और स्पेस मुख्तलिफ है, तभी आपको दिखता है कि चंद सेकंड के अंदर एक ऐसी चीज़ जो शायद कई घंटे लगाए एक पॉइंट ए से पॉइंट बी जाने तक के लिए, वो लोग चंद सेकंड के अंदर अपनी डायमेंशन, अपनी स्पीड चेंज कर लेते हैं। इसके अलावा जो ये आपने बात की कि हमें हमेशा एक ही, हम एलियन का सुनते हैं सोचते हैं तो एक ही सांचा समझ में आता है, वो ऑब्वियसली फिल्म्स, सीरीज, डॉक्यूमेंट्रीज, प्रिंट, इसकी वजह से है, क्योंकि सबसे पहला जो हमें दिखाया गया इमेज वो अब हमारे चेहरे, हमारे दिमागों में छप चुका है। लेकिन क्या पता, आज तक की हिस्ट्री तो यही बताती है, जो फिल्मों में कई सालों पहले चीज़ें दिखाई गईं अब जाके वो हकीकत बन रही हैं, तो ये भी हो सकता है कि शायद दुनिया के किसी मुल्क ने इन्हीं एलियन में से किसी एक को पकड़ के अपने पास रखा हो। ये बीच में अभी एक खबर उड़ के आई थी कि यूएस के अंदर जो एरिया 51 है वहाँ पे काम करने वाले ने इस बात को ओपनली बोला कि उसने जब वो एरिया 51 में डिप्लॉय हुआ तो उसने एक ऐसा सेक्टर उस जगह पे विटनेस किया जहाँ पे इंसानों को जाना मना था, मतलब कुछ ही लोग उस रिस्ट्रिक्टेड एरिया में जा सकते थे जो कि हेविली गार्डेड एरिया था। जब उसने कोशिश की उस जगह जाने की तो उसको कई दफ़ा पकड़ा गया, मना किया गया, लेकिन एक दफ़ा वो कामयाब हो गया और उसने उधर जब देखा तो उसने, वो कहता है कि मैंने उधर यूएफओज, उनकी स्पेसक्राफ्ट्स, वहाँ पे अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट्स होते हुए देखे हैं। उसके बाद जो ये एक सिलसिला शुरू हुआ यूएफओज का, एलियंस का, तो आज तक वो रुका नहीं। खैर जनाब, आप लोग अपनी ईमेल्स हमें भेजना शुरू कीजिए official.minhajaliaskari@gmail.com पे, ताकि जितनी ईमेल्स आएंगी उतना ही हमारे शो में भी एक इंटरेस्टिंग पहलू पैदा होगा। खैर, जितने लोग हमारे प्रोग्राम सुन रहे हैं वो लोग कह रहे हैं कि कैमरा आज ऑन क्यों नहीं है, तो आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि आज लेट नाइट हॉरर शो है जो रेडियो वर्जन होता है, तो हम तकरीबन 1.5-2 घंटे बगैर कैमरा ऑन किए अपना प्रोग्राम करेंगे ताकि आपको वो रेडियो वाली फील आए जो आप
किसी जमाने में रेडियो पे सुना करते थे। खैर बहुत बहुत शुक्रिया ताहिर रजवी साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर सुपर चैट। डबल ए, थैंक यू फॉर योर सुपर चैट। अगर आप लोग हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं सुपर चैट सुपर स्टिकर्स के जरिए, या फिर सामने स्क्रीन पर आए हुए नंबर 03111577846 पे अपना इजी पैसा जैस कैश के जरिए भी आप लोग हमें सपोर्ट कर सकते हैं। कल की एपिसोड का पसंद करने का बहुत बहुत शुक्रिया। एंड अगर आप लोगों ने कल की एपिसोड नहीं सुनी तो जाके सुन लीजिएगा, हमारे चैनल पे मौजूद है। बढ़ते हैं अपने कॉलर्स की तरफ, इस दौरान होपफुली हमारे पास ईमेल आना शुरू हो जाए। जुनेद अहमद, अगर आपको आवाज़ आ रही है तो काइंडली अपना माइक एक दफ़ा ऑन ऑफ कीजिएगा ताकि हमें अंदाज़ा हो जाए कि आप अभी भी मौजूद हैं हमारे साथ, ताकि हम आपको अपनी स्ट्रीम पे शामिल कर सकें। जुनेद जी, अस्सलाम वालेकुम जुनेद, आपको आवाज़ आ रही है? हेलो, नहीं आ रही, चलें जी कोई बात नहीं। मोना, अगर आपको आवाज़ आ रही है तो काइंडली आप अपना माइक ऑन कर लीजिए प्लीज़। चले जी, अतीक खान हमारे साथ मौजूद है। अतीक, अगर आपको आवाज आ रही है तो काइंडली अपना माइक ऑन कर लीजिए प्लीज। अस्सलाम वालेकुम मिनाज। वालेकुम अस्सलाम अतीक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी। सर किधर से कॉल कर रहे हैं? हेलो लैग अतीक, काफी कर रही है मेरे लिए, आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो जी, जी क्या कह रहे हैं अतीक? अभी भी आपकी स्ट्रीम बहुत लैग कर रही है। आई थिंक वो आपके इंटरनेट की वजह से कर रही है। खैर आप मुझे बताइए क्या बात है? मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। अच्छा मिनाज, मैंने आपको ईमेल की थी कल एक ऑडियो के साथ, और मैंने आज भी आपको एक दो ईमेल्स की हैं उसके बाद। आई थिंक आपने ऑडियो सुनी नहीं सुनी अभी तक, आई एम नॉट श्योर। नहीं, मैंने अभी तक नहीं सुनी। अतीक आपकी आवाज जो है ना वो बिल्कुल नहीं आ रही, आप दोबारा से ज्वाइन इन करें, शायद आपकी आवाज बेहतर उस वक्त हो जाए। अच्छा जी, एक सेकेंड, हम ये ईमेल ही देख लेते हैं जो अतीक ने कहा है। अच्छा चलें जी, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ। मोहम्मद हारिस, होपफुली हारिस को आवाज आ रही है। अस्सलाम वालेकुम हारिस, आपको आवाज आ रही है? हेलो नहीं आ रही आवाज हारिस साहब की। मोना को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मोना, आपको आवाज आ रही है? अस्सलाम वालेकुम, आपको बहुत हल्की आ रही आवाज आपकी, जरा ऊंचा बोलिए। बहुत हल्की आवाज आ रही है। अब आ रही है आवाज मिनाज भाई? हेलो, आप अगर हैंड्स फ्री पे हैं तो हैंड्स फ्री हटा के बात कीजिए। नहीं नहीं मिनाज भाई, मैं हैंड्स फ्री पे नहीं हूँ, आपको आवाज अच्छा आ रही है? बहुत बहुत बारीक से आ रही है। चले खैर, और अगर जोर से बोलेंगी तो आ जाएगी, बहुत जोर से बोलेंगी तो सबको आ जाएगी। चिल्लाकर बात करती हूँ। अच्छा वो मुझे बस एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी कि आपको बताए कि जिन्नात जो होते हैं ना, उनके उनकी जो दुनिया होती है, उनकी वर्ल्ड, उनमें ना उनके जानवर भी होते हैं, एनिमल्स। आपको पता है ये बात? जी पता है। अच्छा जी, तो हो सकता है कि वो जो कुछ क्रिएचर्स ऐसे लोगों को नज़र आती हैं कि जो समझ नहीं पाते कि ये क्या चीज़ें हैं, इंसान की तरह हैं, ये क्या है, हो सकता है वो उनके जानवर होते हों। बिल्कुल हो सकते हैं। हाँ जी, तो ये बात मैंने कहा शेयर कर लूँ, तो इसलिए मैंने कॉल किया था। ओके चलें, थैंक यू मोना, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ ये बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है मोना, कि ये मखलूक सिर्फ एक इंसानी रूप में ही नहीं, मतलब इंसानी रूप से मुराद ये कि हमें हमेशा ही लगता है कि इंसान के रूप में, लेकिन ये जानवरों के रूप में भी पाई जाती है।
अच्छा जी, आज कोई शायद इंटरनेट का प्रॉब्लम चल रहा है जिसकी वजह से लोगों की आवाज नहीं आ रही। आई हैव नो आइडिया व्हाट्स रॉन्ग। राफे, राफे अगर आपको आवाज आ रही है तो काइंडली अपना माइक ऑन कर लीजिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। नहीं आ रही। नोप, अहमद अंसारी आपकी आवाज नहीं आ रही हम तक। खैर चलें जी, कोई बात नहीं, ना आ रही आवाज। चलें बढ़ते हैं अपनी फर्स्ट ईमेल की तरफ। अस्सलाम वालेकुम मिन्हाज, मेरा नाम काशिफ है और मैं कराची यूनिवर्सिटी में रहता हूँ। मैं जो इंसिडेंट आपको सुना रहा हूँ ये मेरे वालिद साहब के साथ आज से तकरीबन 25 साल पहले जब हुआ, जब उनकी शादी हुई थी और वो केयू में ही जॉब करते थे फार्मेसी डिपार्टमेंट के अंदर। तो हुआ यूं कि मेरे वालिद इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करते थे। एक दफ़ा हमारे घर तकरीब थी, अगले दिन के लिए सामान वगैरह लाए थे, मतलब चिकन वगैरह, और इत्तेफाक से रात में वोल्टेज की वजह से फ्रिज ख़राब हो गया था। तो वालदा ने बोला कि ये जो सारा सामान है इसे कहाँ रखें। तो पापा ने कहा कि मैं ऑफिस में रख के आ जाता हूँ, सुबह ले आऊँगा। यूनिवर्सिटी का एक डिपार्टमेंट में वो जॉब करते थे, उनका एक अलग सा कमरा था, वहाँ पे एक छोटा सा फ्रिज था जिसको वो अक्सर इन चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर सकते थे। तो वालिद ने चिकन को शॉपर में लिया और वो ऑफिस के लिए निकल गए। तकरीबन रात के 12:15 हो रहे थे। उनके डिपार्टमेंट के लिए एक शॉर्टकट रास्ता था, पापा ने सोचा यहाँ से चला जाता हूँ। वो वहाँ से चले गए, वापस आ रहे थे तो तकरीबन रात के 12:30 हो चुके थे। जब वो आ रहे थे तो रास्ते में एक बेरी का पेड़ आता था जिसके नीचे एक लड़की बैठी हुई थी, उसका सर जमीन की तरफ झुका हुआ था। वालिद ने बाइक रोकी, वो समझे कि शायद कोई स्टूडेंट है या शायद कोई और मामला है। उनके जहन में, उनके वहम व गुमान में भी नहीं था कि ये क्या चीज़ है। तो उन्होंने उससे पूछा कि कौन हो तुम, किसका इंतज़ार कर रही हो। तो उसने जवाब दिया कि मुझे तुम्हारा इंतज़ार था। जब ये लड़की ने बोला तो पापा समझे कि शायद मजाक कर रही है, तो उन्होंने कहा चलो मजाक छोड़ो और खड़ी हो जाओ यहाँ से। जब वो उठी तो मेरे पापा की नज़र उसके पाँव पे पड़ी। उसके पाँव उल्टे थे, मतलब जो उसकी उंगलियां थीं वो पापा की तरफ नहीं बल्कि पापा की दूसरी तरफ थीं, और एड़ी जो थी वो मेरे वालिद साहब की तरफ थी। वो ये मंज़र देखने के बाद खौफज़दा हो गए और फौरन उस जगह से भाग गए। कहते हैं कि जब वो जा रहे थे तो पीछे से जोर जोर से उनके हंसने की आवाज आ रही थी, और ये भी आवाज आ रही थी कि आइंदा इस जगह से मत गुजरना। वो बताते हैं कि जब वालिद साहब हमारे घर वापस आए थे तो उनकी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि उनको बाद में हॉस्पिटलाइज भी करना पड़ा। ओके, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ईमेल की तरफ। अस्सलाम वालेकुम मिन्हाज, मेरा नाम मुनीबुर रहमान है। मेरा वाकया ये है कि हम लोग नॉर्थ नाजमाबाद ब्लॉक जे में रहते हैं।
हमारी नानी का घर भी अगली गली में ही है। हमेशा हमने वहां कुछ न कुछ महसूस किया है उनके फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। जब तक हमारी नानी हयात थी वो व्रत करती रहती। हमने बहुत दफा वहां किसी के चलने की आवाज सुनी है, रात को किसी के भागने की आवाज सुनी है, बातों की आवाज सुनी है, मगर उस वक्त हमें यकीन हो गया जब हमारे मामू की शादी हुई और उनकी बेटी पैदा हुई। उस वक्त उनकी बेटी 5 साल की है। इस वक्त तो उनकी बेटी 5 साल की है। उसने सीढ़ियों की तरफ देख के हंसना शुरू कर दिया और टूटे फूटे जुमलों में ऊपर सीढ़ियों की तरफ इशारा किया कि वहां कोई आदमी है। जो भी है वो वहां बहुत अरसे से है, कभी नुकसान नहीं पहुंचाया, मगर बहुत अरसे से वहां पे रहता है। मैं 23 साल से उस मखलूक को वहां पे विटनेस कर रहा हूं। मेरे साथ वाकया लास्ट 7 महीने पहले आया। मैं कनाडा मॉन्ट्रियल पढ़ने आया। जहां हम जिस अपार्टमेंट में रुके हुए थे वहां रात को बच्चों के हंसने और भागने की आवाज आई। 2 दफा ऐसा हुआ। फिर हमने सूरह बकरा और सूरह यासीन काफी दिनों तक पढ़ी और अब अल्लाह का शुक्र है कि इस तरह के वाकयात पेश नहीं आते। ऑलराइट जनाब, ये 2 ईमेल्स थी जो हमने अभी आपके साथ शेयर की। उम्मीद करते हैं कि मजीद ईमेल्स भी आप लोग भेजते रहेंगे। सैयद जुल्कनैन, अगर आपको आवाज आ रही है, बल्कि फहद फारूक को शामिल करते हैं, होपफुली इनको आवाज आ रही है। अस्सलाम वालेकुम फहद। वालेकुम सलाम, क्या हाल है मिनाज भाई? अलग अलग लाख शुक्र जी। फहद किधर से ज्वाइन किया आपने हमें? मैं रावलपिंडी से बात कर रहा हूं। अच्छा जी, क्या वाक्य बताइएगा? एक्चुअली ये वाक्य है कोई 6 से 7 साल पुराना, जब मैं कॉल सेंटर में काम करता था। तो आप यकीन करें ये वाक्य आज तक नहीं भूला, इस वाक्य को काफी साल हो गए हैं। अच्छा। अक्सर हमें ब्रेक हुआ करती थी तो हम ना बैठा करते थे, गपशप लगाया करते थे। तो हमारा एक टी बॉय था, तो टी बॉय आके बैठा तो हमने ना, मैंने उसे वैसे एक सवाल किया कि इससे पहले आप मतलब कहाँ जॉब करते थे ना, तो उसने कान पकड़ लिए। तो मैंने कहा, कहता है मत पूछे कि मैं वो वाक्य नहीं बता सकता आपको ना। तो फिर हमने काफी दोस्तों ने फोर्स किया, बता दो कुछ नहीं होता ये तो वो ना। खैर उसने बताया कि इससे पहले एक गुजरात वाली साइड पे पोल्ट्री फार्म हुआ करता था, उधर में काम करता था। और वो पोल्ट्री फार्म था मतलब चारों साइड पे जंगल था और जंगल के बीच में पोल्ट्री फार्म था। तो मुझे काफी मतलब वहाँ के रहायशियों ने बताया था कि यहाँ से मतलब ना काफी जो लड़के हैं ना जो इसका ख्याल रखते थे पोल्ट्री फार्म का, वहाँ से छोड़ के भाग चुके हैं। तो खैर मैंने इस चीज पे कहता ध्यान नहीं दिया। तो मुझे ना बस जो वहाँ का मालिक मकान था ना, उसने कहा कि बस इधर 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 बैठ के ना पेशाब वगैरह मतलब इस तरह की कोई हरकत नहीं करना और रात को अंदर सोना। तो वो अकेला मतलब रात के टाइम ना ख्याल रखता था मुर्गे वगैरह का। तो कह रहा कि अक्सर सर्दियों का टाइम था तो मैं बोर हुआ करता था। मैं क्या करता था कि बाहर आग जला के बैठ जाता था। तो एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, मैं ऐसे बैठता था। और इस दौरान ना मतलब कह रहा रात के 3 बजे के बाद मतलब ना अक्सर मुझे ना थोड़ा से दूर जंगल से ना मतलब बच्चों के खेलने की आवाजें, औरतों की आवाजें आ करती थी। तो खैर कह रहा हो सकता है कोई आसपास गांव हो जहाँ से आवाजें आ करती थी। कह रहा फिर भी मैंने कोई ध्यान नहीं दिया। तो कह रहा कुछ हफ्ते गुजरे, मैं यही रूटीन होती थी, मैं आता था रात को आग लगा के बैठ जाता था। तो एक दिन ऐसा हुआ कि वो आग लगा के बैठा तो उसके पास ना एक बंदा आके ना मतलब कहता उसका कोई 7 फुट का कद होगा और एक लंबे सी चादर ओढ़ के आके ना मेरे पास बैठ गया। तो मैंने भी कहा चलो कोई होगा गांव से आ गया होगा, मुझे भी कंपनी मिल गई है, मैं अकेला होता हूँ। तो वो आके बैठा तो उसे मैंने उसका नाम पूछा तो पता नहीं मुझे खैर नाम नहीं याद। उसने बताया था कोई अजीब गरीब टाइप नाम था उसका। तो वो मुझसे बातें क्या करता था। तो एक दिन ऐसा हुआ कि मतलब उसका ये शेड्यूल हो गया था, वो रोज आके उसके पास बैठता था। फहद आप माइक
पे बहुत ज्यादा माइक के करीब है, थोड़ा सा फासला रखें माइक। जी जी आपसे आ रही है जी। अच्छा तो कह रहा कि फिर मैंने उससे ना सवाल किया, मैंने कहा कभी इसकी शक्ल वगैरह नहीं देखी, कह रहा वो अंधेरा इतना हुआ करता था कि ना मुझे मतलब शक्ल नजर आती थी, मतलब ज्यादा मतलब क्लियरनेस नहीं होती थी शक्ल की। तो मैंने कहा मैंने कोई इतना नहीं लिया, मैंने कहा चलो सर्दी का टाइम है, वो चादर मुंह पे मतलब इस तरह ओढ़ते हैं आपको पता है लंबी चादर होती है। तो कह रहा मुझे कंपनी मिल जाती थी, मुझे और कुछ नहीं चाहिए था। वो यही होता था वो जब भी मतलब वो जब आग लगाता था ना तभी आके वो उसके पास बैठता था और मतलब उसके अलावा उसके पास नहीं आता था। तो कहता है कि एक दिन मेरे लिए ना वो हलवा लेकर आया, तो कहता है कि हमारे ना गांव में शादी हुई है तो मैं ना ये तेरे लिए हलवा लेकर आया। तो कहता है मैंने खाया हलवा, बड़ा मजे का लगा मुझे। तो नेक्स्ट डे ना उसने मालिक ने राउंड पे आना था, तो वो आया तो ना उसको ना उसके कमरे से ना मतलब होते ना बदबू, अजीब सी बदबू आती है, वो आई उसके मालिक। तो वो उसने मालिक से पूछा तेरे कमरे से बदबू आ रही थी उसी इस डब्बे में क्या है ना। तो कहता है वो रात को किया आया था मुझे डब्बे में ना हलवा देखे गया। तो जब वो उसने उसके मालिक ने खोल के देखा तो मतलब कोई मतलब कलाजत कह लो या कुछ भी ना कह रहा ऐसी चीज थी उसमें से, मतलब ऐसी बदबू आ रही थी कि आप खड़े भी नहीं हो सकते थे उसके पास। तो खैर उसने मुझे डांटा शांटा और उसका खैर क्या उसने नहीं बताया उसको कि मेरे पास कोई आकर रात को बैठता। तो कह रहा हूँ इन दौरान ना मुझे ना मुझे बताता क्या बताता था कि तेरी ना शादी इस डेट को होगी, इसके बाद तेरे दो बच्चे होंगे, मतलब ना आगे का उसका बताता था और इसके बाद तुझे ना मतलब तलाक हो जाएगी। तो मैं ना कह रहा उसकी बातों पर हंसता था उसकी, मैंने ना इस बातों को इग्नोर किया। तो जब इसका अगले दिन वही हुआ कि इसने आग लगाई, हुआ कि इसके पास बैठा, तो उसने कहा यार तूने मुझे कौन सा हलवा ऐसा खिलाया था कि मेरे मालिक ने आके देखा वो सुबह कोई मतलब गलीज था। तो उसने फिर कहा कि एक बात बताऊंगा तुझे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा लेकिन एक शर्त है, तू डरेगा नहीं। तो उसने कहा बता दे कोई मसला नहीं है। तो उसने कहा कि मैं जिन्नू ना। तो वो पहले समझा साहब पहले कहते हैं तू मजाक कर रहा है, तो कहता नहीं मैं असल में जिन्हूं। तो जब उसने चादर हटाई ना कहता कि कह रहा मेरे आज भी रोंगटे खड़े हो सकते हैं, वो सीन याद करके आप यकीन नहीं कर सकते। वो कह उस तो मैंने कहा कोई मतलब डिस्क्रिप्शन हो किस तरह का था लुक वाइज, ये तो ना कहता मुंह से लेकर पांव तक उसके मतलब बाल ही बाल थे, हाथ पे बाल ही बाल थे, जैसे काला रिच नहीं होता उस तरह का था। तो कह रहा वो देखा और मैं अंदर भागूं और आपके मानो मैंने वजू किया और नमाज पढ़ना शुरू कर दी। तो फिर उसने उसको समझाया कहता है तुझे मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, तूने जो मालिक ने तुझे कहा था ना यहाँ पेशाब नहीं करना और इस जगह नहीं जाना, तूने अपने मालिक की बात मानी, तू मुझे अच्छा लगे लिहाजा मैं तुझे कुछ नहीं कहूँगा, तू बाहर आ सकता है। तो कह रहा फिर भी मैं बाहर नहीं गया, मैंने उसे कहा कि तू जा तो मैं नहीं आऊँगा। फिर कह रहा सुबह हुई है मैंने पहली गाड़ी पकड़ी और मैं वहां से भागू। तो कहता है कि उसके बाद ना जो जो उसने बातें की थी ना मेरे साथ के इस डेट पर तेरी शादी होगी इस नाम की लड़की के साथ, कह रहा वही हुआ, कुछ साल बाद मेरे दो बच्चे आए और उस थोड़े अरसे बाद मेरी ना डिवोर्स हो, कह रहा उसकी सारी बातें मतलब सारी सच निकली। तो ये था उसका वाक्य छोटा सा। तो उसने एक और बात की थी, कहता है कि मेरा ये नाम है, उसने पता नहीं मुझे बताया था मैं बोली, कहता जब भी तू मुझे याद करेगा ना मैं हाजिर हो जाऊंगा तेरे पास। तो कहता है ये वाक्य है मेरा, कह रहा है उसके बाद मैंने कभी उधर का रुख नहीं किया और ना कभी ये मैंने वाक्य याद किया। चलिए थैंक यू फादर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। चलें जनाब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट ईमेल की तरफ। सलाम मिनहाज, ये स्टोरी मेरे फादर की है। वो न्यूज़पेपर प्रिंटिंग का काम करते थे 1980s में। उनकी जॉब सऊदी अरब की शहर मक्का में लग गई। मेरे फादर एक रिलीजियस आदमी हैं, वो जिन भूत वगैरह से नहीं डरते और बहुत बहादुर हैं। तो उस ज़माने के मक्का लेबर लॉ के मुताबिक वो अपने हर एम्प्लॉय को घर, खाना और रिहाइश देते थे। तो मेरे वालिद को भी कंपनी ने घर रहने के लिए दिया। वो घर काफ़ी बड़ा था, उसमें 5 कमरे थे, काफ़ी बड़े बड़े। मेरे वालिद साहब सारा दिन ड्यूटी पे होते थे और मगरिब के बाद घर आते और इशा की नमाज के बाद सो जाते थे। कुछ दिन गुजारने के बाद उनको महसूस हुआ कि घर में कोई चीज़ है।
कभी सामान अपनी जगह से इधर उधर हो जाता, कभी कभी चीजें गायब हो जाती और किसी की मौजूदगी का एहसास होता, पर मेरे वालिद वहम समझकर इग्नोर कर देते। वक्त थोड़ा सा गुजरा, मेरे वालिद ने उस पूरे घर के लिए नए कारपेट खरीदे और घर में डलवा दिए। एक दिन वो ड्यूटी ऑफ करके घर आए, जॉब से वापस घर में अंदर दाखिल ही हुए, गेट लॉक किया, फिर सारे कमरे के जो नए कारपेट चेक किए तो उनके रूम के अलावा सारे रूम के कारपेट किसी ने उठा दिए थे और ऐसा लगता था जैसे किसी ने जानकर ऐसा किया हो। मेरे वालिद ने कारपेट वालों को कॉल की और कहा कि तुम लोगों ने कैसे कारपेट डाले हैं, सब उल्टे सीधे पड़े हुए हैं, यहाँ तो वो लोग भी यहाँ पे सारा सामान इस तरह पड़ा हुआ है। तो वो लोग भी हैरान हुए और कहा कि हम कल आकर देखेंगे और सही कर देंगे। फिर वो अपने कमरे में सो गए जाके, तो उनको महसूस हुआ कि मेन गेट किसी ने खोला है। वो बाहर मेन गेट पे गए तो गेट खुला हुआ था, वो हैरान। उन्होंने गेट लॉक किया और अपने कमरे में आकर अपना कमरा लॉक किया और वॉशरूम गए। वापस आए तो उनका कमरे का गेट भी खुला हुआ था। वहां एक सऊदी आदमी खड़ा था जो कि बहुत लंबा था। अरब की एक कौम है जिसे हबशी से जाना जाता है, वो उसी तरह का था और अरबी कपड़े पहना हुआ था। मेरे वालिद ने अरबी में पूछा कि तुम कौन हो, अंदर कैसे आए? तो उसने कहा कि मैं जिन हूं और मेरा पूरा कबीला यहाँ इस घर में 300 साल से आबाद है। मेरे बच्चे बीवी सब यहाँ रहते हैं, मैं मुसलमान हूँ इसलिए आपको नुकसान नहीं पहुँचाया, आप ये घर फौरन खाली कर दें। मेरे वालिद डरे नहीं, उसी वक्त घर का गेट खोला और बाहर चले गए, नए कारपेट भी वहीं छोड़ दिए और रात कंपनी में गुजारी। सुबह ऑफिस वालों को सारा वाकया बताया तो वहां सऊदी में ये बात आम है, वहां के लोगों के साथ इस तरह के वाकयात होते रहते हैं। इवन हरम शरीफ के आसपास आज भी ऐसे बहुत घर खाली पड़े हैं जहां मुस्लिम जिन्नात रहते हैं। मैं खुद वहां जा चुका हूं, विटनेस कर चुका हूं। खैर, फिर ऑफिस वालों ने मेरे वालिद को एक नया घर दिया और फिर कोई मसला दोबारा पेश नहीं आया। आज भी वो घर वैसे खाली पड़ा हुआ है। आज भी जब भी मेरे वालिद साहब उधर से गुजरते हैं तो उनको उस बंद घर में खिड़की की तरफ कोई खड़ा हुआ दिखाई जरूर देता है। ऐसा लगता है कि जब भी वालिद साहब उस जगह से गुजर रहे होते हैं तो वो मखलूक अपने आप को जाहिर करती है। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अली, थैंक यू फॉर योर ईमेल। चलें जी, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ। एंड ज़ुल्करनैन हमारे साथ मौजूद हैं, इनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ुल्करनैन, आपको आवाज आ रही है? हेलो, नहीं है। मिस्टर अली हमारे साथ मौजूद हैं, इनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अली। हेलो, अली आपकी आवाज नहीं आ रही, कोई बात नहीं। अयान जीशान, डिवाइस नॉट कनेक्टेड। अतीक खान, आपकी डिवाइस कनेक्टेड नहीं है। स्टडी वॉर्स, चले जी, ये स्टडी वॉर्स कौन है? अगर आपको आवाज आ रही है तो काइंडली अपना माइक ऑन कर लीजिएगा ताकि हम आपको स्ट्रीम पे शामिल कर सकें। नहीं जी, इनको भी नहीं आ रही, अल्लाह ही रहम करे। आज ज़ुल्करनैन ने हमें दोबारा ज्वाइन किया, होपफुली इनकी आवाज आ रही हो। जी अस्सलाम वालेकुम ज़ुल्करनैन। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, किधर से ज्वाइन किया आपने हमें? सर मैंने आपको मुल्तान से ज्वाइन किया जी। सर कैसे हैं आप? सर बिल्कुल ठीक ठाक, और मैं बहुत अरसे से आपका प्रोग्राम सुन रहा हूँ। मेरे पास अपना मोबाइल तो था नहीं, लेकिन किसी का मोबाइल लेके और मैं आपका आपसे एक वाक्य शेयर करना चाह रहा था। जी जी बताइए। सर ये वाक्य मेरे साथ मुजफ्फरगढ़ में पेश आया, ये तकरीबन आपसे 2020 की बात होगी। सही बताइए। सर हमारी एक रिलेटिव हैं, उनके साथ हम मुजफ्फरगढ़ गए हुए थे।
जहाँ पे हमारा स्टे था वो एक अंकल कॉलोनी में रहते हैं, मतलब एक फौजी एरिया है वो, वहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से क्वार्टर बने हुए हैं। तो ये वाकया कुछ यूँ है कि वो जिनके घर हम गए हुए थे वो हमें बाहर घुमाने फिराने लेके गए और कुछ लोगों से मिलवाया कि मेरा क्योंकि ताल्लुक सर सैयद फैमिली से है, सही। तो एक आंटी हमें मिली जो कि कहती थी कि हमने आपकी बहुत तारीफ सुनी है, क्योंकि हम पहली मरतबा उनके घर गए थे, तो उन्होंने काफी अपने लोगों को बताया हुआ था कि हम उनके घर आ रहे हैं और ये सैयद फैमिली से हैं, मतलब काफी कुछ बताया हुआ था। तो सर वो बताती हैं, वो कहती हैं हमारे घर चलें, तो जैसे हम लोग उनके घर में गए, अच्छा उनकी जो घर की गली थी ना सर, उसमें एंटर होते ही ना मुझे पता नहीं क्यों थोड़ी सी ना रॉन्ग फीलिंग आ रही थी, कुछ अच्छा अच्छा नहीं लग रहा था, पता नहीं क्यों ना ऐसे ऐसे ही कुछ हुआ। तो जब हम उनके घर गए वहां पे खाना वाना खाया, बातें की उनसे कुछ, तो वो कहती हैं कि हमारे घर में कुछ है, तो वो बताती हैं कि हमारे घर में ये होता है कि जब वो कपड़े सिलाई कर रही होती हैं जी तो कपड़े सिलाई करते हुए उनको ऐसा फील होता है जैसे कि कोई वाइट कलर का शेडो गुजरा है, हालांकि सही। वो रूम में अकेली बैठ के कपड़े सी रही होती हैं। और सर वो बताती हैं कि उनको ना अक्सर ऐसे होता है जैसे वो घर में उनको इतनी घुटन होती है जैसे सर सीने के अंदर कुछ चल रहा हो, या कुछ जैसे रोबोट टाइप चलता है ना अंदर से, आपको आवाजें अजीब सी सुनाई देती हैं। वो अंदर से वो कहती है मुझे ऐसे फीलिंग आती है और मैं इतनी घबरा जाती हूँ कि मैं रात को उठ के 3-3 बजे 4-4 बजे तक मैं लोगों के घर चली जाती हूँ कि मुझे घर में घुटन होती है, बहुत ज्यादा घुटन होती है। अच्छा और सर वो बताती हैं कि मतलब मैं एक रात कुरान पाक पढ़ रही थी, कोई आयत पढ़ रही थी, तकरीबन 2 से 2:30 बजे का टाइम था, तो मुझे पढ़ते हुए ऐसे फील हुआ जैसे कोई रूम में एंटर हुआ है, तो मैंने जैसे ही दरवाजे की तरफ देखा तो एक 6 से 7 साल का बच्चा रूम में आता है और मुझे कहता है कि ये जो आप इस टाइम पढ़ती हैं ये आप ना पढ़ा करें, और उसके हाथ में कोई किताब होती है। सर कहती है कि मैं इसको गौर से देख ही रही हूँ कि ये कौन है और ये मेरे घर पे क्या कर रहा है। इतनी देर में सर वो बच्चा गायब हो जाता है। अच्छा क्योंकि सर मेरी एज इतनी ज्यादा है नहीं, तो हम मतलब होता है ना टीनेजर्स कुछ शरारतियां शरारतें करते हैं, कुछ मतलब अलग से ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं। जी मैंने भी कह दिया, मैंने कहा ठीक है आंटी के घर में दिन है, हम भी दिन देखते हैं कैसे होते हैं। और उनका एक सर छोटा बेटा था, उसके साथ कुछ मामलात चल रहे थे, उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता और वो जब उसकी कंडीशन खराब होती उसकी आई साइड जो है ना वो रेड हो जाती थी, हाथ पांव टेढ़े मेढ़े हो जाना और इस तरह का उसके साथ हो रहा था। और सर उसके बाद फिर मतलब जैसे ही उन्होंने कहा तो मैंने कहा कि भाई हम ना एक काम करते हैं, आंटी के हमने बोला आंटी बुरा ना मनाए, हम जिन्नात को आवाज देते हैं, जिन्नात को बुलाते हैं, जिन्नात आते हैं। तो कुछ लोग क्योंकि साथ में बच्चे भी गए हुए थे तो कुछ लोग बाहर चले गए और हम जो लोग वहां पे मौजूद थे, मैं था और उनका एक बेटा था, दो बेटे थे उनके, और एक हमारे साथ एक आपी गई हुई थी वो थी। और मैंने ना सर आवाज लगाना शुरू कर दी कि यहाँ पे कोई है तो अपनी प्रेजेंस शो करे। और सर अब मैंने 3 से 4 मरतबा ऐसा कहा तो उनके जिन बेटे के साथ मसले मसाइल चल रहे थे उसके सीने में दर्द हुआ है, बहुत जोर जोर से दर्द हुआ है। अब ये नहीं पता ये उस वजह से हुआ है या किसी और वजह से हुआ है। फिर हमने उसे रिलैक्स करने के लिए, काम डाउन करने के लिए मैंने उसे पास बिठाया और सीने पे हाथ रखा, आंटी ने भी पानी वानी पिलाया, तो उसके बाद वो रिलैक्स हो गया। फिर हमने लाइट ऑन की, फिर मतलब हम थोड़ी देर फिर बैठे रहे, फिर हमने दोबारा ट्राई किया कि कुछ होता है, कुछ नजर आता है कि नहीं आता।
उसके बाद सर हमने दोबारा लाइट ऑफ करके फिर 2 से 3 मरतबा आवाजें लगाई हैं, और फिर सर फिर भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन सर जब जैसे ही हमने लाइट ऑन की है, उनका वो जो बेटा था वो जाके कमरे की एक एंड में चार पाई पड़ी हुई थी वहां पे जाके लेट गया है, और वो ही उनका तकरीबन 10 से 12 साल का बेटा होगा। सर मैंने उसको यकीन करे थोड़ी देर पहले उसे खेलते हुए देखा, और इतना वो शरारतें कर रहा था, और वो ही बच्चा उसकी एक चार पाई के एक कोने में एक टांग पड़ी है, एक दूसरी दूसरे कोने में हाथ भी उसने ऐसे अजीब तरह से फैलाए हुए हैं, और वो ना उंगली के इशारे से सब, हम क्योंकि बातें कर रहे थे हमें नहीं पता था कि इसके साथ कुछ हो रहा है, कि बस हमने उसको लेटते हुए देखा था। और सर फिर उसके बाद वो हमें कहता है कि खामोश हो जाओ सब, उंगली के इशारे से कहता, वो बच्चा क्या और जी बच्चा कहता। तो क्योंकि सर मुझे समझ नहीं आई, मैं उसके पास जाने की कोशिश की, मुझे वो इंग्लिश के इशारे से बता रहा है कि वहीं खड़े रहो, मेरे पास मत आना। सर उसके बाद फिर मैंने, हम तो वहीं खड़े हो गए, फिर आंटी ने पूछा कि क्या है तुम्हें, क्या हो रहा है, तो कहते हैं हम हाजिर हो गए हैं, और वो कहता है कि हम आप इस घर में आए ही नहीं थे, तब से हम यहाँ पे रह रहे हैं। और उसकी आवाज भी कुछ अजीब सी, ऐसा लगता है कि कोई बच्चा ही नहीं बोला, कोई जैसे कोई एजेड अंकल होते हैं वो बोलते हैं, इस तरह वो बोल रहा था। और कहता है कि हम इस घर में रहते हैं, और ये जो जहाँ पे आपने ये चार पाई रखी हुई है ना, यहाँ पे हमारी इबादत करने की जगह। अब ये इस बात से सुन के बहुत सारे लोग हंसेंगे, मुझे भी हंसी आई थी कि ये ऐसी कौन सी बड़ी बात है कि यहाँ पे चार पाई पड़ी है तो वो यहाँ पे इबादत करते हैं। तो मतलब उन्होंने कहा कि ये चार पाई यहाँ से हटाएं, और बात के जल्द से जल्द ये घर खाली करें, अब क्योंकि हम नमाज वगैरह पढ़ते हैं, हम मुसलमान भी नहीं है। उन्होंने ये भी कहा था, उन्होंने कहा था कि आप लोग नमाज तस्बीहात बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, इसलिए हम लोगों ने आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, और हम आपको कोई तकलीफ नहीं देना चाहते, इसलिए आप, इसलिए जल्दी आपके लिए बेहतर होगा कि आप जल्द से जल्द ये घर खाली कर दें, वरना हम शायद कुछ बुरा करेंगे आपके साथ। उन्होंने सर टाइम दिया 2 दिनों का कि आप 2 दिनों के अंदर अंदर ये घर खाली करें। तो आंटी ने कहा कि इतने जल्दी, क्योंकि हमें गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी, और इतने जल्दी हमें जो है ना घर कोई अलाउड नहीं होगा। तो फिर सर उसके बाद उन्होंने कहा ठीक है, हम 2 दिन के बाद दोबारा हाजिर होंगे, फिर हम उसके बाद आपको बताते हैं कि आपने क्या करना है। सही। अच्छा सर मेरे, यकीन करें जिंदगी में मुझे पहली मरतबा डर लगा है, जिंदगी में पहली मरतबा डर लगा है, बहुत ज्यादा डर लगा है मुझे। और फिर उसके बाद सर वहीं पे हम लोग दोबारा वो अपनी नॉर्मल हालत में आया है, और सर नॉर्मल, मैं सॉरी बीच में कुछ, क्योंकि सर मैं फर्स्ट टाइम कॉल कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ, आई एम सो सॉरी सर। नहीं, कोई बात नहीं, बताइए, कोई मसला नहीं। सर उन्होंने ये भी बताया कि उनका जो एक बेटा था वो मदरसे में हिस कर रहा था, उस फैमिली का या तो जिन वो किन का, उस नहीं फैमिली नहीं का। नहीं 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 उन आंटी का बेटा। सर उसके साथ ये होता था कि वो सब कुछ वो याद कर लेता था, और माशाल्लाह पढ़ाई में भी बहुत अच्छा था, लेकिन उस घर में आने के बाद उसकी पढ़ाई भी डिस्टर्ब हो गई, और वहां पे मतलब वो पढ़ाई भी नहीं कर पाता था, जो वो याद करता था जब कारी साहब को सुनाने के लिए जाता था तब उसको सब कुछ भूल जाता था। ये उसके साथ हो रहा था। उन्होंने जाने से पहले ये भी बताया कि उस आपका जो बेटा है ना, वो उनका जो सेकंड रूम था, उन्होंने बताया कि आपने, आपका बेटा वहां पे सेकंड वाले रूम में सोया, और हमें यहाँ पे सोना उसका अच्छा नहीं लगा, तो अब तब तक हम उसको मतलब इस तरह उसकी याददाश्त को काबू करके रखेंगे, या इस तरह उसको सुकून से नहीं रहने देंगे जब तक आप ये घर खाली नहीं करते। और सर उसके बाद फिर वो जब अपनी नॉर्मल हालत में आया, तो सर मैं, मुझे बुखार बुखार तो कुछ नहीं हुआ, मैं वापस फिर जिनके घर गया हुआ था उनके घर वापस आया हूँ, लेकिन सर मैं पूरी रात नहीं सो सका, मुझे ऐसा लगा मेरे आसपास कुछ ना कुछ है, वो शायद डर की वजह से था या क्यों था अल्लाह जाने। और ये कितनी पुरानी बात लेकिन है? सर ये 2020 की बात है, 2021 या 2020, नहीं मेरे ख्याल में 2020 की है।
कंफर्म नहीं है, लेकिन एग्जैक्ट मुझे लगता है कि 2020 की बात है ये। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया सर। गर्मियों के दिन पे। और मिनहाज भाई, मुझे वाकया सुनाते हुए थोड़ी सी मिस्टेक होगी होगी, प्लीज लोगों से कहिएगा मेरा मजाक मत उड़ाएं। आप लोगों की फिक्र ना करें। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। मिनहाज भाई, और भी बहुत सारे वाकयात हैं जो मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करता रहूंगा। डेफिनेटली, थैंक्स अ लॉट। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ऑलराइट, थैंक यू ज़ुल्कनैन। और आपने वाकया सुनाते हुए कोई भी गलती नहीं की, और अगर गलती कर भी ली तो आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, क्या लोग मैसेजेस कर रहे हैं? मैं शो ये कॉलर से बात कर रहा था तो लोग कह रहे हैं आवाज़ें आ रही हैं, आवाज़ें आ रही हैं। कौन सी आवाज़ें आ रही हैं? हमें नहीं आती, ना कॉलर को आती हैं, आप लोगों को आ रही होती हैं। आप लोगों के हेडफोन्स ख़राब हो गए होंगे, कोई आवाज़ वाज़ा नहीं आती। मेरी सांस की आवाज़ आ रही होगी, हो सकता है कि मैं ये वेप पी रहा हूँ उसकी आवाज़ आ रही हो शायद। चलें जी, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ। अबू हुरैरा हमारे साथ मौजूद हैं। अबू हुरैरा, अगर आपको आवाज़ आ रही है तो काइंडली अपना माइक ऑन कर लीजिएगा प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अबू हुरैरा, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक सर, आप सुनाएं? ठीक ठाक हैं, अल्लाह का लाख लाख शुक्र। किधर से ज्वाइन किया आपने? सर मैंने लाहौर से ज्वाइन किया। कहाँ से? आप बोलते बोलते गिर गए, कहाँ से आवाज आई, आवाज गायब हो गई आपकी? मैंने तो, मैं बहुत आपको अप्रिशिएट करूंगा कि माशाल्लाह से जो है वो बहुत अच्छा शो है। मैं लिटरली इसको 6 मंथ से देख रहा हूँ पिछले, और मुझे काफी अच्छा लगता है, मतलब के बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, आपके साथ कभी कोई ऐसे वाकयात पेश आए हैं? वाकया मेरा सुना सुनाया है दोस्त का एक, के मेरा एक दोस्त ने मुझे बताया कि वो उसका ना मतलब के मेरे दोस्त का ही दोस्त है, क्लोज फ्रेंड है, उसने बताया कि वो हॉरर मूवीज वगैरह मतलब बहुत देखता है और अकेला मतलब रहता है, यानी कि डिफेंस के एरिया में उसका घर है, तो पूरी लोकेशन तो एग्जैक्ट नहीं मैं बताऊंगा। हाँ जी सही। तो उसने मतलब के वो और अकेला रहता है, तन्हा रहता है, और उसका अपना एक रूम है। तो एक दिन क्या हुआ कि उसकी फैमिली जो है वो कहीं गई हुई थी फंक्शन पे, तो वो रात को लेट आया घर, और वो अपनी आम रूटीन में मतलब के जैसे कि कमरे में चला जाता है और मूवीज वगैरह लगा लेता है, तो इस तरह उसने लगा ली। तो वो बैठा हुआ था एक, तो वो मूवीज वगैरह देख रहा, तो उसको अचानक से पता चलता है कि उसके ना डोर जो है उस पर नॉकिंग हुई है, मतलब किसने नॉक किया। तो उसने पहले तो इग्नोर किया, मतलब कि वो अपने काम में बिजी था, जैसे आम रूटीन का उसका रोज का मामूल होता है कि कोई वीडियो देख रहा है उसका, उसने कहा कोई ना कोई होगा, कोई वीडियो में आवाज होगी या कोई मेरा वहम होगा, तो उसने इग्नोर किया। लेकिन थोड़ी देर बाद नॉकिंग की आवाज जो है वो थोड़ी तेज होती है, तो मतलब कि उसको लगता है कि वाकई कोई दरवाजे पे दस्तक दे रहा है। तो वो हेडफोन उतार के अपने पूछता है कि कौन है, तो आगे स्टिल कोई आवाज तो नहीं आती 2 मिनट 3 मिनट तक 4 मिनट तक। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद जो है, एक आधे मिनट के बाद थोड़ी दस्तक की आवाज और थोड़ी तेज होती है। वो फिर दोबारा पूछता है कि कौन है, बाहर कौन है? तो उसकी एक ना मतलब कि आम रूटीन में उसकी एक छोटी बहन होती है, तो जो उसको मतलब के ऊपर आके बुला के लेके जाती होगी रोज नीचे के, मामा बुला रही है, पापा बुला रहे हैं आपके, सो इसलिए उसको उसकी आवाज आती है। वो कहती है कि भाई असरान भाई आप नीचे आ जाए, तो मैं अकेली हूँ नीचे, मुझे डर लग रहा है। वो समझता है कि वाकई के इकरा को इधर ही छोड़ गए हैं मेरे घर वाले, मतलब कि उसको नहीं लेके गए बाहर, या वो नहीं गई होगी। तो वो कहता है कि तुम इकरा, तुम जो है वो तुम गई नहीं है फैमिली के साथ, मतलब कि वो सारे बाहर गए हैं तो तुम नहीं गई, तो आवाज नहीं आती कोई आगे से, रिप्लाई नहीं आता, बस यही बात आती है कि आप नीचे आ जाए मैं अकेली हूँ, उसके बाद कोई आवाज नहीं आती। बट वो फिर दोबारा पूछता है कि इकरा मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि तुम नहीं गई फैमिली के साथ? तो वो आगे से भी थोड़ी देर बाद आवाज आती है कि उसकी मतलब कि लिटरली उसकी बहन की बात है, मतलब कि वो कहता है कि मेरी कन्वर्सेशन हो रही है 1 से 2 मिनट के दरमियान, मुझे बिल्कुल लग रहा है कि मैं अपनी जैसे रोज रूटीन में अपनी बहन से बात करता हूँ ऐसे ही मैं उससे बात कर रहा हूँ। सो वो कहती है कि हाँ मेरी तबीयत नहीं ठीक थी इसलिए मैं नहीं गई। तो वो कहता है कि दोनों बहन भाइयों ने आपस में एक दूसरे को देखा नहीं है, बस वो ऊपर है ये नीचे है और आवाज हाँ, है ऊपर। हाँ ऊपर, मतलब कि डोर है ना बीच में, रूम उसका सेपरेट है, तो वो बाहर से नॉक करके उसको कह रही है ठीक है सही। तो हाँ, तो वो मतलब कि वो उसको कह रही है, तो वो उसके बाद कहती है कि हाँ मेरी तबीयत नहीं ठीक थी इसलिए मैं नहीं गई भाई। तो वो कहता है चलो ठीक है तुम नीचे जाओ मैं आता हूँ। तो वो उसी वक्त जो है वो अपना फोन उठाता है और वो फैमिली को अपनी अपनी मदर को कॉल करता है, जैसे ही वो कहता है कि ना कि आप इकरा को साथ नहीं लेके गए, मीन्स कि आप उसको क्यों साथ लेके गए?
तो वो कहती हैं कि उसकी मामा कहती हैं कि बेटा तुम्हें तो ये तुम्हारी ठीक है, मतलब कि वो तो हमारे साथ है फंक्शन में, मतलब कि उसको साथ लेकर आए हुए, तो तुम कैसे कह रहे हो तुम, मैं सब खैरियत तो है वहां पे। वो फिर अब वो थोड़ा सा शॉकिंग होता है, मतलब कि ये किसी के लिए भी अगर सुनेगा तो उसके जमीन निकल जाएगी पाँव से, कि यार मेरी बहन एक उधर बैठी है, एक इधर मुझे बुलाने आ रही है। सो वो मतलब वो अपने कहता है कि फैमिली टेंशन में ना जाए, इग्नोर करता, वो कहता है हाँ चलो ठीक है मेरा कोई वहम होगा। तो उसकी मामा कहती है मैं तुम्हारी जो है वो उससे बात भी करा देती हूँ, मतलब कि एक तरह से वो अपनी बहन से बात भी करता कॉल पे बकायदा, कि उसकी बहन उधर ही है मतलब फैमिली के साथ। सो अच्छा जब वो, मैं एक बात बताना भूल गया, जब उस वो कहती है ना कि जब वो उसको कहता है कि चलो मैं ठीक है तुम नीचे जाओ मैं आता हूँ, तो जो उसको बकायदा ये फील होता है कि जो उनका मतलब कि स्टेयर्स है ना उतरने की, नीचे ग्राउंड फ्लोर पे जाने की, तो उसमें मतलब कि उतरने की आवाज भी बकायदा आती है कि कोई गया है नीचे बकायदा। अच्छा तो हाँ जी मतलब कि उसको इतना फील होता है क्योंकि खामोशी होती है, कोई अकेला घर है, अकेले घर में ऊपर से तो इतना तो पता चल जाता है। तो वो जो है वो उसकी मामा क्या उससे बात करवाती है, तो जैसे वो फोन मतलब कि रखता है बंद करके तो कहता है कि क्या मतलब कौन था भाई, तो हिम्मत करके जो है वो दरवाजा खोलता है, देखता है बाहर मतलब कमरे में, कमरे से बाहर देखता कोई भी नहीं होता, यहाँ तक कि वो नीचे जाता है ग्राउंड फ्लोर पर चेक करके आता है, लाइट्स वगैरह बंद होती है ग्राउंड फ्लोर की, यानी कि फैमिली तो गई होती है, और जो उनका रूम होता है उसकी सिस्टर का भी वो भी मतलब कैसी ब्लैकआउट होता है, बंद होता है सर, और मतलब वो डर जाता है थोड़ा सा कि यार ये मतलब कौन था और इसने किसने मुझे आवाज दी यार, बकायदा उसकी आवाज में मेरी बहन की आवाज है। फिर ऊपर आके जो है वो परेशान होकर जो है वो अपने कंप्यूटर पे लैपटॉप पर आके वो कहता है मैं 99 नेम्स जो है अल्लाह के वो प्ले कर देता है ऊंची आवाज से कमरे में, हेडफोन उतार कर ताकि उसको थोड़ा सा हौसला हो, मतलब कि वो थोड़ी सी सिर टेंशन से बाहर निकले। तो ये वाकया था एक मेरा छोटा सा, क्योंकि मैंने अपने दोस्त से सुना, हम जब आपस में बैठते हैं गैदरिंग में तुम इस तरह की, मुझे काफी शौक है, इंटरेस्टेड मैं होता हूँ चलिए इस चीज इस तरह की। बाकी थैंक यू आपका बहुत 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 शुक्रिया शुक्रिया, सर आपका। जी अपना ख्याल जी रखिएगा, बहुत अल्लाह शुक्रिया, हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह। अच्छा जी, जितने भी शर्लॉक होम्स हमारी चैट पे बैठे हुए हैं और अभी तक जो है ना वो उसी मुद्दे पे चल रहे हैं कि मिन्हाज भाई आपने साउंड इफेक्ट लगाया होगा, ये साउंड पीछे से आप आवाज़ें निकाल रहे होंगे या फिर ये हो रहा है वो हो रहा है, मैं आप सबसे कैटेगोरिकली बोल रहा हूँ कि कोई आवाज़ नहीं आ रही भाई, कुछ भी नहीं हो रहा। हो सकता है कॉलर की सांस में आवाज़ आ रही हो, मेरी सांस की आवाज़ आ रही हो, इट्स ओके। हर चीज़ को जिन्नात से फौरन नहीं जोड़ा करें, हल्की सी भी आवाज़ आ जाए तो ओ जिनागी जिनागी जिन है कि मतलब क्या है, बात बात पे आ जाता है आप लोगों के अंदर। हाँ अच्छा जी, जितने भी लोग अभी प्रोग्राम सुन रहे हैं आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने नाम दोबारा से शामिल करना शुरू कर दीजिए। नबील सईद, मिन्हाज भाई कोई विस्परिंग कर रहा था कोई, अच्छा भाई कर रहा हो, चलें आप लोगों की तसल्ली के लिए मैं कर रहा था बस, अब आगे बढ़ें ज़िंदगी में आगे बढ़ें। शुमाइला खान थैंक यू सो मच, मशहूद अली आपका भी शुक्रिया, हसनैन हुसैन हैदर थैंक यू, हसन इरशाद आपका भी शुक्रिया, मेविश थैंक यू सो मच, नो नेम या नो नेम आपका नाम ही नहीं है, गुल हसन वालेकुम अस्सलाम, एंड अनम राशिद, उमर शब्बीर आपका बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू, नकाश थैंक यू सो मच। चलें जी बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ, बल्कि एक ईमेल की तरफ बढ़ते हैं और उसके बाद कॉलर को शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मिन्हाज, मेरा नाम अब्दुल रहमान है और मैं आपसे अपने कज़न का एक वाक़या शेयर करना चाहता हूँ। ये वाक़या ज़रूर आपने अपने यूज़र्स या अपने लिसनर्स को सुनाना है ताकि कोई भी नई फैमिली अगर शिफ्ट हो रही है किसी नए घर में तो उनको पहले से पता हो। ये ज़्यादा पुराना वाक़या नहीं बल्कि 5 महीने पुरानी बात है। मेरे 4 कज़न्स हैं और वो चारों बहन भाई हैं, उनमें से छोटे वाले भाई की शादी हुई और वो शादी के बाद एक नए घर में शिफ्ट हो गए। ये घर गुलबर्ग ब्लॉक 10 में वाके है। एक हफ्ते तक तो सब सही रहा, फिर एक हफ्ते बाद ही कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हुई उनके साथ, लेकिन उन्होंने इग्नोर किया। फिर कुछ दिनों बाद यह हुआ कि एक रात उनके बड़े भाई अपने कमरे में कंप्यूटर यूज कर रहे थे और कमरे का दरवाजा खुला हुआ था, उन्होंने देखा कि टीवी लाउंज में यानी रूम के दरवाजे के बाहर उनका छोटा भाई जिसकी शादी हुई थी वो खड़े हुए हैं और उनको गुस्से से देख रहे हैं और उनकी आंखें बेहद लाल हो रही हैं।
बड़े भाई अपनी वाइफ को आवाज लगा कर कहते हैं, जो सो रही थी। फिर अचानक यूं हुआ, वो भाई जो खड़ा हुआ था वो अचानक लंबा होना शुरू हो गया और उसकी हाइट बहुत ज्यादा ऊंची हो गई। बड़े भाई ने जोर से आवाज लगाई अपनी बेगम को और इस दौरान वो गायब हो गया और एक काली बिल्ली वहां से भागी। और कुछ ही दूर एक पीपल के दरख्त जो घर के सहन में लगा हुआ था, वहां वो बिल्ली जाकर गायब हो गई। फिर बड़े भाई छोटे भाई के कमरे में गए, पूछा कि तुम अभी बाहर आए थे? तो वो कहने लगा, नहीं मैं तो नहीं आया था। फिर 2 से 3 दिन बाद छोटे भाई की वाइफ लेटी हुई थी बिस्तर पे और किसी ने बहुत जोर से उनका पूरा बिस्तर हिलाया। उस वक्त रात के 3 बज रहे थे। उसी वक्त उनकी पूरी फैमिली आधी रात को उस घर से भाग गई। वहां के काम करने वाली बताती है कि इस घर में चुड़ैल का बसेरा है। इसी घर में एक बच्चे की मौत भी हो चुकी है और वॉशरूम में बाल्टी में वो डूब के मर गया था। मिन्हाज, ये असल वाक्य आज भी उस घर में चुड़ैल का बसेरा है। सबसे शेयर कर लीजिएगा। लैंडलॉर्ड कुछ नहीं बताते, मुसीबत रहने वालों को आती है। खुदा सबकी हिफाजत करे। ये वर्ड मैंने और आपने बचपन से ही सुना है, चुड़ैल, सही है। और हमने हमेशा ये सुना है कि ये चुड़ैल होती है, ये इसके पैर टेढ़े होते हैं, इसके ये एक ऐसे रूप में सामने आती है, यूजली लाल कपड़े पहनी हुई होती है, शादी के लिबास में होती है, अंधेरी जगह में खड़ी होती है, लिफ्ट मांगती है, लोग लिफ्ट देते हैं, फिर ये अपने असल रूप में आ जाती है। कभी हमने कहानियाँ सुनी हैं कि उस चुड़ैल ने किसी को मार दिया, कभी सुनने में आती है कि वो चुड़ैल हंसती है, मजाक उड़ाती है कि अच्छा हुआ तुम नहीं रुके वरना मैं तुम्हें मार देती। और ये जो कहानियाँ हैं ये अभी की नहीं बल्कि ये अरसा दराज 100 साल 150 साल पुराने वाकयात हैं जो हम तक पहुँचे हैं। और अमूमन यही वाकयात होते हैं कि पैर टेढ़े थे, भाग गई, ये हो गया, वो हो गया। तो हमने सोचा कि यार ज़रा चुड़ैल के बारे में मज़ीद मालूमात ढूंढते हैं, उसका शजरा निकालते हैं, भाई कहीं ना कहीं से कोई एक वो वाकया हम ढूंढने की कोशिश कर रहे थे कि जिससे ये चुड़ैल वर्ड इजाद हुआ और ये फिर इस दुनिया में हमारे सामने ये कहानियां बनना शुरू हुई। तो नेक्स्ट वीक जो आने वाला हफ्ता है उसमें हम एक चुड़ैल स्पेशल करेंगे और उसमें आपको बताएंगे कि इसकी ये ओरिजिनेट कहाँ से हुई, कहाँ से इस तरह के वाकयात बने, क्या इनकी हकीकत है, क्या होता है। और उसके अंदर कुछ रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट भी होगा, सोशल कॉन्टेक्स्ट भी होगा। मुख्तलिफ ममालिक में इस मखलूक को किस किस नाम से जाना जाता है और सिर्फ क्या ये साउथ एशिया में ही ये मखलूक दिखाई देती है या इसके अलावा भी दुनिया में और ममालिक में ये मखलूक दिखाई देती है। तो अगर आप लोगों को पर्टिकुलर एक स्ट्रीम सुननी है चुड़ैल के बारे में तो वेट फॉर दैट स्ट्रीम एंड आई गिव यू माई वर्ड्स, एक आई ओपनर होगा। खैर जनाब, तकरीबन 1 घंटा 20 मिनट की हमारी स्ट्रीम हो चुकी है एंड बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ। साद शहजाद हमारे साथ मौजूद है। साद हमारे साथ मौजूद है, अस्सलाम वालेकुम साद। जी वालेकुम अस्सलाम मिन्हाज भाई, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी परफेक्ट आवाज़ आ रही है। साद किससे ज्वाइन किया आपने हमें? जी मैं स्टॉकहोम स्वीडन से बात कर रहा हूँ। स्वीडन से बात करें जी, वाओ। तो स्वीडन तो जैसे स्कॉटलैंड है वैसे ही स्वीडन भी काफ़ी स्पूकी लगता है, जो वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है इन सारी चीज़ों से। एग्जैक्टली यहाँ पे इनफैक्ट बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पर लाइक प्रोहिबिटेड है जाना सर्टेन टाइम्स पे। अच्छा, आप कितने अरसे से रह रहे हैं स्वीडन में? मुझे 1 साल हो गया अभी। 1 साल हो गया तो आपने कभी कोई ऐसी चीज़ विटनेस की स्वीडन में या अपनी ज़िंदगी में कभी इस तरह के वाक़यात आपने एक्सपीरियंस किए? मैंने एक्चुअली यहाँ पे लास्ट अक्टूबर में हेलोवीन के करीब यहाँ पर मैंने विटनेस किया था, बट दैट वाजंट अ हॉरर इंसिडेंट। मैंने आपकी स्ट्रीम पे वो शेयर किया था, वो समथिंग रिलेटेड टू इल्यूमिनाटी इन फ्री मेसंस। सही है, मेरे साथ यहाँ पर वो हुआ था। बाकी मैं एक और वाक्य शेयर करना चाहता हूँ,
मेरे सेकंड कजन है, वो लाहौर में रहते हैं। सही। तो उनके साथ हुआ था। अब मैं एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बताऊंगा लाहौर में कहाँ पर है उनका घर, लेकिन वो एक कब्रिस्तान के पास है और बिल्कुल थोड़ा सा ही साथ उनके एक मज़ार भी है। तो अब वो जो मेरे कज़न है उनको बहुत शौक़ है हॉरर मूवीज़ देखने का और इस तरह कज़न्स की गैदरिंग करके, तो वीकेंड्स पे यू नो पिक्चर लगाने का कोई हॉरर और साथ बैठ के बस इस तरह के प्लान्स करने का। तो ये आज से 2 साल पहले की बात है, उन्होंने एक प्लान बनाया वीकेंड पे, मुझे भी उन्होंने इनवाइट किया था बट मैं ड्यू टू सम रीजंस नहीं जा सका। तो हमारे बाकी कज़न गए उनकी तरफ और उनका जो घर है वो इटसेल्फ मतलब काफ़ी कह लें कि आप स्पूकी वाइब्स थोड़ी सी देता है ना, बट दे आर प्रोन टू इट, वो वहाँ पर रहते हैं तो उन लोगों वो आती हैं उस चीज़ की। लेकिन हम में से जो भी उनके घर जाता है ना, हमारी कोशिश होती है कि हम अंधेरे से पहले वापस आ ही जाएँ। तो अब ये बात है, जब उन्होंने प्लान बनाया वीकेंड का मूवी देखने का, तो आई एम नॉट श्योर तब द कंजूरिंग 2 थी या द नन थी, कौन सी मूवी थी जो उन्होंने देखनी थी। तो अब उन्होंने खैर सारा कुछ सेटअप वगैरह किया रूम के अंदर, उनका ग्राउंड फ्लोर पे था घर के, और उनकी रूम की विंडो से कब्रिस्तान एक साइड से नज़र आता था और दूसरी साइड से एक मज़ार नज़र आता था। तो अब जब वो सब लोग बैठ के 12 बजे का टाइम था रात के, तो उन्होंने मूवी लगाई प्ले शुरू किया। तो अब वो आपको पता है जब लड़के लड़के इकट्ठे हों तो हॉरर मूवी मतलब वो एक शुगल में भी कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है, हर कोई अपनी मतलब घोंगियाँ भी मारता है बीच में। तो दैट्स हाउ इट स्टार्टेड, हर कोई मतलब जॉली मूड में था और सब खुश थे देख रहे थे। तो अब एक जब इंटेंस सीन आया, सब लोग चुप करके बैठ के काफ़ी फोकस थे, तो मुझे बताते हैं कि उनके कमरे में स्टील का ग्लास पड़ा हुआ था ऊपर शेल्फ पे, वो इटसेल्फ नीचे गिर गया और उसका काफ़ी शोर हुआ क्योंकि वहाँ सर्दियों का टाइम था, सन्नाटा था, तो हल्की सी आवाज़ बहुत ज़्यादा फील होती थी। तो वो जो मेरा कज़न था उसने वो ग्लास जो वहाँ पे रहता था उसने वो उठा के वहाँ ऊपर रख दिया और उसने बाकियों को काम डाउन किया कि कोई ऐसा सीन नहीं है, मे बी मतलब वैसे गिर गया होगा, सही पड़ा नहीं होगा, कुछ इस तरह से होगा। उन्होंने खैर उसको इग्नोर किया, वो दोबारा देखना शुरू हो गया मूवी। तो अब वो फिर से देख रहे हैं मूवी उन्होंने, तो उनको फिर थोड़ी देर बाद जो है ना उनको दरवाजे पे नॉक फील हुआ कि शायद किसी ने नॉक किया, बिल्कुल हल्का सा नॉक करके 2-3 दफ़ा फिर छोड़ दी। अब उन्होंने वेट किया कि अगर कोई है बाहर तो वो दोबारा नॉक कर देगा, लेकिन वो दोबारा नॉक नहीं हुआ। फिर से उन्होंने उसको अपना थोड़ा सा वहम समझ के तो उसको मतलब इग्नोर किया। अब दोबारा मूवी की तरफ अटेंशन थी उन सब की, तो वो मुझे बताते हैं कि उनके रूम में चेयर हल्की सी ड्रैग हुई है, ठीक है, और वो चेयर ड्रैग हुई है और उनका जो रूम है वो ऐसे हिलने लग गया जैसे मतलब लाइट हेक्टर स्केल का जल्जला नहीं आता, इस तरह से उनका स्लोली हिलने लग गया। अच्छा, आपकी आवाज हल्की होती जा रही है, जरा जोर से बोलिए। जी जी जी, अब ठीक है, परफेक्ट। अच्छा, तो खैर उन्होंने बताया कि उनका रूम ऐसे हिलने लग गया जैसे एक छोटे हेक्टर स्केल पे अर्थक्वेक आता है, जल्जला आता है। सही। तो अब वो उनको ऐसे ही लगा कि जैसे जल्जला ही आया है। तो अब उन्होंने खैर मूवी पॉज की, उन्होंने मतलब न्यूज़ चैनल वगैरह उसी टाइम आपको पता है न्यूज़ भी फ्लैश होना शुरू हो जाती है अगर कोई आता है, तो उन्होंने किया। फिर उसके बाद खैर कोई न्यूज़ नहीं थी, उन्होंने दोबारा से मूवी प्ले की, 5 मिनट बाद फिर चेक किया कि शायद अब कोई अपडेट होगी, कुछ भी नहीं। अच्छा, अब वो उन्होंने फिर सोचा कि यार मतलब कोई सीन बैड ना हो जाए तो अपना मूवी शो भी वाइंड अप कर लेते हैं, हम ना ऊपर रूम में जाके लाइट्स ऑन करके फिर देख लेते हैं, इतना ज़्यादा भी इंटेंस माहौल नहीं बनाते हैं। तो खैर वो मेरे कज़न ने बोला ऐसा कोई सीन नहीं है यार, बैठो, इसी का ही तो मज़ा है, यही तो सारी वाइब है, सब कुछ ये वो। अब उसने उनको कन्विंस करके दोबारा बिठा लिया रूम में। अब वो फिर से जब मूवी देखने लगे हैं तो मिनाज भी उसने मुझे बताया है कि उस मतलब उनमें से उस मेरा जो कज़न जो वहाँ पर रहता है उसने वैसे ही लाइक उसने लुक अराउंड किया रूम में, कहता है उसको विंडो पे ना ऐसे फील हुआ जैसे कोई अंदर झांक रहा है, कोई देख रहा है विंडो के अंदर ना। उसने उसको देखकर उसने कहा कि लाइक बाकी मे भी कोई मांगने वाला होगा, कोई इस तरह से होगा, क्योंकि वो अंदरून इलाका है वहाँ पे ऑल मतलब काफ़ी ये चर्सी और इस तरह के भी लोग फेर रहे होते हैं। उसको लगा शायद ऐसे ही कोई इस तरह का बंदा आ गया होगा, पास ही कब्रिस्तान है। तो उसने इग्नोर किया और उसने ना मूवी देखी और बाकी सबके ना मतलब ऐसे काइंड ऑफ सिंस वो एक राइट कॉर्नर पे बैठा था विंडो के थोड़ा सा पास, तो उसने सबका ना ऐसे विजन ब्लॉक कर दिया खुद आगे आगे कि किसी को ये नज़र ना आए, कोई मतलब डर ना जाए, सब मूवी देखें, वो प्लान ना स्पॉइल हो। तो
अब वो देख रहा है तो एकदम दूसरे लड़के को भी ना ऐसे फील हो, जैसे आपको पता है ना कोई अगर आपको देख रहा हो बड़ी देर से तो आपको एक सबकॉन्शियस माइंड में ऐसे फीलिंग आती है कौन देख रहा है मुझे। तो अब उसमें से एक और लड़के को यही फील हुआ कि मुझे कोई देख रहा है। उसने जब राइट पर देखा है तो मिनाज भी उसने इतनी जोर से मतलब शाउट किया है कि ये कौन है तुम्हारे पीछे। उसने जो मेरे कजन ने भी एक्ट किया कि जैसे उसको नहीं पता था कौन है, उसने जल्दी से पूछा कौन है। मेरे कजन ने दूसरे ने शोर मचा दिया कि लाइट्स ऑन करो ये वो, उन्होंने लाइट्स ऑन की है तो वो चीज़ वहाँ से चली गई थी। मेरे कजन ने शोर मचा दिया कि मैंने नहीं देखनी मूवी सब कुछ, मैं वापस जा रहा हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है ये वो। अब खैर उन्होंने उसको बोला कि ठीक है तुम ऊपर चले जाओ और अगर कोई डर रहा है तो वो भी चला जाए, नहीं तो मतलब बाकी बैठे रहे हम देखते हैं मूवी कंटिन्यू करते हैं। तो वो उसको खैर उन्होंने ऊपर भेज दिया, वो ऊपर जाके सो गया है जो भी उसने किया। बाकी एक लड़का और चला गया, उसकी वजह से वो भी डर गया था। बाकी चार पांच लड़के अभी भी बैठ के देख रहे थे मूवी। तो अब वो मूवी देख रहे हैं, अब उसमें से दोबारा से मेरे कजन को वही जो वहां पे रहता था उसको फिर वही फील हुआ कि कोई विंडो से फिर देख रहा है। उसने क्या किया, उसने पानी लाने के इस तरह के बहाने कमरे से बाहर निकल के उसने देखा घर से निकल के कि कौन खड़ा है कौन नहीं खड़ा। तो वो बताता है कि वो जब बाहर गया ना तो उसको वहां पे एक बहुत ऊंचे कद की एक औरत नजर आई है, ठीक है, और वो बेसिकली अब विंडो पे नहीं देख रही थी, अब वो दीवार से झांक के उसकी तरफ लाइक देख रही, जैसे वो वेट कर रही है कि अब ये मेरे पास आएगा। कहता है वो बहुत ऊंचे कद की औरत थी और उसका मुंह उसने मुझे बताया एग्जैक्टली, क्योंकि उसने बिल्कुल उसका मुंह एक फ्लैश में देखा है। बताता है कि उसकी आंखें ऐसे जैसे सूजी हुई, कितने अरसे से कोई सोया नहीं होता तो आंखों के नीचे मोटे मोटे हल्के पड़ जाते हैं ना, वैसी उसकी आंखें, उसका लंबा सा नाक इतना कि वो ऑलमोस्ट चिन से थोड़ा थोड़ा सा ऊपर आ रहा था और उसके होंठ उसको नजर नहीं आ रहे थे उस औरत के। अब उसने बताया कि उसका जो सर था वो ऊपर से आधी गंजी थी, लाइक उसका माथे से हाफ पीछे सर गंजा था और उसके पीछे से उसके बाल शुरू हो रहे थे उस औरत के, और वो बिल्कुल ऐसे जैसे लाइक फटे हुए से बाल नहीं होते हैं जिस तरह के, आई एम श्योर जो भी सुन रहा है वो पिक्चराइज कर सकता है जैसे बाल होते हैं। तो वो उसने उसका डिस्क्रिप्शन बताया है, वो कहता है कि मेरी हार्ट बीट तेज हुई है, ठीक है, मैं शिवरिंग शुरू कर दी, मुझे समझ नहीं आई कि मैं मतलब अंदर भागूं, मैं उनको बताऊंगा वो और पैनिक करेंगे, मैं क्या करूं। कहता है मेरे मतलब मुंह में उस टाइम पर वो बताता है कि आपकी जुबान भी नहीं हिलती है। कहता है मैंने दिल ही दिल में आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू किया और मतलब आंखें मैंने बंद कर ली, मतलब वही एक जो होती है तरीका, आप आंखें बंद कर लो एंड यू फील लाइक इट विल जस्ट गो अवे। तो वो कहता है मैंने आंखें बंद कर ली हैं और कहता है उसके बाद मैं ऐसे लिटरली कहता अंधों की तरह ना पीछे दीवार पे हाथ लगा लगा के घर के साथ साथ मैं दरवाज़ा खोला, मैं दरवाजे के अंदर जाके दरवाज़ा बंद किया है। मेरे दोस्त अंदर कजन्स वगैरह ने पूछा क्या हुआ, वाज एवरीथिंग ओके, उसने कहा हाँ बस पानी लेने गया था, मतलब पहले तो कुछ नहीं बोला, 5-10 मिनट उसने बस उंगली से इशारा किया कि मूवी देखो, कुछ नहीं हुआ, उसने प्रिटेंड किया कि जैसे कुछ नहीं है, उसने कहा कि मतलब तुम लोग देखो, वो लोग मूवी देखने लग गए। उसने फिर 5 मिनट बाद खुद ही व्हेन ही कॉट हिज ब्रेथ बैक उसने बोला कि यार एक काम करते हैं ऊपर ही चलते हैं मूवी, यहाँ पे मतलब वो नहीं है, मुझे बाकी सही है, मुझे भी थोड़ा सा फील हो रहा है कि हमें ऊपर चले जाना चाहिए, बहुत लेट हो गया क्योंकि 1:30-2 बजे का टाइम हो रहा था। तो उसने बोला कि ऊपर चले जाते हैं। अब उन्होंने कहा कि ठीक है देख लो जैसे तुम्हें सही लगता है, तुम्हारा अपना घर है। तो वो उनको खैर एस्कॉर्ट करके ऊपर ले गया। ऊपर जाते हुए उसने दोबारा एक दफ़ा मतलब उनको कमरे में बिठा के ऊपर बैल्कनी से नीचे उसी जगह पे नज़र मारी है, तो वहाँ पे एक काली बिल्ली थी जो वहाँ से गुजर रही थी और बहुत सारे कुत्ते थे इर्द गिर्द जो भौंक रहे थे उस बिल्ली को देख के, लेकिन उसके पास कोई नहीं जा रहा था। अमूमन ये होता है ना कि बिल्ली कोई आती है तो कुत्ता कोई भौंक रहा है तो उस पर अटैक करने पर जाता है, लेकिन कोई अटैक नहीं कर रहा था और मतलब सब कुत्ते दूर दूर रह के बस उस पर भौंक रहे थे और बिल्ली आराम से चलती हुई आगे कब्रिस्तान में आगे जाके कहीं पे गायब। तो ये उसने मुझे सीन बताया। तो बाकी वो कहता फिर हम लोग बैठे हैं मूवी जैसे ही ख़त्म हुई है, कहता मैं फ़ौरन आयतुल कुर्सी वगैरह पढ़ के दोस्तों को भी कज़न्स को भी कहा के पढ़ो, पढ़ के और मैं फिर सो गया लाइक इस तरह। ओके थैंक यू साद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू। चलें जनाब बढ़ते हैं एक और ईमेल की तरफ। जिसने ये ईमेल भेजी है उन्होंने अपना नाम शामिल करने से मना किया है। वो बताते हैं कि ये जो वाकयात मैं आपको बता रहा हूँ ये तकरीबन 8-10 साल के स्ट्रेच में हुए हैं।
ये उस घर का वाक़ है जहाँ पे हमारी फुप्पो जो हैं वो नई नई शिफ्ट हुई अपनी शादी के बाद। ये घर जो है आई थिंक गुलबर्ग के किसी इलाके में है। कहते हैं जिस दिन वो लोग उस घर में शिफ्ट हुए तो जो आसपास के लोग थे वो उनको बड़ी हैरान कुन नज़रों से देखा करते थे। जब ये लोग घर का सामान शिफ्ट कर रहे थे तो इर्द गिर्द लोग मौजूद थे जो कि आ रहे थे, देख रहे थे कि इस घर में कोई शिफ्ट हो रहा है। तो हर किसी के चेहरे पे एक अजीब सी सवालिया निशान था। खैर उस वक्त तो ये लोग शिफ्टिंग में बिजी थे तो इन्होंने ज़्यादा इस बात का ध्यान नहीं दिया और सारा सामान रखवाया, सेटिंग वगैरह करवाई। जब इनको एक हफ्ता हो गया उधर रहते हुए तो ये इनके मियाँ जो थे वो जॉब पे चले जाया करते थे सुबह में, और ये दिन भर अब अकेली होती थी। तो इन्होंने सोचा कि मैं पूरे इलाके को ज़रा ढूंढूं जाके कि यहाँ पे मेन मार्केट कहाँ है, बाज़ार कहाँ है, चीज़ें किधर से ख़रीदी जाएंगी। तो ये अपने घर से बाहर निकली, कोई शाम का टाइम हो रहा था, तो इनको अपने ही मोहल्ले में दो चार ख़वातीन दिखाई दी जो इनके पास आईं, सलाम दुआ की, पूछा कि आप लोग कब शिफ्ट हुए, कहाँ से आए, जैसे एक नॉर्मल रूटीन होता है। इन्होंने भी इस मोहल्ले के बारे में पूछना शुरू किया और बात जो है आगे बढ़ते बढ़ते इस पे आ गई कि इन्हीं साहिबा ने भी पूछा कि इस घर में जो पहले लोग रहते थे वो कब यहाँ से शिफ्ट हुए। अब जब इन्होंने ये सवाल किया तो वो जो ख़वातीन थी वो ज़रा परेशान हो गई। उन्होंने कहा कि ये जो आपसे पहले जो फैमिली रहती थी वो बिल्कुल सही रह रहे थे, लेकिन उनके साथ कुछ अजीब वाक़यात होते थे। अब अजीब वाक़यात का सुन के वो भी परेशान हो गई कि भी क्या होते थे। वो कहते हैं कि उनकी एक बेटी थी जो कि जब उसी घर में पैदा हुई और बड़ी भी हुई, कोई 8-10 साल की हो गई, तो हमें मोहल्ले में रात 1-2 बजे के बाद ऐसा महसूस होता कि वो उनकी बेटी जो है वो गली के चक्कर लगाती। शुरू में जो घर के बच्चे थे वो अपनी खिड़कियों से देखते तो वो हमें आके बताते कि भाई ये देखिए उनकी फलाना आंटी की बेटी जो है वो रात के 1-2 बजे मोहल्ले में घूम रही है। तो ये लोग ज़रा वो होते कि यार ये कैसी फैमिली है, रात के इतनी लेट नाइट, हालात इतने बुरे हैं और 10-11 साल की बच्ची को वो अकेले रोड पे जाने दे रहे हैं। तो जब 3-4 दफ़े ऐसा हुआ तो मोहल्ले वालों ने जाके उनके वालिदैन से शिकायत की। वालिदैन के पास वो लोग गए, उन्होंने बताया कि भाई हमारे बच्चे या हमारे घर की औरतें रात को आपकी बेटी को मोहल्ले में घूमते फिरते देखती हैं। तो ये उनके लिए एक हैरान कुन बात थी, उनको समझ नहीं आया कि ये कैसे हो सकता है। उन्होंने कहा कि ठीक है हम ज़रा अब ऐसा नहीं होगा, हो सकता है कि हमारी बच्ची निकल जाती हो, हमें नहीं मालूम। उन्होंने अपनी बेटी के ऊपर ज़रा नज़रें रखना शुरू कर दी। तो होता ये था कि जब पूरा घर सो जाया करता था, यहाँ तक कि वो उनकी बेटी भी सो जाया करती थी, तो रात के किसी पहर वो उठती और वो जाके बाहर निकल जाया करती और एक मखसूस गली के एक कोने से दूसरे कोने तक जाती और वहाँ से उसके चक्कर लगाती और वापस घर के अंदर आ जाती। जब एक रात को वालिद साहब उठे बीच रात में तो उन्होंने देखा कि बेटी गायब है। वो फौरन भागे बाहर की तरफ, गली की तरफ गए, गेट खोला, गली में झांका तो बेटी नज़र नहीं आई। अब ये परेशान कि ना तो घर में है ना बाहर रोड पे, तो गई कहाँ। ये अभी पलटे ही वापस कि उनकी नज़र पड़ी उस घर के उल्टे हाथ पे बिल्कुल कोने में एक छोटा सा बागीचा जगह बनी हुई थी। उधर उन्होंने देखा कि उनकी बेटी एक दरख्त के नीचे बैठी हुई है। ये उसके पास फौरन गए, उसको हिलाया तो वो अचानक से जागी। तो इन्होंने उसको उठाया, उनको बोला कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम कमरे में जाओ। उस बच्ची के पास कोई ऐसी मेमोरी नहीं थी कि वो यहाँ क्या करी थी, ना ही उसके पास कोई जवाब था। जब ये हुआ तो इनके वालिद जरा परेशान होना शुरू हुए। उसके बाद वो कहते हैं कि रात गए 3-3-4-4 बजे उस बच्ची के चीखने की आवाज़ें आती थी इस घर से,
और इस नौयत की आती थी कि हमारे दिल दहक जाते थे कि आखिर हो क्या रहा है, माँ बाप तो नहीं मार रहे या बच्ची को कोई साइकोलॉजिकल मसला तो नहीं है। और फिर हुआ ये कि एक रात अचानक से वो पूरी फैमिली ये घर छोड़ के चली गई। मोहल्ले वालों ने कहा कि कई सारी बातें बनी कि शायद बच्ची का दिमागी तवाजन सही नहीं था, वालिदैन मारते थे, किसी ने कहा कि बच्ची के ऊपर जिन था, किसी ने कहा कि ये घर ही मनहूस है, इधर जो भी आया है उसके साथ कोई ना कोई वाकयात हुए। अब ये बातें उनकी फुप्पो को बता दी गई जो अभी आए हुए, जिनको एक हफ्ता हुआ था, उनके दिमाग में ये बातें बैठ गईं। लेकिन उन्होंने बात को रफा दफा किया और वो सलाम दुआ करके वापस अपने घर आ गई। अब होना ये शुरू हुआ कि शुरू शुरू में ऐसा उनको महसूस होता जब उनके हस्बैंड घर से चले जाते कि वापस उनको ऐसा लगता कि शायद हस्बैंड वापस आए हैं। दो तीन दफ़ा उनको ऐसा लगा, क्योंकि वो करती ये थी कि जैसे ही हस्बैंड चले जाते नाश्ता वाश्ता करके वो वापस लेट जाती। एक रात एक सुबह में वो वैसे ही किया, हस्बैंड को नाश्ता दिया, वो ऑफिस गए, इन्होंने अपना नाश्ता किया, घर की थोड़ी बहुत सफाई वफाई करके ये वापस अपने कमरे में गई, लेट गई, सो रही थी। तो ये कहती हैं कि मेरी हल्की सी आंख खुली बीच में तो मुझे लगा कि दरवाजे से मेरे हस्बैंड क्रॉस करके दूसरे कमरे की तरफ गए। और फिर कहती हैं कि मैं अपनी गनूदगी में थी, मुझे लगा कि शायद मैं ख्वाब देख रही हूँ कुछ है, तो मुझे वापस अपने हस्बैंड जाते हुए भी दिखे, जैसे घर की तरफ, घर से बाहर की तरफ जा रहे हैं। कहते जब मैं सो के उठी और ये मेमोरी मैंने रिकॉल की तो मैंने अपने हस्बैंड को कॉल की, तो हस्बैंड ने कहा कि नहीं मैं तो घर पर नहीं आया, मैं तो चला गया था। खैर उन्होंने इस बात को आया गया कर दिया कि हो सकता है मेरा वहम हो, मैं ख्वाब देख रही हूँ। फिर होना ये शुरू हुआ कि रात के टाइम पे अजीब व गरीब आवाज़ें आना शुरू हुई। पहले जैसे कोई दरवाज़ा नॉक कर रहा है, अलमारी में से कोई जैसे कपड़े निकाल रहा है, या फिर अंदर वॉशरूम से शावर की आवाज़ आ रही है। ये आवाज़ें जो है दोनों मियाँ बीवी ने वक्तन फवक्तन विटनेस करना शुरू कर दी। उसके बाद फिर वो वाकयात होना शुरू हुए जिससे इस बात की तस्दीक होना शुरू हुई कि शायद वो बच्ची नहीं बल्कि ये घर ही, इसी घर के अंदर कोई मामलात हैं। वो बताती हैं कि जैसे मैं खाना बनाती तो रात को वो खाना गायब हो जाता, गोश्त अक्सर ख़राब हो जाता, खाना जो है हमारा वो फ्रिज डिफ्रीजर्स उनके अंदर से निकल के गायब हो जाता। कहते हैं प्रिसाइसली हमारे घर में मिठाई कभी भी नहीं बचती थी, मतलब वो कहती हैं कि इतनी हमारे, क्योंकि नए नए घर में शिफ्ट हुए थे तो जितने भी रिश्तेदार आ रहे थे वो मुबारकबाद के लिए मिठाई लाते थे, मोहल्ले वाले मिठाई लाते थे, वो हम रख देते थे फ्रिज के अंदर, सुबह खोलते तो वो डब्बा का डब्बा गायब हो जाता। खैर वो बताती हैं कि फिर होना ये शुरू हुआ कि हमारे घर में सुबह के टाइम पे जैसे ही मैं अपना कमरे का दरवाज़ा खोलती और मेन गेट खोलती ताकि रोशनी आए, फ्रेश एयर आए, तो हमेशा गेट के ऊपर एक चिड़िया मरी हुई मिलती। और ये तकरीबन महीने, दो महीने, तीन महीने तक कंटिन्यूसली होता रहा कि जब मैं दरवाज़ा खोलूँ एक चिड़िया का बच्चा मरा हुआ हमारे दहलीज पे पड़ा हो, ये उसको साफ वाफ करके फेंक देती। अच्छा अब इस घर को रहते हुए, इस घर में रहते हुए इनको 4-5 महीने हो गए थे, इस तरह के छोटे छोटे वाक़यात हो रहे थे कि कभी मियाँ की शक्ल में कोई नज़र आता, कभी चीज़ें गायब हो जाती, कभी किसी साया का गुजरना होता। इस बात तक ये लोग वो हो चुके थे आदि के हो सकता है कि कोई मखलूक रहती हो। लेकिन फिर वो वाकयात होना शुरू हुए कि जिसकी वजह से ये घर, इस घर को समझा जाता था कि ये मनहूस है। बताती हैं कि एक रात दोनों मियां बीवी सो रहे थे कि इनको सोते हुए ऐसा लगा कि इनके हस्बैंड जो है वो इनको पुकार रहे हैं तकलीफ में। इनकी जैसी आंख खुली तो इन्होंने देखा कि अब इनके हस्बैंड सोते हुए अपना गला पकड़े हुए हैं और ऐसे लड़ रहे हैं जैसे कोई उनका गला दबा रहा है और वो अपने गले से उसका हाथ छुड़ाना चाह रहे हैं। इन्होंने अपने हस्बैंड को उठाया तो हस्बैंड जब परेशानी में उठे तो उनको कुछ पता ही नहीं था। उन्होंने अपनी बीवी से पूछा कि क्या हुआ था, कह रहे कि आप सो रहे थे और अब अपना ही गला दबा रहे थे, और क्या कह रहे मैं अपना गला नहीं दबा रहा था बल्कि मुझे
ख्वाब में ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई मेरा गला दबा रहा है और मैं उससे अपने आप को बचा रहा हूँ। एक बुरा ख्वाब समझ के दोनों मियाँ बीबी इग्नोर कर गए, सो गए। दो तीन दिन के बाद दोबारा यही सिनेरियो हुआ। इस तरह का सिनेरियो तकरीबन हफ्ते में दो तीन दफा होने लगा कि मियाँ जो है वो अपना ही गला खुद दबाते हुए सोते हुए नजर आते। अब बीवी को थोड़ी परेशानी होना शुरू हुई। पहले उनको ये लगा कि कहीं मियाँ के साथ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अभी तक उस बात की ये नहीं हुई थी तस्दीक कि ये घर असल प्रॉब्लम है। कहते हैं एक रात को मैं अपने अम्मी अब्बा के घर गई हुई थी तो मेरे हस्बैंड जो हैं वो अकेले थे। उनकी बीच रात को 3-4 बजे के टाइम पे मेरे अम्मी अब्बा के घर पे कॉल आई। जब उन्होंने उठाया रात के परेशानी में कि 3-4 बजे किसकी कॉल आ रही है, तो फ़ोन पे मेरे हस्बैंड थे, उन्होंने कहा कि मेरे से बात कर रहे हैं। मैंने उनसे बात की तो वो परेशान, उन्होंने कहा कि अभी तुम्हारे घर आ रहा हूँ। नहीं मुझे समझ नहीं आया। मैंने कहा आप आ जाइए। मुझे लगा कि शायद मुझे मिस कर रहे हैं। जब वो हमारे घर पे आए तो उनके पसीने पसीने हुए हुए, परेशान हुए हुए, हवाइयाँ उड़ी हुई। मैंने उनसे पूछा कि आखिर हुआ क्या। कहते हैं कि मैं सो रहा था तो मुझे सोते में ऐसा लगा कि कोई मेरा गला दबा रहा है। आंख जब मैंने खोली तो कहते हैं बाकायदा एक औरत खड़ी हुई थी मेरे कमरे में, जिसका चेहरा जला हुआ था, आंखें बाहर निकली हुई थी और वो अपने हाथों से मेरा गला दबा रही थी। और मैंने बड़ी मुश्किलों से जान छुड़ा के उसका हाथ छुड़वाया गले से, और वो जैसी मैंने कह रहे कि मैंने जैसी आयत पढ़ी है तो वो हंसती हुई भागती हुई कमरे से निकल गई। उसके बाद कहते हैं कि 5 मिनट तक मुझे अपने कमरे में मैं बैठा रहा और ज़ोर ज़ोर से आयतें पढ़ता रहा, लेकिन कमरे के बाहर जो हमारे लाउंज वाले एरिया था वहाँ से मुझे अंधेरे में सिर्फ और सिर्फ हंसने की आवाज़ आती रही, ऐसे जैसे कि कोई बाहर उस कमरे के अंदर बैठा हुआ मुझे देख रहा है और हंसे जा रहे हैं। और वो कहते हैं कि वो हंसने की आवाज़ इतनी खौफनाक थी कि ऐसा लग रहा था कि कोई शैतान मेरे सामने है। कहते हैं कि जैसी आवाज़ आना बंद हुई और मुझे थोड़ी सी तसल्ली हुई कि मैं अब थोड़ा सा सेफ हूँ, तो मैं फौरन तुम्हारे घर आ गया। अब मियाँ बीवी को ज़रा परेशानी होना शुरू हुई क्योंकि नई नई शादी हुई थी, जॉब नई लगी थी, पैसे इतने नहीं थे तो फौरन घर शिफ्ट नहीं कर सकते थे। बेहतर यही समझा कि थोड़े अरसे पैसे जमा करके फिर हम इस घर से रुखसत कर लें। लेकिन होना ये शुरू हुआ कि अब वो औरत जो उस रात को सिर्फ अपने उनके हस्बैंड को नजर आई थी, अब हर रात को दिखाई देने लगी। कभी खिड़की के बाहर खड़ी हुई इन दोनों मियाँ बीवी को देख रही, कभी घर में दो छती बनी हुई उधर वो दिखती, कभी वॉशरूम का दरवाज़ा खुद ब खुद खुलता ऐसा लगता कि जैसे किसी ने खोला है, कभी किचन के सराहने से किसी के झांकते हुए शक्ल नजर आना। उसके बाद एक रात को जो वाकया पेश आया उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि हम ये घर फौरन छोड़ देंगे। कहते हैं कि इसी तरीके से मैं और मेरे हस्बैंड सो रहे थे, बीच रात में मेरी आंख खुली क्योंकि परेशानी इतनी थी कि हम दोनों मियाँ बीवी रात को कभी ना कभी किसी न किसी पॉइंट पे उठते ज़रूर थे एक दूसरे को देखने के लिए। जैसे मेरी आंख खुली तो मेरे हस्बैंड कमरे में नहीं थे। मैं उनको आवाज़ें देती हुई लाउंज की तरफ गई तो मैंने देखा कि घर का मेन डोर जो है वो खुला हुआ है। दरवाजे से जैसे ही बाहर गई तो देखती हैं कि उनके हस्बैंड वो छोटे से बागीचे की तरफ खड़े हुए हैं और दरख की तरफ ऊपर देख के कुछ बातें कर रहे हैं। ये उनके लिए एक अजीब पहली दफ़ा ये वाकया था कि ये क्या हो रहा है। वो उनके पास गई, उनको आवाज़ देती रही तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। कहते हैं जैसे ही मैं उनके बिल्कुल करीब गई और मैंने उनके कंधे पे टैप किया कि सुने आप मेरी बात, तो वो पलटे हैं तो उनका चेहरा एक औरत की तरह का था, वैसे ही जैसे उन्होंने उस रात बताया था कि उनको वो औरत दिखी थी। जला हुआ चेहरा,
खौफनाक आंखें। असल में वो मेरा हस्बैंड नहीं थे बल्कि वही औरत थी। कहते हैं ये जब हो रहा था तो मुझे पीछे से अपने हस्बैंड की आवाज आई। जब मैंने पीछे पलट के देखा तो मेरे हस्बैंड घर के अंदर मौजूद थे और जैसे ही मैंने उस बाग की तरफ देखा तो वहां पे कोई नहीं था। मैं भागती भी अपने हस्बैंड के पास गई, उनको सारा वाकया बताया। उसके बाद हमने डिसाइड किया कि उसी रात को हम ये घर छोड़ दें। कहते हम लोगों ने अपना जो जो सामान था थोड़ा बहुत वो जमा किया और हम लोग घर से बाहर निकल गए। गाड़ी में बैठ के हम चले गए। हमने मालिक मकान को भी उस वक्त नहीं बताया, चाबी उधर ही हमने छोड़ दी, सारा सामान हमने उधर छोड़ दिया। कहते हैं मैं अब अपने वालदा के घर जा रही थी कि रात में बीच में एक रोड पे हमें एक औरत दिखी और ये वही औरत थी जो हमें उस घर में दिखती थी। और जैसे ही हमने उस रोड को क्रॉस किया तो हमें बाकायदा हमें हंसने की आवाज आई है, ऐसे जैसे कि किसी को कोई जंग किसी ने जीत लियो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपनी ये इतनी लंबी ईमेल, लेकिन बड़ी डिटेल्ड ईमेल थी, थैंक यू सो मच। तकरीबन 1.5 घंटे की स्ट्रीम हमारी हो चुकी है और मजीद भी हम अपना शो कैरी करेंगे। 2 घंटे के बाद जो है या 5-10 मिनट के बाद अपना कैमरा ऑन कर लेंगे और फिर नॉर्मल स्ट्रीम जो हमारी होती है वो हम शुरू कर देंगे। उम्मीद करते हैं कि आज का लेट नाइट हॉरर शो रेडियो वर्जन आपको पसंद आया होगा। ये माजरत के तौर पे मैं बार बार बोलता रहता हूँ रेडियो वर्जन, ताकि सुनने वालों को पता चल जाए कि जो आज का शो होता है स्पेशली सैटरडे नाइट का वो रेडियो बेस्ड होता है। जैसे हम रेडियो पे किसी ज़माने में किया करते थे उसी तरह का ये शो करते हैं। खैर प्रोग्राम की तरफ कॉलर्स की तरफ बढ़ते हैं और हमारे साथ अतीक खान दोबारा से मौजूद हैं। अतीक अगर आपको आवाज़ आ रही तो काइंडली अपना माइक ऑन कर लीजिएगा प्लीज़। या फिर हाँ जी से जी अस्सलाम वालेकुम अतीक। अतीक साहब आपकी आवाज़ नहीं आ रही, आपका आई थिंक इंटरनेट का प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आवाज़ नहीं आ रही। नहीं आ रही आवाज़, सॉरी। अच्छा जी सलमान वहीद, सलमान अगर आपको आवाज़ आ रही है। अस्सलाम वालेकुम सलमान, आपको आवाज़ आ रही है? हेलो हेलो चल थैंक यू। अयाज खान, अयाज अगर आपको आवाज़ आ रही है तो काइंडली अपना माइक ऑन कर लीजिएगा। वालेकुम अस्सलाम अयाज, कैसे हैं आप? ठीक ठाक खैरियत जी, ठीक है अल्लाह का लाख लाख शुक्र। अयाज जरा ऊंचा बोलिएगा आपकी आवाज़। जी 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 बताइए। ऊंचा बोल रहा हूँ। अच्छा तो बस मैंने थोड़ा सा, मैं सुनता रहता हूँ आपका शो भी और काफी अच्छा लगता है। तो मैं थोड़ा सा स्केप्टिक भी हूँ और थोड़ा सा जो है रैशनल भी हूँ अगर देखा जाए तो। बहुत से लोगों की मैं बात भी सुन रहा होता हूँ तो कुछ काफी ज्यादा मिथ्स भी लगती हैं। ऐसा नहीं है कि हर चीज ही रूल आउट कर दे कि नहीं ये पॉसिबल नहीं है। अच्छा अयाज अपना माइक करीब कर लें थोड़ा सा क्योंकि आपकी आवाज दूर हो गई अचानक से। जी 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 अब आ रही है ठीक? परफेक्ट परफेक्ट। अच्छा तो मैं बस आपसे भी, मेरा यही थोड़ा सा क्वेश्चन भी था कि आपका अपना जो पहले पॉइंट ऑफ व्यू आप बताते हैं कि मैं तो बिल्कुल बिलीव भी नहीं करता था और अब मैं, मतलब मेरा पर्सपेक्टिव चेंज है। तो मतलब मैं अगर अपने पर्सनली बात करूं तो शुक्र ही करना चाहिए कि मैं, शुक्र है अल्लाह का कि मतलब कोई ऐसा वाकया खुद से मैंने विटनेस नहीं किया। सुना बहुत है लोगों का, लोगों से काफी दफा मैंने सुना है। अच्छा फिर एक और चीज जो इसमें ये होती है कि जो कह लें कि आप जो अपने जहन में एक खाका खुद से बना लेते हैं जिसको कहते हैं वो, मतलब आप वो चीज़ हलूसिनेट करने लग जाते हैं। ये एक चीज़ तो है, ये तो बिल्कुल
वो माइंड आपका ऐसे ट्रिक्स प्ले करने लग जाएगा। तो उसकी मिसाल मैं इस तरह से देता हूँ कि एक प्रोग्राम है, काफ़ी मशहूर है, आपको पता ही होगा, नाम लेने की ज़रूरत भी नहीं है। तो वो लोग गए थे क्या कहते हैं कश्मीर में गालबन गए थे, किधर गए थे, अच्छा तो वो एपिसोड भी काफ़ी उनकी फेमस सी है। तो उसमें वो दिखाते हैं कि वो मतलब जंगलों में इस तरह घूम रहे हैं और काफ़ी देर तक उनको कोई हैपनिंग नहीं होती, कुछ इस तरह का जो है उनको मौजूदगी का एहसास नहीं होता। तो राउंड अबाउट फजर से पहले गालबन जंगल में जब वो नज़र दौड़ाते हैं तो उनको भी हलचल महसूस होती है और वो ना कैमरा अपना फिक्स करके एक जगह बैठ जाते हैं। तो अचानक क्या होता है कि वो कैमरे की जो लाइट होती है वो ऑफ हो जाती है। अब ऑफ हो जाती है तो वो जो सराउंडिंग वॉइस हैं वो बढ़ने लग जाती हैं। तो जब वो देखते हैं तो वो वहाँ उनको वो काफ़ी सारी जो है ना आँखें चमकती हुई दिखाई देती हैं। अब वो प्लेन जंगल है वो सारा, और मेरी आपसे इस बारे में पहले भी बात हुई थी, ये वही लोकेशन है जहाँ जो कश्मीर की लोकेशन है, बंजोसा लेक जो है, बंजोसा लेक जी, हाँ जी हाँ, तो उसके सराउंडिंग में कोई जंगल है। तो वो मतलब वो इस तरह आंखें देखते हैं वो। अच्छा, तो उसमें अगर थोड़ा सा मैं अपना ऐड करूँ, मैं ये समझता हूँ कि वो हो सकता उल्लू की भी आंखें हो सकती हैं या किसी भी चीज की, लेकिन उनको उस वक्त फियर इतना था, फियर फैक्टर, कि वो तो जाहिर बात है वो तो यही समझोगे कोई गैर मरई मखलूक है, लेकिन अगर उसको एक नॉर्मल बंदा उसको यूं करके देखे तो, और फिर साथ ही फजर की अजानें होती हैं और वो अचानक ही लाइट ऑन करते हैं तो वो सब कुछ गायब हो जाता है। तो अगर कोई ऐसी मखलूक होती या कोई ऐसी हमलावर होती तो वो क्यों लाइट से चली गई या वो दोबारा से कोई क्यों नहीं उनके सामने आई, ये भी एक सोचने की बात है। और इस बारे में जो है मैं भी बड़ा कंफ्यूज रहा था कि यार ये क्या है। और उधर के जो लोकल्स थे उन्होंने यही लिखा हुआ था कि यार यहाँ पे इस तरह के जानवर होते हैं जो रात में इस तरह नजर आते हैं अजीब गरीब। असल में जो आप बात कर रहे हैं ना वो बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। हम लोग असल में होता ही है अयाज कि हमारे यहाँ ना एक प्रॉब्लम है हमारी, सही है। वो प्रॉब्लम ये कि हम सब ये मानते हैं कि कुरान में तो लिखा हुआ है, सही है, सही है। देखिए कुरान में तो लिखा हुआ है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जिस पे आप सवाल जवाब तो कर सकते हैं ना, कुरान में सवाल करने पे तो पाबंदी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, सवाल कुरान में भी ये है कि लॉजिकली बताई गई है चीज़ें। हाँ, हमें अब के टाइम पे जो है वो लॉजिक के जरिए नहीं बताई जाती, जो भी हमें पढ़ा रहा होता है, जो भी हमें सिखा रहा होता है। और हम जब हमारे पास शऊर आता है तो हम सवाल जवाब करना छोड़ देते हैं, हम अपनी दुनियावी चीज़ों में लग जाते हैं। अक्सर मैं भी आपको ये कहता हुआ सुनाई दूंगा कि कुरान में क्योंकि इस मखलूक का लिखा हुआ है तो हम इस पर बिलीव करते हैं, नो डाउट बिलीव करते हैं। लेकिन आपकी वाली बात कि अब हर चीज़ को हम इससे कनेक्ट कर दें, दैट्स रॉन्ग। सही होता ये है कि जैसे ये आपने जंगल का इलाका बताया, सही है, इस तरह के इलाकों में हम एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो मिस कर देते हैं और वो फैक्टर होता है वाइल्ड लाइफ का। बिल्कुल, हमें ये लगता है कि हमें मालूम है कि भाई ये मार्गला हिल्स की पहाड़ियों पे जी इधर सबसे ज़्यादा बड़ा जानवर आता है वो चीता आ जाता है सर्दियों में, या इधर सुअर होते हैं वो नज़र आ जाते हैं, या ज़्यादा हुआ तो क्या अपना हाइनाज नज़र आ गए। लेकिन ऐसी जानवरों की मखलूक मौजूद है उस जंगलात में कि जो हम वैसे नॉर्मली नहीं देखते। आप जाएं एक मखसूस किस्म का मेंढक जो है ना वो आपको उधर मिलेगा जिसकी आवाज़ इतनी खौफनाक होगी कि अगर आप नहीं जानते होंगे तो आपको लगेगा कि ये कोई औरत चीख रही है। बिल्कुल बिल्कुल, इसी तरीके से और भी कई सारे जानवर हैं जिनकी मुख्तलिफ आवाज़ें होती हैं, या वो दिखने में अजीब से होते हैं या फिर उनकी आंखें जो हैं वो चमक रही होती हैं, जैसे लोग कहते हैं ना कि हम जंगल में जा रहे थे हमने चमकती भी आंखें देखी बहुत सारी। भाई वो हो सकता है कि वाइल्ड लाइफ हो। अच्छा, इसके अलावा कुछ ऐसे जानवर भी होते हैं जो ज़मीन के अंदर रह रहे होते हैं अमूमन, सही है,
तो वैसे आपको फिजिकली नजर नहीं आ रहे होते, लेकिन वो होते जमीन के अंदर हैं। अच्छा, ये तो चले जानवर हो गए, फिर बहुत सारी आवाजें, दरख्त, हवा, पानी का बहना, मुख्तलिफ मुख्तलिफ चीज़ें जो उस एनवायरनमेंट का हिस्सा होती हैं उनकी होती हैं आवाज़ें। तो हम बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर करके फौरन जो है ना हमारा दिमाग इन चीज़ों पे चल जाता है कि ओहो जिन आ गया, क्योंकि घना जंगल, अंधेरा और खौफ, इन तीनों को अगर मिला दें तो जिन पैकेज कंप्लीट हो गया। बिल्कुल। तो कुछ चीज़ें जिसके बारे में हम, अच्छा, और सबसे आसान असल में ह्यूमन नेचर है खौफ, डर जो है ना एक ह्यूमन नेचर का हिस्सा है। तो जहां हमें लगता है कि हम थ्रेटन्ड फील करते हैं तो वहां हमें खौफ आना शुरू हो जाता है, लेकिन ज्यादातर वो जो खौफ होता है ना वो किसी एक्सटर्नल फैक्टर का नहीं होता, वो इंटरनल फैक्टर का होता है कि आपको डर लग रहा होता है उस जगह से, क्योंकि आपका कोई एक फियर होता है, आपका अंधेरे से डर होता है, आपका ऊंचाई से डर होता है, आपका अकेले रहने से डर होता है जी। तो उन फियर की वजह से आपको खौफ आ रहा होता है और आप उसको ऐसे पोर्ट्रे कर रहे होते हैं जैसे बाहर कोई ऐसी मखलूक मौजूद है जिसकी वजह से आपको डर लग रहा है। तो यू आर एब्सोल्युटली राइट, स्केप्टिक होना कोई बुरी बात नहीं है, बिल्कुल, आई एम श्योर। और अच्छा, ये वाली भी जो लोग लाते हैं ना कॉन्वर्जेशन के, भाई वो कुरान में है, तो ये पता ही, हमें बार बार बताने की जरूरत थोड़ी है, और किसी को वो एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं है, जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपके साथ कभी आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ? अब मैं ये कह रहा हूँ, ये मतलब शुक्र ही है, करम ही है कि नहीं हुआ कोई, मतलब शुक्र ही करना चाहिए इस बात पे। तो और लेकिन मैं आपको थोड़ा सा एक और भी ऐड कर दूं कि ये बिल्कुल आपने बात की, तो मैं खुद से पर्सनल यही सोच समझता हूँ कि इंटरनल फैक्टर जब ज्यादा हो ना आपके अंदर कि अच्छा यार ऐसा होना ही है, तो वो तो फिर वो हो जाता है। हाँ, तो वो होता ही है। जी वो खुद ही वो ऐसी ट्रिक प्ले करने लग जाएगा कि आप बस, और साथ में फिर आपका फियर फैक्टर ऐसा होगा कि क्योंकि मतलब हमने इस तरह का कह लें कि हम अक्सर ही अपने गांव जाया करते हैं और जाहिर बात है गांव का एक माहौल होता है, पहाड़ है, दरख्त हैं और सब कुछ है, तो हम अक्सर वहां जाके ना हमारा ये एक रूटीन की एक चीज है कि हमने एक मखसूस जगह रखी होती है कि बिल्कुल जहाँ लाइट ना हो, पहाड़ होता है, दरख्त होते हैं और दूर होते हैं हमारे घर, वहां जाके हम गाड़ी लगा के लड़के वगैरह जितने भी कजन वगैरह हैं तो वहां हम बैठ के लैपटॉप के ऊपर हॉरर मूवी लाजमी देखते हैं एक माहौल क्रिएट करने के लिए। तो अच्छा, और वो अक्सर मैंने मतलब अब वो रियल होता है नहीं होता, हमने वो चीज़ प्ले करनी और मतलब वो साथ में हम देख रहे हैं और वो साउंड सिस्टम मतलब वो गाड़ी का ऊंचा काफ़ी होता है तो वो जारी बात है उससे एक पूरा माहौल आपने वैसे ही बनाया है, इर्द-गिर्द अंधेरा है, वो देख के जब हम हटते हैं तो उस टाइम पे हम कहते हैं यार अब यहाँ से एक मिनट लगाओ बस पहुंच जाओ कहीं या घर हो, क्योंकि उस वक्त आप उस ऐसे उस आपने अपने इर्द-गिर्द ऐसा एम्बियंस क्रिएट किया होता है या ऐसा माहौल बनाया होता है कि आपका दिमाग ऑटोमेटिकली उसी चीज के बारे में सोच रहा हो। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। और अगर उसमें अगर आपके साथ हल्की फुल्की फूफा हो जाए ना उस इलाके में, तो फिर आप कहेंगे कि आज तो भैया लो जिन भाई नजर आ गए। लेकिन having said that, इसकी आर्ग्यूमेंट की जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि ये मखलूक ऐसी है, इसकी आपको मेरे हिसाब से लॉजिकल कोई आपको जवाब मिलेगा नहीं कभी, मतलब इस तरह का मिल जाएगा कि रिलीजियस बुक्स में मौजूद है, सब इस तरह की डिटेल्स मिल जाएगी, लेकिन जैसे हमें हम बड़े इंसान जैसे जैसे तरक्की करें तो हम सारी लॉजिक्स पे ज़्यादा बातें करने लग गए ना कि भाई विजिबल है, नज़र आता है, फिजिकल है या नहीं है, उसके हिसाब से। तो ये एक ऐसा टॉपिक है या एक ऐसा ये दुनिया का एक ऐसा एंगल है जो आई थिंक अल्लाह ताला ने जो है ना इसके ऊपर एक पर्दा रखा हुआ है ताकि ये वो उन मिस्ट्रीज में से जो आई थिंक इंसान कभी इसको सॉर्ट आउट नहीं कर पाएगा। मुझे जी बिल्कुल, मैं इसमें आपकी बात में ऐड कर दूं कि उसकी मेन रीजन तो यही है कि जी हम थ्री डायमेंशनल बीइंग हैं तो वो हो सकता है फोर और फाइव और सिक्स और कितनी कहते हैं कोई 11 डायमेंशन है,
तो हो सकता है वो किसी और डायमेंशन में रहते हो। अच्छा, इस बात के बाद मेरे जहन में एक और बात यही, जैसे एक कोई कॉलर थे वो ये बता रहे थे कि पता नहीं क्या हवा में गोली चलाई तो जिनका बच्चे को लगी, इस तरह की कोई बात थी एल्बम, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद। तो वो ये ना कि वो रास्ते में चाचा चल के आ रहे थे घर तक पहुंचे, बीमार हो गए, पता चला वो किसी बच्चे को रोनते हुए आ गए जिनके। अब कैसे पता बेचारे इंसान को कि जिनका बच्चा यहां पे घूम रहा है। चलिए सर, थैंक यू सो मच अयाज, बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी लोग भी अब इंतजार कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ जी। चले जी, 2 घंटे का शो हो चुका है और अब हमारा टाइम आ चुका है अपना थोपड़ा दिखाने का। तो आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया रेडियो वर्जन सुनने का, और अगर आज का शो आप लोगों को पसंद आया तो काइंडली हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अब बारी आ गई कैमरा ऑन करने की। कैसे हैं आप लोग, सब ठीक ठाक हैं जी? भैया जो चैट पे लोग कह रहे थे बार बार कि आवाजें आ रही हैं, तो आवाज हमें आ रही थी और वो किसी की बात करने की आ रही थी, सरगोशी की आ रही थी। बहुत सारे लोगों को, बल्कि बहुत सारे क्या सभी को लग रहा होगा कि मैं बैठ के आवाजें निकाल रहा था, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। आप लोग जितने भी लोग मेरा प्रोग्राम सुनते हैं, आप सबको अंदाज़ा हो चुका होगा कि मैं इस तरह के भोंडे मजाक नहीं करता, ना ही बिलीव करता हूँ। तो ये मेरे शो से काफ़ी चीज़ कनेक्टेड है कि इस तरह की आवाज़ें आती हैं। और ये कोई साउंड ट्रैक नहीं है भैया, कोई साउंड ट्रैक नहीं है पीछे, ये एक साउंड ट्रैक चल रहा है जो आपको आवाज़ आ रही है, दैट्स अबाउट इट। हम और आवाज़ें नहीं ऐड कर सकते, सही है। अच्छा जी, हाँ बस अब आवाज आ रही थी, कोई बात नहीं, इट्स ओके। हमें भी आ रही थी, मैं आपको बताता नहीं हूँ, लेकिन इस कमरे में बैठ के मुझे इतनी दफा ऐसा लगता है कि ओह अच्छा कोई है, लेकिन 90% ऐसा होता है कि आपका वहम होता है, सही है। तो इट्स ऑल राइट, रिलैक्स, आवाज ही आई है, शक्ल नहीं दिखाई दी, सही है। अच्छा जी, जो लोग अभी हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें। लाइक करें ना भाई, लाइक क्यों नहीं करें, शर्म आनी चाहिए वीडियो को लाइक नहीं करें। हम रात को बैठ बैठ के इतने अपनी नींदें हराम कर करके आपके लिए प्रोग्राम रोज करते हैं और आप हैं कि वीडियो को लाइक नहीं करते। ओके, एक सेकेंड रुकिएगा। अच्छा जी, उन लोगों के नाम शामिल कर लेते हैं जिन जिन लोगों ने हमें आज सपोर्ट किया है। अच्छा, उससे पहले मैं उनके नाम शामिल करूं, जो अगर आप लोग हमारे शो को, हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं और हमारे सपोर्टर बनना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। जो लोग हमें पाकिस्तान से बाहर सुन रहे हैं, वो लोग हमें सुपर चैट और सुपर स्टिकर्स के ज़रिए सपोर्ट कर सकते हैं, जो कि यूट्यूब का एक ऑप्शन है। लेकिन जो लोग पाकिस्तान में हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, वो लोग हमें इजी पैसा और जैस कैश के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पे ही नंबर आ रहा है, ये नंबर मैं बता दूं प्रिसाइसली कि ये सिर्फ और सिर्फ जैस कैश और इजी पैसा यानी सपोर्ट के लिए है। लोग इस पे अक्सर मैंने नोट किया कि कॉल्स कर रहे होते हैं, तो उनको मैं बता दूं कि आप इस पे जितनी कॉलें करते रहें, इस पे कोई फ़ोन नहीं उठाएगा। और ये वो नंबर नहीं है जिस पे कॉल करके आप शो पे बात करें, सही है। तो इस पे कॉल नहीं करेगा, टाइम वेस्ट मत करेगा अपनी जिंदगी का। चलें, ताहिर रिजवी साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर सुपर चैट, आपकी सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। डबल ए, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी सपोर्ट भेजी, थैंक यू। अच्छा जी, जो लोग हमें पाकिस्तान से अपनी सपोर्ट भेज रहे हैं उनके नाम शामिल कर लेते हैं। अतीकुर रहमान साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। सैयद हुज़ैफ़ा और रहमान, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हुज़ैफ़ा, बल्कि आपका सबसे ज़्यादा शुक्रिया, थैंक यू। इल्का हुसैन, थैंक यू सो मच, आपका भी शुक्रिया। एंड एक और था कोई, एक सेकेंड रुकिए। अच्छा जी, एक और साहब है जिन्होंने हमें सपोर्ट किया लेकिन उनका नाम नहीं आ रहा, तो आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, जिन चेज, थैंक यू सर फॉर योर सुपर स्टिकर, थैंक यू सो मच। जिन चेजर, कभी आप हमारी स्ट्रीम को ज्वाइन कीजिए, आपका जिन चेजर जो नाम है ना, वो बड़ा फैसिनेट करता है कि
ऐसा लगता है कि आप इन्वेस्टिगेशन के लिए जिनों के पीछे चले जाते हैं, तो ज़रा पता तो चले कि जाते भी कि नहीं जाते। अच्छा, हमारे साथ AI मौजूद हैं, इनका नाम तो हमें सामने नज़र आ रहा है लेकिन पता नहीं अब ये नाम अपना जाहिर करना चाहती कि नहीं चाहती। AI, अगर आपको आवाज़ आई तो अपना माइक ऑन कर लें। जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, आप अपना नाम मेंशन करना चाहती हैं? मैं बोल दूं? नहीं नहीं, मैं नाम मेंशन नहीं करना चाहती। मैं वो समझ गया था जी। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे मिनाज भाई? मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र जी। क्या वाकया है बताइएगा। सो बेसिकली मेरा ताल्लुक कराची से है, लेकिन मैं अपनी जॉब के सिलसिले में एक कंपनी के हॉस्टल में रहती हूँ जो कि लाहौर से आगे एक गांव है। मैं मेंशन नहीं करूंगी वरना बड़ा डिस्टिंक्ट हो जाएगा कि वो फैक्ट्री कौन सी है। सही। एंड ऑल आई कैन अभी आप उधर से कॉल कर रही हैं? जी जी, उधर ही से कॉल कर रही हूँ। सही। सो मोस्ट लाइकली माय मदर वुड बी लिसनिंग योर शो, तो उनको भी पता ही होगा कि मैंने अभी कॉल कर दिया है। सही। सो द इंसिडेंट हैपेंड लाइक 2 डेज। माय मॉम इज ह्यूज फैन ऑफ योर्स। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। So, yeah, the incident goes like के ये 2 दिन पहले मेरे साथ incident हुआ है और इस जगह पे मुझे आए हुए तकरीबन 1.5 महीना हुआ है। तो हुआ ये था कुछ इस तरह से कि I used to feel very like यहाँ पे जो रूम है ना hostels के, वो काफी secluded है, अलग अलग है, तो rooms में ना एक अजीब सी depression feel होती है। The moment I'm outside the room, I am okay. एंड इसी वजह से मैं रूम में बहुत कम टाइम स्पेंड करती हूँ और मैं कॉमन रूम में ज़्यादा बैठना प्रेफर करती हूँ। सो 2 दिन पहले मेरे साथ एग्जैक्टली इस तरह से हुआ था कि सुबह के 5:04 हो रहे थे टू बी प्रिसाइज, एंड आई वाज स्लीपिंग। तो मुझे ऐसा फील हुआ कि मैंने करवट बदली है और उस वक्त मैं बिल्कुल अलर्ट थी, मैं उठी हुई थी और मुझे बिल्कुल ऐसा लगा है कि कोई चीज़ मेरे पीछे क्रॉल करके बिस्तर पे आके लेटी है और उसने मेरे बाल खींचे। एंड एंड आई लिटरली फेल्ट कि वो मेरे गद्दे पे कोई चीज आके दबी है। आई यूजली हैव दिस एक्सपीरियंस व्हेन आई वाज इन कराची, मेरे पास बिल्लियां हैं तो बिल्लियां जब मेरे बेड पे चढ़ती हैं तो मुझे फील होता है कि वो गद्दा दबता है एक साइड से। तो 2 सेकंड के लिए मुझे एकदम रियलाइजेशन हुई कि जैसे मैं अपने घर पे हूँ, लेकिन देन विद इन 2 सेकंड नींद के अंदर आई रियलाइज कि नहीं, मैं तो कराची में हुई नहीं, मैं तो यहाँ हूँ। तो उस वक्त मैं बिल्कुल फ्रीज हो गई and I was like कुछ चीज़ है जो मेरे पीछे लेटी थी, आई कैन लिटरली फील इट। तो उस वक्त मैंने अपनी बस आंखें खोल के जल्दी जल्दी सायतल कुर्सी चारकुल सब पढ़ना स्टार्ट किया एंड आई रिसाइटेड टिल आई फेल्ट कि वो चीज़ उतर के मेरे बेड से चली गई है। तो मेरी शिफ्ट स्टार्ट होती है सुबह 8 बजे से और मैंने 5 बजे से लेके 8 बजे तक मैं उसी पोजिशन पे लेटी रही। मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं पीछे पलट के देखूँ। और ये फर्स्ट टाइम हुआ था? ये फर्स्ट टाइम हुआ था मेरे रूम में इस तरह की चीजें हो रही है, मतलब छोटे मोटे इंसिडेंट्स तो हो रहे थे, मैं उसको इस तरीके से डिनाई कर रही थी कि क्योंकि मैं घर से दूर हूँ, आई वाज फीलिंग होम सिक, मुझे घर याद आ रहा है, तो इस वजह से ना। कितना टाइम हो गया आपको इस हॉस्टल में रहते हुए अभी? 1.5 मंथ। मुझे कंपनी ज्वाइन किए हुए भी 1.5 मंथ ही हुआ है, तो मैं इससे पहले कराची में ही होती थी। तो ये चीज जो है मैंने अपने कुलीग्स, अपने हॉस्टल में और भी लड़कियां होती हैं, उनसे भी डिस्कस की और अभी एक ही लड़की ने ये चीज वेरीफाई की है कि उसके साथ भी इसी तरह के सिमिलर इंसिडेंट हुए हैं। वो नीचे ग्राउंड फ्लोर पे रहती है एंड शी आल्सो फेल्ट द सेम थिंग। वो हॉस्टल मुझसे 15 दिन पहले आई थी और वन ऑफ द रीजन शी नेवर ज्वाइंड हॉस्टल वाज के उसके साथ जब भी इंसिडेंट हुआ था तो वो हॉस्टल छोड़ के चली गई थी लाहौर, एंड वो लाहौर से फिर कम्यूट करके इस शहर आती थी फॉर द जॉब। मैं बस इतना आइडेंटिफाई कर सकती हूँ कि लाहौर से इस छोटे से शहर का जो डिस्टेंस है वो 1 घंटे का है, तो हमारी जो शिफ्ट मैंस होती हैं तो वो हमें रोजाना लाहौर आ रही जा रही होती हैं। सो शी टोल्ड मी लाइक अभी थोड़ी देर पहले मेरी उससे बात हो रही थी तो उसने कहा कि मेरे साथ भी इस तरह के इंसिडेंट्स हुए हैं। सो अगर आपको ऐसा लगे कि किसी भी टाइम पे ऊपर का फ्लोर यूजुअली खाली रहता है तो ऊपर के 2-3 कमरे ही ऑक्यूपाइड हैं और मेरा जो कमरा है इसमें मुझे बकायदा फील होता है कि देयर इज समथिंग व्हिच इज मेकिंग मी लाइक डिप्रेस्ड ऑटोमेटिकली। ये आपके दोस्त ने बोला या आपको आपको लगता है? ये मुझे भी लगता है, जब मैंने उससे डिस्कस किया तो उसने भी मुझे यही चीज बोली कि ये मेरे साथ भी इस तरह का हुआ है कि मुझे भी ऐसा फील हुआ है कि समथिंग हैज क्रॉल्ड अप टू माय बेड
और उसने मेरे बाल खींचे हैं. तो द अदर डे फ्राइडे के दिन जो अभी गुजरा है ये फ्राइडे, तो आई वॉज डिस्कसिंग दिस विथ माई टीममेट. तो वहां पे बैठी हुई क्लीनिंग स्टाफ थी, क्लीनिंग स्टाफ जो हमारा मतलब जो आया जी हैं, आया जी बैठी हुई थी और वो मेरी बात सुन रही थी. तो उन्होंने कहा कि आप हॉस्टल में रहती हैं? मैंने कहा जी मैं हॉस्टल में रहती हूँ. कहते मेरी भी एक जमाने में हॉस्टल में ड्यूटी लगा करती थी और इस तरह के वाकयात अक्सर वहां पे होते थे. तो मैंने कहा कि मैंने जो हॉस्टल की वार्डन है, जब मैं कंपनी ज्वाइन कर रही थी ना, जब उन्होंने मुझे कहा था कि अकोमोडेशन कंपनी के अंदर ही है, तो मैंने सबसे पहली चीज उनसे यही पूछी थी कि हॉस्टल ठीक है, मतलब इज इट ओके. तो उन्होंने बड़े हंसते हुए मुझे बोला कि नहीं नहीं यहाँ पे सब कुछ ठीक है. फिर जो आया जी थी उन्होंने कहा कि विद इन फैक्ट्री देयर इज दिस प्लेस जिसको क्लॉक ऑफिस कहते हैं, वहां पे अक्सर इस तरह के वाकयात होते हैं कि जहाँ पे दरवाजे खुद से खुलते बंद होते हैं. और वहां पे लड़कियों ने एग्जैक्टली इसी चीज की कंप्लेन की कि कोई उनके बाल खींचता है. तो मैंने इससे पहले अपना वाक्य उनको पूरा बताया नहीं था. फिर मैंने कहा कि आया जी मेरे साथ एग्जैक्टली यही हुआ है, मेरे कमरे में भी. तो आया जी ने बड़ी अजीब सी वियर्ड सी स्माइल दी थी और उनकी स्माइल में मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि एज इफ शी नोज अ लॉट ऑफ थिंग्स बट शी डिडंट मेंशन. तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं आपको मशवरा देती हूँ, आप ऊपर वाला कमरा छोड़ के ना नीचे शिफ्ट हो जाएं. तो मैंने कहा नीचे जो है मुझे छुपकलियों से बड़ा डर लगता है, तो मैं छुपकलियां नहीं बर्दाश्त कर सकती. तो उन्होंने कहा कि छुपकलियों से ज्यादा जो है ना आपकी आपकी सेफ्टी ज्यादा जरूरी है, तो आप ना नीचे शिफ्ट हो जाएं, क्योंकि ऊपर वाला जो फ्लोर था वो काफी अरसे बंद रहा है और ये कोई भी लड़की यूज नहीं करती थी. तो जितने भी लड़कियां आके रह चुकी हैं हॉस्टल में वो नीचे वाले रूम्स में रहती थी और वो चली जाती थी. तो अगर क्योंकि आपका स्टे लंबा है, आप परमानेंट है यहाँ पे, तो आप फिर नीचे ही शिफ्ट हो जाए. और ये बात बोल के ना उन्होंने कहा कि देखिए मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, लेकिन ऊपर के कमरों में ना है कुछ मसला. और ये बात वो बोल के चली गई. तो उसके बाद से ना मैंने अपनी अम्मी को जब ये बात बताई तो उन्होंने कहा कि अपने कमरे में ना सूर्य बकरा लगाया करो. तो मैंने दो दिन से सूर्य बकरा लगाई तो कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ. मैं कमरे की लाइट जला के सोती हूँ. आई एम स्टिल नॉट वेरी कंफर्टेबल के इस हॉस्टल में. बाहर तो मुझे कॉरिडोर में कहीं कोई लाइट नहीं चलती, ठीक है. देर आर सेंसर्स इन द कॉरिडोर कि अगर आप गुजरेंगे. एग्जैक्टली. तो आप ये सुने, अगर आप इतना अनकंफर्टेबल हो रही हैं और इस तरह के वाकयात बड़े कॉमन हैं इधर और आपको मतलब कंफर्म भी हो गया, तो आप ज्यादा बेहतर नहीं कि आप लिविंग ऑन द एज ना बने और आप दूसरे मतलब लाहौर चली जाएं. अच्छा लाहौर जाने का द ओनली थिंग व्हिच इज अट्रैक्टिव इज कि मैं लाहौर चली तो जाऊं, लेकिन वहां पे फिर अकोमोडेशन एंड एवरीथिंग विल बी ऑन माय एक्सपेंस. सो दिस इज लाइक कंप्लीटली आप Exactly. खतरा मोल रही है. ये भी तो देखिए ना, जिंदगी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, मतलब अपनी सैनिटी ज्यादा इम्पोर्टेंट है. सैनिटी के अलावा यू आर एब्सोल्युटली राइट. मेरी तो अम्मी ने मुझे बोला था कि सामान बांधो और वापस आ जाओ. एंड ऑनेस्टली आफ्टर दिस इंसिडेंट आई एम रियली थिंकिंग कि आई शुड टेक दिस जॉब और नॉट. एंड आई द ओनली रीजन इफ आई लीव दिस जॉब वुड बी के द हॉस्टल्स आर हॉन्टेड एंड कॉरिडोर में कितने लोग रहते हैं. और so hostel mein apparently there are 16 rooms and out of which only 7-8 girls are there aur wo bhi on and off hoti hain. weekends pe usually hostel khali hota hai kyunki jo nearby cities ki ladkiyan hoti hain wo phir friday night ko chali jati hain. so jo karachi ki hai wo sirf ek main hu aur ek aur hai wo niche hoti hain. to karachi kyunki dur hai hum itna frequent jate nahi hain. to zyada behtar ye nahi hoga ki aap jaise jo jaise karachi wali jo khatoon hain aapke sath आप उनके साथ रूम शेयर कर लें, तो एटलीस्ट दो लोग होंगे तो थोड़ा सा वो तसल्ली मिल जाती है जरा. हाँ आप सही कह रहे हैं. अभी भी मैं अपने रूम में सिर्फ सोने के लिए आई हूँ. मैं पूरा दिन नीचे कॉमन रूम में बैठी हुई होती हूँ. और मतलब असल में मैं आपको बताता हूँ, सॉरी मैं आपको डरा नहीं रहा और मैं आपको वो नहीं कर रहा कि आप डरें और खौफजदा हों, लेकिन जो ये वाला टाइम होता है ना रात को सोने वाला, मेरी नज़र में सबसे डरावना यही वाला टाइम होता है. Exactly. तो बस अपने आप को जरा प्रोटेक्टेड रखिए, जिस भी तरीके से आप फील करती हैं प्रोटेक्टेड वो रखिए. और कोई वाक्य और भी हुआ है इस हॉस्टल में आपके साथ अभी तक, या ये सिर्फ एक ही चीज हुई है? ये एक चीज हुई है. फिर उसके बाद जब मेरी अभी हॉस्टल मेट ने ना मुझे किचन में वो मुझे मिली अभी थोड़ी देर पहले, हम लोग साथ ही बैठे हुए थे,
तो मैंने उससे ना ये चीज बड़ी रैंडमली डिस्कस की. मैंने कहा मुझे ये हॉस्टल ना ठीक नहीं लगता, तो उसने कहा कि किस सेंस में तुम ये कह रही हो, और वो बड़ी सस्पिशियस सी अलर्ट सी हो गई. तो फिर मैंने कहा कि क्या तुम्हारे साथ कभी कुछ इस तरह से हुआ है? तो उसने कहा कि मैं तुम्हें कहना नहीं चाह रही थी ये बात, तुम भी नहीं हो, मैं भी इस पूरे हॉस्टल में नहीं हूँ, और आई जस्ट डोंट वांट यू टू डिस्करेज कि तुम ये जॉब के बारे में जो है ना सेकंड थॉट्स तुम्हारे दिमाग में आए. बट इस हॉस्टल में मेरे साथ भी इस तरह के इंसिडेंट्स हुए हैं, एंड कभी कभी तो मैं सिर्फ ये चीज सोचती हूँ कि ये सब मेरे दिमाग का फितूर है, ये मेरा वहम है, और तुम भी ऐसे ही सोचा करो कि मतलब इट्स ऑल इन योर हेड बट नथिंग इज हैपनिंग, सो दिस इज हाउ यू शुड गो अबाउट दिस होल थिंग. क्योंकि मैं भी लाहौर छोड़ के इस हॉस्टल में आई थी ये सोच के कि मैं यहाँ सेटल इन होंगी. जब मेरे साथ इंसिडेंट्स हुए तो फिर मैं छोड़ के चली गई थी, और मैं आपके आने से बिल्कुल एक दो हफ्ता पहले ही वापस इस हॉस्टल में आई हूँ. बिकॉज मैं लाहौर से आना जाना इतना मतलब ऑब्वियसली इतना फ्रीक्वेंट कम्यूट नहीं कर सकती थी वो. तो उसने मुझसे उसके साथ जो वाकया हुआ था ना वो ऐसा हुआ था कि उसके लंबे बाल हैं, उसके काफी मतलब लंबे बाल हैं, और वो अक्सर जो है ना कहती है कि मैं अपने रूम में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि मैं अपने रूम में लाइट बंद करके सोती हूँ. तो उसने बताया कि इसी तरीके से वो सुबह का टाइम था, मतलब डीप रात थी, फजर का वक्त हो चुका होता है यहाँ पे, 3:30 बजे फजर हो जाती है. तो अराउंड 4 बजे के करीब उसके साथ ऐसा हुआ कि वो सो रही थी कमरे में, वो अकेली थी, और फॉग का टाइम था, सर्दियां थी, तो एसी भी नहीं चल रहा था, बिल्कुल साइलेंस थी कमरे में एज पर हर. तो एंड देन शी फेल्ट के देयर इज समथिंग ऑन द बेड, और उसके कमरे में डबल बेड है, ठीक है. तो पहले उसको लगा कि उसका वहम है, क्योंकि आधे बेड पे उसका सामान रखा हुआ होता है. उसने उसको लगा कि बेड मतलब ठीक है, सामान भी अगर है तो मतलब उसकी वो उसका वेट ऐसा नहीं फील होता है कि कोई चीज मूव हो रही है बेड के ऊपर. And she felt that something has touched her inappropriately as well. So, and उसके बाद से ना she got scared and she packed her bag and left hostel for good. और उसके बाद वो नहीं आई. वो आई है 15 मार्च को वापस, और मैंने joining की है 31 मार्च को. तो इस दौरान वो काफी डरी हुई थी. उसने कहा कि मैंने ये बात किसी से discuss नहीं करती. बिकॉज अपेरेंटली दिस इज एन एमएनसी, अगर हम ये चीज किसी को भी बताएंगे तो हमारी मजाक उड़ता है. तो वो ये कह रही थी कि इसकी बात किसी को बोलना नहीं, बस अपने दिमाग में ये चीज बिठा लो कि ये सिर्फ तुम्हारा दहम है, और वास्ता रखो, कुछ नहीं होता, और अगर बहुत ज्यादा डर लगे तो तुम नीचे वाले रूम में शिफ्ट हो जाओ. तो आई एम रियली थिंकिंग टू मूव माई रूम फ्रॉम फर्स्ट फ्लोर टू ग्राउंड फ्लोर, बिकॉज अब मेरे बराबर वाले कमरे में जो रहती हैं वो होपफुली शी विल लीव द कंपनी एंड शी विल लीव द रूम एज वेल. तो मैं उस पूरे फ्लोर पे अकेली होंगी, और ट्रस्ट में मिराज भाई, लाइक लिटरली वो जो सेंसर वाले कॉरिडोर में मतलब सेंसर्स लगे हुए हैं, आप गुजरते हैं तो लाइट जलती है, और पूरी रात इसी तरीके से लाइट जल रही होती हैं, बंद हो रही होती हैं, जल रही होती हैं. एंड और लाइक मैंने अपने आप को लिटरली ये समझा लिया था कि हो सकता है सेंसर्स खराब हो, सही है. तो मुझे फिर वार्डन ने कंफर्म किया कि सेंसर्स आर ऑल लाइक ऑपरेटिंग, देयर फाइन, हमारी बहुत टाइमली मेंटेनेंस होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, और अगर इस तरह का कोई इलेक्ट्रिकल फॉल्ट होता है ना तो हमें पता चल जाता है. तो हॉस्टल के अंदर वार्डन भी जो होती है ना वो मतलब जो आया जी होती है वो आती है, खाना बनाती है, और वो रात से पहले पहले चली जाती है. सो अपेरेंटली रात 8 बजे से लेके हम सारी लड़कियां हॉस्टल में बिल्कुल अकेली होती हैं, और इस प्रेमिसेस में यू कांट लेट एनीवन इन, बहुत स्ट्रिक्टनेस है यहाँ पे. लेकिन इवन इफ यू वांट टू हैव एनी हेल्प तो हम कुछ नहीं कर सकते, हम बिल्कुल अकेले होते हैं उस टाइम. तो ये है सिचुएशन अभी हॉस्टल में. इट्स नॉट लाइक, और हॉस्टल के माहौल से इतनी ज्यादा डिप्रेशन होता है मुझे बताइए कि क्या आप कैमरा ऑन करके अपना हॉस्टल दिखा सकती हैं? दिखा दे. लेकिन कैमरा पहले काम करें, सुने, अपना जो फ्रंट का कैमरा ना पहले उस पर हाथ रख लें, ताकि अगर गलती से वो कैमरा खुल जाए और आपकी शक्ल आ गई तो हम डर गए फिर. मैंने ऐसे ही किया है, रुके. और फिर बैक कैमरा कर लेगा ना, ताकि फिर हम जरा देखें तो आपका किस, और उस कॉरिडोर में भी जाएगा जिसका आप बता रही है ना.
एक मिनट मैं जरा ना आपको अपने अपने कंटेंट की खातिर हम आपकी जान को झोंके में डाल रहे हैं अपने कंटेंट की खातिर लाइक्स लाओ लाइक्स लाओ औरत जा रही है देखो जिन भूतों के बीच में बेशर्मो आप लोगों को मैं कैसे फ्रंट कैमरा दिखाऊं बिकॉज आई थिंक दिस इज ये आर यू एबल टू सी द फायर एक्सटिंग्विशर नो लेकिन मुझे मैं अच्छा हाँ ये एक हल्की सी ग्रीन लाइट नजर आ रही है मुझे और ये डिस्पेंसर नजर आ गया yeah. सही है ये कॉरिडोर है आपका ओह शिट ये तो सीरियसली yeah. बहुत अच्छा और अभी आप जैसे जैसे दिस इज योर रूम ये जो लेफ्ट दिस इज द रूम अच्छा ये वाला आपका रूम सही ठीक है सही और इससे बाहर निकलते के साथ ही ये कॉरिडोर है और इधर ये शर्ट ये तो बिल्कुल मतलब इतना अंधेरा क्यों कर रहे हैं भाई ये लोग माय गॉड मतलब ना चाहते हुए बंदे को डर ही लगे और इस फ्लोर पे आप कह रही हैं कि आप अकेली हैं अभी कोई भी नहीं है हाँ जी इस फ्लोर पे मैं जी जी इस फ्लोर पे मैं अभी अकेली हूँ और अभी यहाँ पे कोई भी नहीं है तो जो भी रूम्स हैं वो एक्चुअली अभी मतलब वहाँ पे लोग रहते हैं बट वो वीकेंड की वजह से गए हैं मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप भी चली जाएं कहीं कहाँ चली जाऊँ बस ऐसी चली जाए मैं तो कह रहा हूँ और नहीं चलें आप बहुत बहादुर हैं सबसे पहले तो आपकी ये आपको ये दाद देना जरूरी है और इंशाल्लाह ताला देखिएगा आप बिल्कुल साथ खैरियत से बिल्कुल महफूज हैं अल्लाह ताला मौजूद है जिंदगी में कुछ भी हो जाए कुछ भी हो जाए बस मैं इस बात पे एंड करूँगा आपकी कॉल कुछ भी हो जाए ये कभी मत भूलिएगा कि आपके वर्स्ट टाइम में भी ना वर्स्ट टाइम में भी आपके साथ अल्लाह मौजूद होगा तो अब चूंकि आपकी नौकरी है और आप अभी ऐसे कश्मकश में फंसी हुई हैं कि नौकरी छोड़ूं कि ना छोड़ूं ये जगह छोड़ूं कि ना छोड़ूं जब तक आप डिसीजन लेती हैं उस वक्त तक स्टे स्ट्रॉन्ग और सूरह बकरा जो आपकी वालदा बता रही ना बस आप वो करें आपको उसमें सुकून मिलेगा और अपनी वालदा को बोलती रहें कि आपके साथ साथ हमारे लिए भी बहुत सारी दुआ कर दिया करें प्लीज सही है जी थैंक यू अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज थैंक यू सो मच थैंक यू शर्म आनी चाहिए हमें और तुम्हें अपने घर में बैठ के हम यहाँ पे शो कर रहे हैं वो बेचारी लड़की जो है वो अकेले आपने देखा सबने यहाँ पे आधी लोगों से तो रोड क्रॉस नहीं होती वो बेचारी लाहौर से भी एक घंटा आगे किसी शहर छोटे से शहर के अंदर एक हॉस्टल में रह रही है अकेली उस फ्लोर पे जो कि हॉन्टेड है और आपने देखा होगा बड़ी बात है लेकिन जॉब देखें क्या क्या करवा देती है लोगों से अच्छा जी साइमा हसनैन थैंक यू सो मच फॉर योर सुपर चैट बहुत बहुत शुक्रिया आपका अच्छा जी यार एक बड़ी इंटरेस्टिंग वो माज हमारे साथ मौजूद हैं माज अगर आपको आवाज आ रही है तो काइंडली अपना माइक ऑन करें हम लोगों को जरा डराना चाह रहे हैं आपकी ये शक्ल देखा के ये देखें वालेकुम अस्सलाम माज ये आपने क्या किया हुआ है अच्छा मैं हटा दूं क्या मुझे मैंने इसलिए आपको मैसेज किया था कि मिनाज में फिल्टर ठीक है या नहीं सही है लगाएं जी मास किधर से कॉल कर रहे हैं आप मैं यूएस से कॉल कर रहा हूं आपसे पिछली बार भी बात हुई थी न्यूयॉर्क का किस्सा बताया था मैंने सही वो जो दोस्त था जो रिसेंटली हमारे स्टे बहुत करता था उसकी वाइफ वो जब उसकी वाइफ पाकिस्तान भी गई और वो लगता था उसे कि मैं याद आ गया मुझे याद आ गया आपका वाक्य वो उनकी वाइफ चली गई फिर उन्होंने दूसरी शादी करने का प्लान बना लिया है ना वही वाला उनकी वाइफ थोड़ी सी डिप्रेशन के शिकार थी आई गेस जो अब क्या वाक्य है जो आज आप शेयर करना चाह रहे हैं एक वाक्य है वो एक्चुअली मैं आपको ईमेल करता हूँ वीडियो
बिकॉज आप ज्यादा बेहतर चला सकेंगे, क्योंकि मैं अपनी स्क्रीन पे शेयर नहीं करना चाहता. तो मैं आपको 5 मिनट में वीडियो सेंड करता हूँ, आप कल दिखा दीजिएगा कल की स्ट्रीम में. थोड़ी सी बड़ी है वीडियो, तो वो आपको मे बी डाउनलोड करने में थोड़ा सा टाइम लगे. नॉट श्योर. ठीक है. यार मैं सोचूं कि इसी तरह का ना एक वो बना के ना फिल्टर एक दिन इस तरह भी शो करें, ऐसा लगेगा कि चुड़ैल शो कर रही बैठी हुई है. करें ऐसा कि यार मैं एक दिन बल्कि अब सोच रहा हूँ कि एक दिन ना एक बहुत ग्रैंड लेवल पे प्रैंक करें लोगों को जिनकी लाइव स्ट्रीमिंग हो रही हो ना, इस तरह की वीडियो बना के हम उनकी स्ट्रीम पे जाएं और उनसे बोलें कि हमें प्लीज आप अपनी, पता नहीं कैसे होगा लेकिन कुछ तरीका ढूंढते हैं और उनके लाइव स्ट्रीम पे जाके ना इस तरह की हरकतें करते हैं. बहुत फार फेस्ट आइडिया है मिनहाज अली अस्करी, ऐसा हो नहीं सकता. अच्छा जी, नहीं ना चुड़ैल बन के भाई क्या हो गया, हम भी तो यहाँ पे आधे से ज्यादा यूट्यूबर लड़कियां बन रहे हैं, हम चुड़ैल नहीं बन सकते, क्या बात कर रही हो भाई. अच्छा जी, अलीशा ने हमें ज्वाइन किया है, अलीशा से बात करते हैं. अस्सलाम वालेकुम अलीशा. अलीशा आपकी आवाज कट रही है, आवाज कट रही है आपकी अलीशा. नहीं आपकी आवाज कट रही, सॉरी. एहतिशाम इरशाद, एहतिशाम अगर आपको आवाज आ रही है तो काइंडली अपना माइक ऑन कर लीजिएगा प्लीज. जी जी अस्सलाम वालेकुम. हेलो एहतिशाम आपको आवाज आ रही है? नहीं एहतिशाम आपकी भी आवाज नहीं आ रही, सॉरी. आप दोनों तीनों लोगों का इंटरनेट जो है ना वो जरा डाउन हुआ है. अच्छा जी, उम्मीद करते हैं कि आज का शो आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें. अब जो है ना मुझे लग रहा है कि मुझे बहुत बड़ी एक गन जो है ना, इतनी बड़ी गन यूं पॉइंट आउट करके रखनी पड़ेगी कैमरे के सामने और बोलना पड़ेगा लाइक कर दो. अच्छा थोड़ा सा हम रिकैप करते हैं. जो शो की शुरुआत में हमने आपको कहानी बताई वो कोई फिक्शनल वाकया नहीं है, वो एक हकीकत में मबनी एक वाकया है जो कि 1977 में मैसाचुसेट्स में पेश आया. और उसके बाद जो है वो एक ही रात की कहानी है कि एक ही रात में चंद घंटों के दरमियान एक ही इलाके के पर्टिकुलर हिस्से में 4-5 लोगों को एक ऐसी मखलूक दिखाई दी जो कि क्रिप्टिड्स के नाम से जानी जाती है. मतलब एक ऐसी शेप शिफ्टर या एक ऐसी मखलूक जो कि इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती, बल्कि लोगों की और लोगों का मानना यह है कि वो दुनिया से बाहर यानी कि अर्थ से बाहर किसी और प्लैनेट से वो मखलूक आई है. 77 से लेके 96 तक उस मखलूक का फिर कोई ऐसा कहानी या किस्सा या वाकया सामने नहीं आया, लेकिन 1996 के बाद से दोबारा से वो मखलूक उस जगह पे दिखाई देने लगी. तो आप लोग जरा रिसर्च कीजिएगा जाके, डोवर डीमन के नाम से, DOVER, आई होप मैं प्रोनाउंस सही कर रहा हूँ, डवर या डोवर जो भी इसको कहते हैं या डूवर कहते हैं जो भी, DOVER डीमन सही है. उसके बारे में सर्च कीजिएगा, यू विल फाइंड इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स अबाउट इट. अच्छा जी, गिरगिट किधर है? गिरगिट बाहर सो रहा है, ये वो बेचारा जिंजर है उसका नाम, बदतमीजी नहीं करो. मेरे बच्चे का नाम तुम लोगों ने, तो आप लोगों को पता है हमारे यहाँ हम अब 4 हो गए फैमिली, 4 फैमिली वाले हो गए, सही है. एक मैं, एक हमारी बेगम, एक हमारा नायल, सही है, और अब हमारा ये चौथा है जिंजर अस्करी. तो हमारे बेटे साहब ने उसका नाम जिंजर अस्करी रख दिया है बाकायदा, तो वो अब उनके भाई हैं. वो कह रहे थे कि वेयर इज माई ब्रदर, तो ब्रदर बेचारे सोफे के नीचे सो रहे होते हैं. लेकिन वो बिल्कुल दोनों में दोस्ती ऐसी हो गई है. मेरा जो नायल है वो डर रहा था शुरू में ना दो. अच्छा मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि इससे पहले ये हमारी पर्शियन बिल्ली के आने से पहले मैं एक छोटा सा पपी लेके आया था, सही है.
तो वो मैंने जब हमने रखा 3-4-5 दिन रखा उसको, तो एक दिन ना मैंने नोट किया, सना गई हुई थी शूट पे, मैं घर पे था, मैंने नोट किया कि नायल साहब गायब है। नायल और वो उसका नाम था, हमने उसका पपी का नाम क्या रखा था, नाम भूल गया मैं भी, बड़ा क्यूट सा नाम था उसका, सही है, खैर वो गोल्डन रिट्रीवर था वैसे, बहुत हसीन कुत्ता था। तो मैंने नोट किया कि वो जो कुत्ता है वो भी गायब है और नायल साहब भी गायब है। तो मुझे मुझे ऐसे ही ना सिक्स सेंस आई कि कोई ये शरारत हो रही है। तो मैं जब अपने कमरे से निकला, टटोलता एक कमरे से दूसरे कमरे में गया, ढूंढता हुआ कि ये कहाँ है, तो मैंने देखा कि ड्राइंग रूम में नायल साहब बैठे हुए, सही है, सोफे के ऊपर, और उनके पैरों के नीचे वो बेचारा कुत्ता बैठा हुआ है और नायल जो है ना उसको लाते मार रहे हैं। अब मुझे जो है ना ये चीज कभी पसंद नहीं आती, चाहे वो बाहर गली के मोहल्ले में कोई बच्चा ऐसी हरकत कर रहा हो या मेरे घर में बैठा हुआ कोई बच्चा ऐसी हरकत कर रहा हो कि किसी बेजुबान जानवर को मार रहा हो, तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो मैंने ये नायल साहब को फौरन डांट पड़ी, शदीद वाली, अच्छा वो इतनी शदीद डांट मैंने डांट दिया कि शायद उस 5 साल के बच्चे ने फील किया इंसल्ट कि मेरे बाप ने मुझे इस कुत्ते के सामने डांट दिया, मुझे बेइज्जत कर दिया, सही है, मुझे ऐसी फीलिंग आई। और उसके बाद मैंने नोट किया कि एक दो दिन नायल ने ना जाते जाते वो जहां उसको वो कुत्ता नजर आता उसको लात मार देता। फिर मैं और बेगम बैठे, हमने डिसाइड किया कि भाई ये माजरा है, इस तरह हो रहा है। तो फिर हमें पता चला कि नायल एक्चुअली जेलसी उसको हो रही थी, उसको वो जेलस फील कर रहा था, इसलिए क्योंकि जो कुत्ता होता है वो ज़रा टाइम टेकिंग वाला जानवर होता है, सही है, वो टाइम लेता है आपका, आपको उसको लेके जाना पड़ता है बाहर बार बार, उसके साथ खेलना पड़ता है, उसको टाइम देना पड़ता है। तो नायल जो है ना इनसिक्योर फील करता है कि अब्बा जो हैं जो मेरे साथ टाइम स्पेंड करते थे कि मुझे नीचे पार्क में लेके जा रहे हैं, तो वो साइकिल पे करा रहे हैं, तो ये करा रहे हैं, तो सी व्यू लेके जा रहे हैं, अब मेरे और अब्बा के बीच में ये कुत्ता भी आ गया, तो इसलिए उस बेचारे को हमने, फिर वो बेचारा किसी और घर चला गया। बाद में खबर मिली कि उस बेचारे का इंतकाल हो गया। अब नायल साहब 1 साल के बाद मुझसे पूछते हैं कभी कभी कि अब्बा वो कहाँ है, तो मैं कहता हूँ कि बेटा वो अब उस सही जगह पे है। खैर अच्छा जी, आज हम 3 घंटे का शो करते थे, काफी इस पूरे हफ्ते हमने 3 घंटे का शो नहीं किया ना, आज करते हैं। हाँ तो बिल्ली लाने का रीज़न ये है कि बिल्ली जो है ना ज़्यादा वो नहीं होती, चिपका चिपकी वाला सीन नहीं होता, खाना खाती है, अपने काम से काम रखती है। तो नायल साहब इसमें खुश हैं कि नायल को ऐसा थ्रेटन भी फील नहीं हो रहा, जेलिस भी नहीं हो रहा, अम्मा अब्बा भी बिजी नहीं है ज़्यादा, और बिल्ली भी घर में पल रही है, तो वो सब सही हो गया, तो वो सब सही है। लेकिन एक मैं बात बताऊं आपको, अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं आप ज़रूर कोई ना कोई जानवर पालें, और कुत्ता तो बेस्ट जानवर है वैसे। एक हमारे यहाँ कुत्ते के ऊपर लेके कंट्रोवर्सी है, लेकिन कंट्रोवर्सी है उस पे हम कभी जो है ना वो हमें पता नहीं चलता कि डेफिनेट एक स्टेटमेंट नहीं पता चलती कि भाई पाल सकते हैं कि नहीं पाल सकते, क्या चक्कर है। लेकिन डॉग्स एवरी एनिमल, मैंने अपनी ज़िंदगी में पता नहीं कौन कौन से जानवर पाले, मैं आपको बता देता हूँ ना। कुत्ता तो बहुत पाले मैंने, पहले एक मेरे पास ब्लैक लेब्राडोर था, फिर एक गोल्डन रिट्रीवर था, फिर एक ज़माने में डोबरमैन था, फिर मेरा भाई रॉटवाइलर लेके आ गया था, सही है, तो ये कुत्ते हो गए। फिर मैंने बकरा पाला हुआ है, वो बकरा हमने ऐसे ट्रेन किया था हम सब सारे कज़न्स से मिल के कि वो कुत्ता ही बन गया था, वो किसी को घर के अंदर नहीं आने देता, जो आता था उसको मार पड़ती थी। फिर मैंने मोर पाला हुआ है, बंदर पाला हुआ है, सबसे फनी जानवर बंदर है वैसे, फिर तोते चिड़िया ये कबूतर वबूतर तो हैं, टर्टल्स मैंने पाले थे,
हाँ ये खरगोश वरगोश कहने, खरगोश तो ऐसे ही पल गए थे हमारे घर में, छत पे पलते थे। मैंने टर्टल्स पाले थे और टर्टल्स मैंने लिए थे इतने साइज के, इतने इतने से सही है। और जब मैंने वो दिए, मैंने नहीं एक्चुअली उसकी भी एक कहानी किसी दिन सुनाऊंगा, जब वो हमारे घर से गए तो वो इतने बड़े हो चुके थे, कोई 8-10 साल तक वो मेरे पास रहे। फिर हमने और क्या पाला, हमने वो एक दफ़ा शीप भेड़ पाली थी, वो बड़ी ख़तरनाक होती है। बास पाला हुआ एक दफ़ा, ओहो वो याद आ गया मुझे, मेरा कज़न हमारे साथ रह रहा था, वो सांप पालता था, उसने सांप पाला हुआ था अपने कमरे के अंदर। और मैं ज़िंदगी में मेरा कभी दिल नहीं चाहता इतना मारने का अपने कज़न को जितना उस कज़न को मारने का दिल चाहता, कि सांप क्यों पाला। चलें जी, बंदर का एक्सपीरियंस सबसे बेस्ट, सबसे बेस्ट, सबसे क्यूट जानवर है, है बड़ा, एक वर्ड में यूज़ कर रहा हूँ, आई एम सॉरी, हराम ज़्यादा जानवर है बड़ा, सही है, क्योंकि वो बिल्कुल इंसान है, बिल्कुल इंसान है। जब पहली दफ़ा मैंने उस बंदर को देखा और हमने उसको, मैंने छोटा सा बंदर का बच्चा लिया था और उसको हमने पता नहीं मैं कुछ खिला पिला रहा था तो उसको गुदगुदी हुई तो वो हंसना शुरू हो गया। मुझे हंसा तो मैंने देखा कि ये तो बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह हंस रहा है, फिर मैंने उसको फिर गुदगुदी की, फिर मैंने जानबूझ के गुदगुदी की तो वो हंसने लगा। फिर उसके मैं हाथ, उसकी सफाई वफाई करते थे ना तो उसके हाथ देखता था मैं तो बकायदा इंसानों जैसे हाथ होते हैं भाई। अच्छा खाने में नदीदा होता है, मिनाज भाई आज स्ट्रीम नहीं होगी, अभी हमजा कहते कर तो दी 2.5 घंटे स्ट्रीम कर दी और कितना क्या जिंदगी भर जिंदगी दे दूं है। वाकयात सुन अबे, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वाकयात, स्ट्रीम गई बाहर में हो गई, हमने स्ट्रीम कर ली, अब हमारा थोड़ा सा ये प्लेजर टाइम है समझे। हाँ तो जो बंदर को हमने पाला, बंदर बड़ा फनी होता है यार, हंस रहा था ही करके, सही है। फिर उसको आप खाना देते रहे, वो खाना जमा करता रहेगा यहाँ यहाँ पे यूँ करके, इतनी बड़ी मुँह, उतना बड़ा मुँह हो जाता है। वाह खैर सॉरी, चले जी कमिंग बैक टू द स्ट्रीम, जिंदगी में वापस आते हैं। नताशा शेख हमारे साथ मौजूद है, नताशा, नताशा को ज्वाइन करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नताशा। अस्सलाम वालेकुम, कैन यू हियर मी? जी जी आई कैन हियर यू। किधर से आपने ज्वाइन किया? मैं लंदन। अच्छा नताशा जरा थोड़ा सा और ऊंचा बोलेंगी? ओके आई विल ट्राई। अच्छा पहले मैं पूछ लो आपसे, इट्स ओके टू स्पीक इन इंग्लिश प्रॉपर्ली? आप जिसमें कंफर्टेबल हो, बेचारे सुनने वाले तो किसी भी चीज में कंफर्टेबल नहीं होते, आप जिसमें कंफर्टेबल हैं आप बोलें। अच्छा ठीक है। Manoj, firstly, I've recently discovered your program. It's very interesting. So congratulations on hosting a very interesting show once again. Thank you. Thank you. मैं वाक्य बताना चाहती हूँ, and it's like to do with a few generations. So if you have time for that. मेरी मदर की साइड से ये वाक्य शुरू होता है। उनके ancestors were hakims, you know, the herbal doctors, subcontinent mein to wo log bahut generation se yahi kaam un logo ka tha, so very respected log hote the, to mughals ke bhi wo doctors rahe. Mother meri batati thi ki unke jo nana the, raat ko ek dafa knock hua door pe, to उन्होंने उनके काफी यू नो दे वर वेल टू डू रिस्पेक्टेड पीपल, तो उनके लोग होते थे, गए दरवाजा खोला रात को तो एक आदमी उधर था, वो कहते जी के बेसिकली हिज वाइफ वाज हैविंग अ बेबी एंड ही नीडेड हेल्प, सो नाना सेड लुक इट्स रियली लेट, सो इज इट पॉसिबल फॉर यू टू ब्रिंग अ हेयर, एंड ही गोज नो 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 आईव गॉट अ कैरिज आउटसाइड, तो बाहर घोड़ा गाड़ी है, आप उसमें आ जाए हमारे साथ, हम आपको लेके जाएंगे। तो ऑफ कोर्स वो उनके साथ चले गए। मदर मेरी बताती हैं कि जब वो वापस आए तो 3 दिन तक उनको बुखार था और वो उठ नहीं सक रहे थे, और जब वो उठे तो उन्होंने बताया कि मैं जब गया हूँ उधर पहुंचा हूँ तो इट वॉज लाइक रास्ते में उसने कहा आप आंखें बंद कर ले, अभी रास्ता मुश्किल है थोड़ा, आप आंखें बंद कर ले, तो उन्होंने कहा ये कैसी बात है आंखें बंद कर ले, आई नो दीज वेज, आई एम वेरी फेमिलियर विद द एरिया, डोंट वरी अबाउट मी, ही सेड नहीं आप आंखें बंद कर ले,
हम आपको बड़ी इज्जत से लेकर आए और इज्जत से वापस छोड़ेंगे, इस वक्त आप आंखें बंद कर लें। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, आंखें बंद कर लिया। जब वो कहते हैं हम पहुंचे वहां पे, तो उन्होंने कहा अब आप आंखें खोल लें। तो वो कहते बहुत लाइक इट वाज अ पैलेस, इट वाज अ मैसिव पैलेस। तो वो उनकी एंट्री भी ऐसी हुई जैसे कि बड़ी डिग्निटरीज को एंट्री दे रहे हैं, उनको अंदर लेके गए। कहते जब हम अंदर पहुंचे तो द पीपल ऑफ द रूम्स वर मैसिव, बहुत हाई रूम का रूफ सीलिंग्स बहुत हाई थे। तो वो जब अंदर पहुंचे तो पता चला कि जी ये जिन है। And they said, look, it's a difficult delivery. We needed help. And हम लोग के पास कोई नहीं था ऐसा जो ये इनका ख्याल कर सकता। और इनके अपने जो थे हकीम, उन्होंने कहा कि जी इस नाम का बंदा वहां पे रहता है, उसको लेकर आए, वो ये आपके इनको बचा सकता है। Anyway, he managed to do the delivery. And उन्होंने उनको कहते हैं कि जी आपको जो चाहिए आप बताएं, हम बाद में कहते हैं जो चाहिए बताएं। उन्होंने कहा जी हम मुझे कुछ नहीं चाहिए, just get me back to my house, that's it. और उन्होंने वो डिलीवरी करवा दी, करवा दिया, सब खैरियत से हो गया। वो जो भी उनकी मिसेस थी, मिसेस जेन, वो भी खैरियत से थी। उन्होंने कहा जी I don't want anything, you know, this happened, everybody's safe, I'm happy, just get me back to my house safely now. उन्होंने कहा आप कुछ नहीं ले जा रहे तो हम आपको एक दुआ देते हैं कि आपकी सात नस्लें हर मुश्किल, ये जो सुपरनैचुरल पावर्स से महफूज रहेंगी, उन पे कोई इविल नहीं आएगा, और आपको हम हमारे जो लोग हैं whoever you know we will protect you and we will take care of you, और हम हमेशा आपके साथ रहेंगे। उन्होंने कहा ठीक है हम मुझे घर पे छोड़ दीजिए। Anyway, he went back home. He was very unwell. जब उनकी खैर तबीयत ठीक हुई, उन्होंने खुद ही बताया कि ऐसा ऐसा हुआ। मीनाक, मैं आपको बताऊं, truly कभी ऐसा फील होता है मेरे साथ, और ये अभी की बात नहीं है, बचपन से, कि there is somebody there. My mother was very much into this and वो believe करती थी। और वाकई उनको, इवन मेरे भाई ने एक दफा बहुत तंग किया था। He had had an accident and he had broken his leg, his femur was broken, mashed up badly. प्लेट, वो मेटल प्लेट नहीं लगा देते, ये 70s की बात है एक्चुअली। मेटल प्लेट लगा हुआ था, he was in bed, मगर वो मम्मी को तंग बहुत करता था। He was probably 17-18 at that time. तो He must have had an argument with my mother and my mother left the room, you know, वो लेटा हुआ था। थोड़ी देर बाद वो चीखा है बहुत जोर-जोर से, कहता है somebody is slapping me non-stop. तो और मेरी माँ, so was he pranking her or what? हाँ, वो तंग करता था, मतलब not in a bad way, but you know, एक जवान लड़का 17-18 साल का बिस्तर में डेढ़ साल पड़ा रहे, you know, पहले वो मिड ईस्ट हॉस्पिटल होता था कराची में, I don't know whether it's still there or not. नहीं, अब उसकी जगह पे हमने बहुत बड़ा एक शॉपिंग मॉल बना दिया। Oh, brilliant. Okay. Well, I haven't been there in years, so I'm not too familiar. Anyway, तो उसके बाद ऐसी चीजें होती थी। And my mother, I mean, हम सबको पता था कि इनके साथ कुछ है और उनका बहुत ख्याल रखता है, उनको प्रोटेक्ट करता है। And बहुत उनके हाथ में वो क्या कहते थे? शिफा था। बहुत लोग आते थे उनसे, you know, मिलने मिलाने। And she was very friendly, she was a social worker as well. Anyway, अब मुझे हमेशा से felt this presence. London में I've been here over 35 years now. और यहाँ पे I've always lived in an area called Ealing in West London. और यहाँ पे मिनाज मेरे नेबर्स में ऑपोजिट मेरे घर के ऑपोजिट एक घर था, और हमारा घर बहुत बड़ा था अल्हम्दुलिल्लाह। यू नो, देयर वाज लाइक मैसिव रूम्स, लिविंग रूम्स डाउनस्टेयर्स, देयर वाज 8 बेडरूम्स अपस्टेयर्स, जिसमें से एक स्टडी बनाया था। वो ऐसे था कि मेरे ऑपोजिट जो घर था उधर एक फैमिली रहती थी, मियाँ बीवी थे, उनके दो बच्चे थे। तो उन्होंने अपने घर को फ्लैट्स बन चुके थे उस वक्त तक, तो उन्होंने चार पोर्शंस कर दिए क्योंकि वो बड़े बड़े घर थे वहां पे। तो वो एक पोर्शन में रहते थे। अब वो बच्ची बहुत ही क्यूट बच्ची थी, और मैं आई यूज़्ड टू प्ले विद, आई वाज यू नो लाइक न्यूली मैरिड एट दैट टाइम।
उसका आना जाना हो गया, आ जाती थी खेलने के लिए. तो आई यूज्ड टू लुक आफ्टर हर एज वेल, बेबी सिटिंग कर दी. आई लव चिल्ड्रन, मुझे बहुत बहुत पसंद है बच्चे. तो वो एक दिन आई वेंट अपस्टेयर्स, तो हमने एक रूम को बनाया था स्टडी, और वहां पे नमाज, कोई आ गया तो नमाज पढ़ने की जगह उसको अच्छा रखा था. मैंने रूम का डोर खोला तो वहां पे सोफा कम बेड था, तो वो उस पर बैठी हुई थी. तो आई वाज क्वाइट सरप्राइज्ड. आई वाज लाइक, तुम यू नो, हाउ डिड यू गेट हियर, व्हाई आर यू सिटिंग हियर बाय योरसेल्फ? सो शी गोज, ओह, आई जस्ट वांटेड टू कम हियर एंड प्ले एंड सिट विद यू एंड ऑल. So I played with her for about 15-20 minutes, and then I said, does your mom know you're here? And she goes, no, I just came. I said, no, that's not right. Come, I'll take you back home. Your mom must be getting worried. मैंने उसका बाजू हाथ पकड़ा, and उसको मैंने हाथ से पकड़ के और लेके जा रही थी. I took her downstairs. I took her out of the door. I crossed the road over. और मैंने उसका हाथ छोड़ा कि मैं डोर पे नॉक करूँ ना उनके घर के. और मैंने डोर पे नॉक किया, वो उसकी माँ आई, एंड आई सेड, लुक, कैथरीन इज हियर विद मी एंड शी हैज बीन विद मी, वी वांट वरीड वर यू. अब वो मुझे शॉक, वो मुझे कह रही है, व्हाट डू यू मीन शी इज विद यू, शी इज हियर एट होम. आई वाज लाइक, नो, यू नो, शी हैज बीन विद मी एंड शी हैज बीन प्लेइंग विद मी. आई टर्न अराउंड, आई सेड, कैथरीन, कम हियर. आई टर्न अराउंड, देयर इज नोबडी देयर, एंड कैथरीन वाज इन द हाउस. एंड या, एंड देन I was like, whoa, okay, what happened there? And then I just didn't know what to say. I was like, I am so sure I'm hallucinating. Kuch chadh gaya, mero dimag kharab ho raha hai, jo bhi, whatever. Anyway, we sat, we had a laugh about it. And, you know, she probably thought I was making it up anyway. But, you know, I was really, like, concerned. Ki kya hua mere saath. The next day I heard that little girl was really unwell, that she was really, really unwell. I went over to visit her and everything. और उसकी माँ मुझे कहती है कि ये बार बार कह रही है कि call Natasha, I need to speak with her. So when I got there, you know, to her room, and she just held my hand and she was like, I need to give you a message. And she kept repeating कि मुझे आपको एक message बताना है, एक बात बतानी है. And you know, I sat there with her. वो बोल नहीं सक रही थी, बस वो ये बात बोल रही थी बार बार, मुझे आपको एक मैसेज देना है. और किससे देना है, किसका मैसेज है, मगर वो आगे नहीं बोल सक रही थी. एनीवे, थ्री डेज लेटर शी एंडेड अप इन हॉस्पिटल एंड शी पास्ड अवे. दैट गर्ल, शी वाज प्रोबब्ली 7 or 8 इयर्स ओल्ड. दे कुडंट डायग्नोस व्हाट हैपेंड टू हर एंड द लिटिल गर्ल पास्ड अवे. To date, I don't know what she wanted to say to me. Kya wo baat thi jo mujhe bolna chahti thi? Koi mujhe galti hua? Koi kya tha? I don't know. Anyway, uske bhi bahut saal baad, aise kaafi 3-4 cheeze hui hain. Abhi pata nahi. We don't have time. Probably I can't go into it. But yeah, that was my story. Thank you, Natasha. Thank you so much. और बहुत शुक्रिया फॉर जॉइनिंग इन. टेक केयर, अल्लाह हाफिज़. ओके, क्या टाइम हो गया? इट्स 2:48. ओके, वी हैव फॉर अनदर 12-15 मिनट्स. अच्छा जी, उसैद शहाब, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, योर सुपर चैट, बहुत शुक्रिया. सॉरी, उस कॉल्स पे थे तो हम आपका नाम नहीं शामिल कर सके. अच्छा जी, ईमेल्स अगर आई हुई हैं तो पढ़ लेते हैं भैया. ईमेल नहीं आई हुई, एक ईमेल है मेरे पास जो कि तकरीबन शो का आधा घंटा खा लेगी, तो वो हम आज नहीं, कल. क्या है, कल संडे है. आई बी डूइंग अ स्ट्रीम टुमारो. चलें, कल का जो शो है ना वो ज़रूर सुनिएगा. वो इसलिए सुनेगा क्योंकि शो का जो आधा घंटा है ना शुरू का, आफरीन आपकी वाली जो आपने मुझे ईमेल भेजी उसी की बात कर रहा हूँ, वो हम कल अपने शो में पढ़ेंगे. अच्छा जी, किसी ने मुझसे कोई मैं देख रहा था कि कोई कह रहा था कि वो टर्टल है उसके पास रखने के लिए, तो भाई हमारा घर है का, मेरे को दे दो वो टर्टल. रे, मेरे को दे दो, मुझे बहुत पसंद है टर्टल्स.
दूसरे किसी ने चैट पे पूछा था, आई एम श्योर उन्होंने मजाक किया था अपनी तरफ से, वो मजाक था उनका कि मिनाज भाई कभी आपने गधा पाले? नहीं, लेकिन मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, दुनिया का सबसे प्यारा जानवर और स्पेशली जो दुनिया का सबसे प्यारा जिस जानवर का बच्चा होता है ना, वो गधे का होता है। तो जब आपको आपके वालिदैन बोले ना गधे के बच्चे, तो खुश हुआ करें, क्योंकि गधे का बच्चा बहुत क्यूट होता है, कभी देखेगा तो आपको पता चलेगा। और गधा पालना कोई मतलब बुरी बात तो नहीं है, अगर आपने ये मजाक में, क्योंकि आपने आउट ऑफ द ब्लू एक गधे को बोला, तो आई एम श्योर आप उसको वो कर रहे थे, डिग्रेड कर रहे थे उस जानवर को जो जिसकी मदद से आप कई सारे मुल्क बने, आप उसको उसका मजाक उड़ा रहे हैं, जो सबसे ज़्यादा मेहनती जानवर है, जो सबसे ज़्यादा वजन उठाता है, जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा जुल्म होता है, आप शायद उसका मजाक उड़ा रहे थे। खैर, हमारे यहाँ लोग इसी तरह ही मजाक उड़ाते हैं, वैसे हर मेहनत करने वाले शख्स का मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि सबसे आसान काम है, फ्री है, मजाक उड़ाओ, हाँ क्या फर्क पड़ रहा है, कोई उसका वो गुनाह नहीं है ना, आपको ऐसा लगता है गुनाह नहीं है। अच्छा जी, उसैद हमारे साथ मौजूद हैं, उसैद्स मॉम हमारे साथ एक्चुअली मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप बेटा? मैं लग 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 शुक्र आंटी, सॉरी आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ गया। जी बेटा, ये जो मैं वाकया या कहानी या जो कुछ उसकी मैं चश्मदीद गवाह हूँ, और उसके बहुत से किरदार इस दुनिया से जा चुके हैं। अच्छा, अरे भाई पीछे तो अपने बेटे को बोले चुप रहे भाई, हम बात कर रहे हैं अपनी अम्मी से। बिल्कुल बिल्कुल, अरे बोल ना सर। बेटा ऐसा है कि मेरे करीबी अजीज हैं, उनका नाम मैं जाहिर नहीं करना चाहती, ठीक है, उनकी जिन हालात में शादी हुई, अर्ली एज में शादी हुई, और वो जिस जगह गई उनके यहाँ तावीज, पीरी फकीरी, इस तरह के मामलात बहुत थे। सही। और 11-12 साल या 13 साल की उम्र में शादी हुई होगी उनकी। जी इंडिया में 11-12 साल की उम्र में शादी? जी जी, मैं यही बता रही हूँ तकरीबन ये, लेकिन वो मेरे अजीज हैं तो मैं उनका ये वाकया बता रही हूँ। वो फिर जिस माहौल में गई, उनके ससुराल में जो कुछ होता रहा वो ही उन्होंने अडॉप्ट किया। ज़ाहिर है 11 साल की बच्ची जो है वो किसी, क्या उसकी कोई ज़हन ही नहीं होगा कुछ। जी बहरहाल ये वाकया भी हैदराबाद से ही ताल्लुक रखता है। उन्होंने जब इन बातों को अडॉप्ट करना शुरू किया तो वो ऐसा ऐसा फैमिली से कटती गई, उनके यहाँ तावीज, गंडे, इलाज, माल जाल, पीरी फकीरी सब समझाते थे, लेकिन उनकी समझ में नहीं आती थी ये बात। अल्लाह का करना ये हुआ कि उनके साथ जो भी मामला थे अल्लाह बेहतर जानता है, हमें नहीं पता, लेकिन सबसे पहले इनके घर में बदहाली ने डेरा डाला। तालीम से बहुत दूर हो गए, क्योंकि उनकी जिन हालात में शादी हुई थी वो पढ़ने वाली बच्ची थी, लेकिन गलत उसकी वजह से, उनकी एक दोस्त की गलती की वजह से उनकी शादी गलत आदमी से हो गई, जिसको उन्होंने कभी कबूल नहीं किया। बहरहाल उन्होंने फिर अपनी बच्ची को, बच्चों की भी तालीम पर या बच्चों की तालीम पर, एक ही बेटा था उनका और तीन बेटियां थी या चार, उनमें से किसी पर भी तालीम पर तवज्जो नहीं दी, किसी बच्ची ने छठी सातवीं से ज्यादा नहीं पढ़ा। सबसे पहले उनके घर में जो इफेक्ट पड़ा उनकी बदहाली थी, परेशानियां, बदहालियां और कुछ ऐसी बीमारियां जिसका कुछ कह नहीं सकते। उनका भी इलाज वो किसी डॉक्टर के बजाय किसी पीर और फकीर ही से कराती थी, जो कुछ भी था, जिसको हम लोग सिफली भी कहते हैं या काला जादू भी कहते हैं। बहरहाल होते आहिस्ता आहिस्ता घर में बदहाली आई, परेशानियां आई, उसके बाद जो है उनके घर में सबसे पहले उनके शौहर का इंतकाल हुआ। अच्छा आंटी, मुझे पहले ये बताएं कि ये अभी रीसेंट टाइम्स का वाकया है, ये बहुत पुरानी बात है? नहीं नहीं, ये अभी का वाकया है, ये उसके असरात, हाँ तकरीबन ये तकरीबन 50 साल से ज्यादा का पुराना वाकया है, और ये इसके जो असरात हमने अब देखे हैं तो उसके बाद हमने सिर्फ तौबा करी है, सिर्फ तौबा करिए। अल्लाह ताला हमें अपनी पनाह में रखे और ईमान की सलामती और मजबूती अता फरमाए।
ये वाकया सुनाने का सिर्फ मकसद ये है कि कुछ ऐसे वाकया होते हैं जो लोग ईमान के अलावा और चीजों पे यकीन रखते हैं उनका। बहरहाल उनकी शौहर का इंतकाल हो गया, उनकी बहू जो है दौरान डिलीवरी या उसके बाद जो है वो हुआ, उसका इंतकाल हुआ, एक ही बेटा था। बेटियों में भी यही सब मामलात रहे। अच्छा, वो खातून जो थी बहुत इन्वॉल्व रहती थी सही इन मामलात में, काले जादू में या उसमें। आखिरकार उनका भी इंतकाल हुआ जिसमें हम लोग तदफीन में शरीक हुए। हम लोग जो करीबी अजीज व अकारिब थे उनकी तदफीन में शरीक हुए। उनकी तदफीन में गैर मामूली बात ये हुई कि उनको कब्र नहीं मिल रही थी कहीं पर भी। और ये इंतकाल पाकिस्तान में हुआ था? जी जी बिल्कुल, पाकिस्तान में तकरीबन 7-8-10 साल पहले की बात है मुश्किल से। और उनको कब्र नहीं मिल रही। मेरे एक बड़े भाई हैं, इंतहाई काबिल इंसान हैंगे, मैं उनका अभी नाम भी नहीं शो करना चाहती हूँ, बहुत दीनदार भी हैं और बेइंतहा काबिल हैं, स्कॉलर भी हैं। तो उन्होंने भी वो की, आखिर में जोहर में उन्होंने दुआ मांगी अल्लाह से कि अल्लाह ताला क्योंकि मामला खराब हो रहे हैं, कहीं कब्र खोदें तो पत्थर निकल रहे हैं, कहीं पानी निकल रहा है, खैर कहीं जाके अल्लाह का करम है एक जगह कब्र मिली। लेकिन उस दौरान एक बड़ा अजीब सा वाकया हुआ, उनको नहला धुला के कफन पहना दिया गया था, उनके मुंह में एक दांत कुदरती तौर से वाजे होना शुरू हो गया, व्हाइट कलर का चमकदार, जैसे कि हमने सुना है कि ड्रैकुला के दांत होते, उससे छोटा, लेकिन वो मुंह बंद था पट्टी की सूरत में, उनके दांत टूट गए थे उन खातून के अक्सर, और पान और वो गुटखा वगैरह खाती थी, तो वो उसके बाद जो उनका दांत जाहिर हुआ तो व्हाइट कलर का चमकदार था। मैं मेरे जो और करीबी हम सब अजीब कैफियत में थे कि हम मुंह से क्या इजहार करें इस मौके पर कि एक अनहोनी जिनके मुंह में दांत नहीं थे एक दांत कैसे नजर आ रहा है और वो भी व्हाइट और चमकदार। खैर अल्लाह ताला का शुक्र है कि उनकी तदफीन हो गई, लेकिन उसके बाद भी उनके बच्चों में उनका जो आखिरी बेटा एक ही बेटा था वो भी हेपेटाइटिस और दूसरे अमराज के उसमें इंतकाल हुआ और वो पूरा घर तबाह हुआ है। वो पूरा घर मैंने अपनी आंखों से तबाह होते हुए देखा और किसी को भी मैंने ईमान की सलामती पे उस घर में नहीं देखा। तो मेरे कहने का मकसद सिर्फ इतना था कि अल्लाह ताला हम सबको ईमान की सलामती दे और इन चीजों से महफूज रखे, क्योंकि ये चीजें ऐसी हैं कि वाज़े तौर से तो शैतानी अमल ही है ना, और हम इस पर यकीन करेंगे तो हम उसका एक तरह से हिस्सेदार बन जाते हैं। ये ऐसा वाकया है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये वाकया जो है ये जो सीखना चाहेंगे जो समझना चाहेंगे वो इससे जरूर कोई ना कोई सबक हासिल करेंगे। थैंक यू, शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। और सुने आइंदा बोलेगा उसको ना, ये जो आपके पीछे आपके बेटे साहब थे ना उनको बोलेगा कि जब बड़ा बेटा और माँ बात करें ना तो छोटा बेटा बीच में नहीं बोलते। बिल्कुल, इसको तो इस बात पे डांट किया बस है ना, वो हो जाती है। लेकिन होता ये है कि वो मुझे लाते हैं, कहते हैं कि अम्मी आपके साथ कुछ हालात ऐसे रहे, वाकई आप शेयर क्या करें, इनकी वजह ही से मैं आपके प्रोग्राम में आई हूँ। थैंक यू आंटी, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। अच्छा जी, अलीशा बाजवा, आपकी ना मुझे आज तक हॉरर टेप मिली नहीं। आप सिर्फ चैट पे बोलती थी मेरी हॉरर टेप चला दें, मेरी हॉरर टेप चला दें, आपकी हॉरर टेप मुझे नहीं मिली अभी तक। एक मैंने अभी अपनी ईमेल चेक की, आपकी एक ईमेल आई हुई है, सही है, और उस ईमेल में आपने मुझसे कहा कि मिनाज अगर आपको ये ईमेल मिल गई है तो मुझे कन्फर्म कर दें। तो मैंने आपको कन्फर्म कर दिया जी आपकी ईमेल मिली है। वो सिर्फ ईमेल है, उसके अंदर कोई हॉरर टेप नहीं है, कोई आपकी रिकॉर्डिंग नहीं है। तो आप अपने रिकॉर्ड करके भेजेंगी, हम सुनेंगे, तभी वो अपलोड होगी, सही है। आज बैकग्राउंड म्यूजिक से पुराने दिन याद आ गए, चलें जी पुराने दिन अगर हमारे प्रोग्राम की वजह से याद आ गए तो कोई बात नहीं है, जबरदस्त अच्छी बात है। ज्यादा पुराने दिनों को याद नहीं करना चाहिए, अक्सर अफसुरदा हो जाता है इंसान। मैंने अब जिंदगी के इतने साल गुजार लिए, अभी थोड़े दिन पहले मैं बड़े अपने माजी को याद कर रहा था और आप लोगों के सामने भी याद किया था, तो फिर मैं अभी कल परसों बैठा हुआ था, मैंने कहा यार हम माजी को अपना याद करते हैं, याद कर लिया, दुख हो जाता है, बड़े परेशान हो जाते हैं कि यार हम क्या कर रहे थे और कहाँ पहुँच गए और क्या सोचा था और क्या। तो माजी को ज़्यादा मैंने अब इस उस पर आ गया, क्योंकि ज़्यादा ना
माजी को याद नहीं करें, जितना वो अपने माजी को याद करेंगे उतना प्रॉब्लम होगा। द शानिज़म कह रहे हैं मिनाज भी एफएम वाला हॉरर टच नहीं आ रहा। अबे पहले तो तू अपनी हॉरर की स्पेलिंग सही कर, सही है। दूसरी बात ये कि वो जो हमारा हॉरर है ना वो आ गया दो घंटे, वो दो घंटे हमने कर लिया, उसके बाद हम अपनी नॉर्मल स्ट्रीम पे आ गए। तो वो जो हॉरर तुम्हें चाहिए ना, हॉरर हॉरर, वो तुम्हें अब मिल जाएगा। पीछे कर लो थोड़ी सी स्ट्रीम दो घंटे, छोटी छोटी चीजों के लिए बताना पड़ता है। मतलब यार गूगल हैगा, सर्च कर लो। वैसे तो सब मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। अगर देखें, एक मैं आपको एक 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 अच्छी बात बताता हूँ। कार्मा जो है ना, वो कहते हैं ना लोग, कार्मा इज अ, वो चैट पे नजर आ जाती है। अभी यही साहब जो थे, ये जो हमारी एक खातून आई थी जो अंग्रेजी बोल रही थी, उनकी अंग्रेजी का मजाक उड़ा रहे थे और फिर उन्होंने खुद ही अपने ऊपर बम मार दिया हॉरर लिख के। आपका अब आपका मजाक उड़ाया जाए तो आपको कैसा लगेगा? मजा आएगा ना, हैं, होगा ना। तो यार आप सबसे रिक्वेस्ट है, देखिए हम 2022 में आ गए, अब हमारे अब्बा का मजाक अगर हम भी करेंगे ना तो वो रेलेवेंट नहीं है। हमारे अब्बा या हमारे मैं, अगर हमारे ज़माने में इस तरह के मजाक होते थे कि किसी की अंग्रेजी का मजाक उड़ा लिया, किसी के मोटापे का मजाक उड़ा लिया, किसी के रंगत का मजाक उड़ा लिया, किसी के कद का मजाक उड़ा लिया, अब वो चीज़ रेलेवेंट नहीं है, अब बुरा समझा जाता है उसको। तो वो एटिकेट्स के अंदर आ गया। अगर इतनी भी तहजीब नहीं रही, सीखने का अमल नहीं रहा, तो फिर तो हम सब जानवर हो गए। हम अगर किसी की जिसामत का मजाक उड़ा रहे हैं, किसी की जबान का मजाक उड़ा रहे हैं, तो ये मत समझिएगा कि आपका टाइम नहीं आएगा। और आपका तो टाइम एक सेकंड में आ गया। हॉरर आप जैसे बहुत सारे और हैं जिनका यहीं वो बेचारे उनके जो ना कपड़े उतर जाते हैं, चैट पे उतर जाते हैं। जब वो मजाक उड़ा रहे तो दूसरे का अगले ही चैट पे जो लिखते हैं उससे उनका मजाक उड़ जाता है। तो एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना सीखिए यार। और हमारे यहाँ मजाक का लेवल इतना बेकार, इतना थर्ड क्लास हो गया, इतना थर्ड क्लास हो गया कि वो मजाक नहीं होती, वो इंसल्ट होती है। तो हम हर किसी को इंसल्ट कर रहे होते हैं, मज़ा नहीं रहा उसमें। जो जिस ज़माने में जिस माशरे ने अनवर मकसूद को पैदा किया, मोइन अख्तर को पैदा किया, उमर शरीफ को पैदा किया, चले उमर शरीफ फिर भी ज़रा थोड़ा सा कभी कभी ऑफ ट्रैक हो जाया करते थे कॉमेडी में, लेकिन अशफाक अहमद, चले अशफाक अहमद तो खैर कॉमेडी में नहीं थे, अलिफ नून, इतने बड़े बड़े नाम हमने पैदा किए, लहरी साहब कॉमेडी में, वो मुआशरा बेइज्जती पे उतर आया, लोगों की बेइज्जतियां करते और उसको समझता है कि हम मजाक कर रहे हैं। बड़े हो जाओ यार, निकल आओ अपने छोटे छोटे हुजरों से, अपने छोटे छोटी सोचों से बाहर निकलो। वैसे तो वो क्या है, इम्पोर्टेड हुकूमत, क्या हकीकी आज़ादी के लिए निकल रहे हैं? खुद की जो अपनी दिमाग की आज़ादी वो कब हासिल करोगे, हैं? पहले अपने दिमाग को आज़ाद करो अपनी छोटी सोच से, फिर हकीकी आज़ादी के लिए पीछे भागो। खैर जनाब, ये हमारा आखिरी का 10-15 मिनट का जो होता है ना, वो होता है भाषण होता है, जो चुपता है लोगों को। और मुझे मज़ा आता है जब वो मैसेज आते हैं, अच्छा ना भाषण मत दें, आपका भाषण नहीं सुनना किसी ने। तो ये मज़ा आता है, कुछ चुपने वाली बातें भी करनी चाहिए ना यार। अच्छा जी, थैंक यू सो मच, आप तमाम लोगों का बहुत 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 शुक्रिया आज का शो सुनने का। शुरू के दो घंटे आपने सुना होगा तो हमने प्योर रेडियो फॉर्मेट किया, उसमें कोई हंसी मजाक नहीं था, कुछ भी नहीं था। लेकिन जब स्क्रीन ऑन होती है तो हमारी भी पर्सनालिटी चेंज हो जाती है। तो उन तमाम लोगों का शुक्रिया जिन्होंने हमें सपोर्ट किया, हमारे इस चैनल को सपोर्ट किया। अगर आप लोगों को हो सके तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हो सके तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। अगर अभी जितने भी लोग प्रोग्राम सुन रहे हैं, आप सब एक दफ़ा बेल आइकन को प्रेस करके ज़रा नोटिफिकेशन चेक कर लें कि वो सही है कि नहीं है, उसके बाद फिर आप लोग सो जाइए। लेकिन आज जब सोएं तो एक काम करिएगा,
और काम ये कीजिएगा कि अपने इर्द गिर्द हिसार बांध लीजिएगा। वो इसलिए क्योंकि शुरुआत में शो के आप लोग बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि हमें भी आवाजें आ रही थी, और मैं आपको बस यही बोल सकता हूँ कि वो आवाज़ें मैं नहीं निकाल रहा था। अब आप माने या ना माने, वो एक आपकी अपनी चॉइस है। तो क्या पता कि या तो वो कॉलर जिन्होंने कॉल की थी और वो वाकई बताए थे कि उनके घर की तरफ से आवाज़ें आ रही हों, या फिर हमारे स्टूडियो से आवाज़ें आ रही हों, या फिर आपके अपने अपने घरों से वो आवाज़ें आ रही हों। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल कीजिएगा। जिंदगी रही तो कल दोबारा मुलाकात होगी। एंड टिल देन, खुदा हाफिज़।